हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक एंड बी सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि आपको किसी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर एक्सेस करने के लिए मिले और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि बचा हुआ कंटेंट देखने के लिए या तो आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स पर नहीं होता मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचें एंड देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग भी अपना योगदान दें आपका भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन हो यही मैग्नेट ब्रेन का ध्येय है और इसी को ध्यान में रखकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड इसी नोट पर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करेंगे तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग अपने क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री के की जो पहली हमारी किताब है जिसका नाम जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन इस किताब का जो चौथा और आखिरी चैप्टर है या फिर जो हमारी थीम नंबर फोर है जिसका नाम है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स इस चैप्टर के क्विक रिविजन का पहला पार्ट हम लोग आज के सेशन में शुरू करने वाले हैं तो, तो ये जो सेशन है कई सारे मायनों में आपके लिए काम आएगा हम जैसे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में इसके हर एक टॉपिक के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इसका वन शॉट रिवीजन वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसके एन सी अपलोड हो गए हैं इसके ऊपर एक आपका एम वगैरह के वीडियोज़ वगैरह अपलोड हो चुके हैं प्लस इसके ऊपर आपके सैम्पल पेपर वगैरह अपलोड हो चुके हैं तो इन सारी चीज़ों को करने के बाद में ये सेशन अब आपके कैसे काम आएगा पहली चीज़ तो ये अगर कोई टॉपिक छूट गया है अभी तक इस चैप्टर में से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है इसका कोई सेक्शन अगर कवर नहीं किया है और अब इतना टाइम नहीं है कि बहुत डिटेल में जाकर उसको पढ़ा जा सके तो इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से आप उसे क्विकली खत्म कर सकते हैं पहली चीज़ एंड उस टॉपिक को छोड़कर जाने की जगह उसको थोड़ा जो आपको समझ में आ जाएगा क्विकली आप उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे उसके बारे में आप बेटर परिस्थिति में रहेंगे अगर आपने किसी वजह से इस चैप्टर को पूरा ही छोड़ दिया है तो भी और अब टाइम नहीं है पढ़ने के लिए तो भी आप इसका क्विक रिविज़न कर सकते हैं और आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जो है इस चैप्टर की लग जाएगी समझ में आपको ही आ जाएगा अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो दो बार देख लीजिएगा प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है तो भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले सेशन को अगर आप देखते हैं तो इसकी मदद से आपके सारे कंसेप्ट वगैरह अच्छे से ब्रश अप हो जाएंगे चीज़ें एकदम तो दिमाग में फ्रेश रहेंगी एंड फिर आप ज़्यादा अच्छे से अपने आंसर्स को लिख पाएंगे ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में लिख पाएंगे एंड ऑबियस ये बात है फिर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे तो डजनट मैटर आप अपनी प्रिपरेशन के किस लेवल पर हैं पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के बैठे हुए हैं कुछ टॉपिक्स छोड़ के बैठे हुए हैं या फिर पूरा का पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ के बैठे हुए हैं आप तीनों में से किसी भी स्थिति में हूँ एग्जामिनेशन के एक दिन पहले दो दिन पहले तीन दिन पहले एक रात पहले जब भी आप ये सेशन देखेंगे आप कहीं ना कहीं बेनिफिट में रहेंगे एंड कुछ ना कुछ आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा तो इसी नोट पर सेशन शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर लडू जो थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट सिक्स बिफोर कॉमन एरा टू सिक्स कॉमन एरा के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है चलें देखते हैं सर तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम क्या है थिंकर्स बिलीवस इन बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट सिक्स हंड्रेड बिफोर कॉमन एरा टू सिक्स हंड्रेड कॉमन एरा मतलब बेसिकली इस चैप्टर में हमको तीन बारे में बातचीत करनी है या तीन ऐसे टॉप टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कशन करना है सबसे पहले तो हमको उन थिंकर्स के बारे में बातचीत करनी है जो इस टाइम पीरियड में हुए थे सिक्स हंड्रेड बिफोर कॉमन एरा से लेके स हंड्रेड कॉमन एरा के, के बीच में जो प्रामिनेंट थिंकर्स हुए थे जो दार्शनिक हुए थे जिनके विचारों ने हिंदुस्तान के समाज के ऊपर असर डाला है उनके बारे में बातचीत करनी है दूसरा टॉपिक है बिलीव्स बिलीव्स का मतलब हिंदुस्तान में ये जो पूरा ड्यूरेशन रहा है उस टाइम पीरियड में क्या रिलीजन् वगैरह डेवलप हुए हैं किस तरीके के बिलीव्स डेवलप हुए या फिर जो एग्जिस्टिंग रिलीजन था उसमें बिलीव्स वगैरह में किस तरीके के चेंजेस वगैरह आए थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करनी है एंड देन फिर बिल्डिंग्स वगैरह जो बनी है इस टाइम पीरियड में जो प्रामिनेट बिल्डिंग्स थी उनके बारे में बातचीत करनी है अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपके थिंकर्स हुए जो दार्शनिक हुए उन्होंने जो विचार दिए उन्होंने जो आपको सोचने का एक तरीका दिया आइडियोलॉजीज़ वगैरह दी पहले तो ये चीज़ और उसके बाद में जो आपके नए रिलिजन्स निकल कर आए इस टाइम पीरियड के दरमियान या फिर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो हमारा एग्जिस्टिंग रिलीजन था जो पुराना चला आ रहा था उसमें क्या चेंजेस वगैरह आए उन सब चीज़ों का प्रभाव ना सिर्फ आपको इंसानों के बिहेवियर पर कंडक्ट पर रहन सहन पर सोशल आपका जो पूरा का पूरा बिहेवियर होता है या सोसाइटी के पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर देखने को मिलता है बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये आपके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स वगैरह आपके आर्किटेक्चर को भी पे भी असर डाल है तो उन इन, इन सारी चीजों का असर जब आर्किटेक्चर के ऊपर पड़ा और जिस तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह फिर इस टाइम पीरियड में निकल कर आई जिस तरीके की बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया गया उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे अब ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हिं, आपका हिंदुस्तान में जो समाज था उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़कर गई हैं या फिर यूं बोलू कि हमारे कल्चर के ऊपर इनका बहुत बड़ा असर आपको देखने को मिलता है और इतना प्रोमिनें असर देखने को मिलता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इस टाइम पीरियड में हुई थी वो आज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग फॉलो कर रहे हैं जैसे जैन धर्म की बात की जाए तो जैनिज्म में अहिंसा के ऊपर जो इतना ज़्यादा आपका इंसिस्टेंस दिया गया है कि हमें भैया मानव मात्र के प्रति ही नहीं पेड़ पौधे हो गए या फिर जो आपके जो सूक्ष्म आपके जीवाणु वगैरह होते हैं उनके प्रति भी हिंसा नहीं करनी है हमें कोशिश ऐसे करनी है कि हमारे कारण किसी को तकलीफ ना हो तो ये जो अहिंसा का कंसेप्ट है जैनिज़्म के द्वारा दिया गया ये जो कंसेप्ट है आज भी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के समाज में इसका एक बहुत ज़्यादा जो है प्रोमिनेंस आपको देखने को मिलता है इसी तरीके से बुद्धिज़्म में कई सारे कंसेप्ट्स वगैरह जिन्होंने हिंदुस्तान के समाज के ऊपर एक असर डाला और वो असर भी जो है आज तक आपको देखने को मिलता है तो ऐसी जो अलग अलग आपके टाइम पीरियड में जो भी आपके चेंजेस वगैरह आए हैं ये चाहे थिंकर्स के चलते आए हूं चाहे आपके बिलीव्स में चेंजेस आए हों चाहे आपके आर्किटेक्चर में चेंजेस आए हों या इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि लिटरेचर में जो चेंजेस वगैरह आए थे इन सारी चीजों का प्रभाव जिस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर पड़ता है उसको बोलते हैं मानव मात्र यानी कि इंसान इंसान के ऊपर सारी की सारी चीजों का प्रभाव पड़ेगा अब इंसान कभी आइसोलेशन में या अकेला तो रहता नहीं है। और एक अकेले इंसान के ऊपर भी इन सारी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता जब पड़ता है तो फिर इन सारी चीज़ों का प्रभाव पूरे के पूरे समाज के ऊपर पड़ता है और जब सोसाइटी के ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है जी जब सोसाइटी के ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है जब सोसाइटी के ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या होता है सोसाइटी है सोसाइटी के ऊपर किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा किसी चीज़ का प्रभाव पड़ा तो उसके चलते सोसाइटी के फिर कल्चर में चेंज आने लगता है उसके चलते सोसाइटी जब सोसाइटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का अब वो आपकी थिंकर्स के चलते आए बिलीव्स के में जो बदलाव आए उसके कारण आए आर्किटेक्चर के कारण आए लिटरेचर के कारण आए किसी भी चीज़ के कारण आए मगर इन सारी चीज़ों का प्रभाव जब सोसाइटी के ऊपर पड़ता है समाज के ऊपर पड़ता है तो समाज का कल्चर जो है उसमें बदलाव आता है अब अगर एक बहुत हिंसक समाज है जहाँ पर आ, हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है अब वहाँ पर अगर जैनिज्म का ये विचार जो है कि भाई आप अहिंसा करोगे आप हिंसक तरीके से बिहेव नहीं करोगे आप हिंसा की प्रवृत्ति को नहीं अपनाओगे चाहे कुछ भी हो आपने जहां तक हो सकता है नॉन वायलेंस का पालन करना है अगर इस चीज़ को इस समाज ने जो बहुत ज़्यादा हिंसक था अगर अपना लिया तो क्या होगा यहाँ पर पीस आएगा यहाँ पर शांति आएगी अब पीस और शांति का मतलब यह है जो पहले के हिंसक हिंसा वाले तरीके थे हिंसात्मक तरीके थे समाज उनसे पीछा छोड़ाएगा दूसरे शब्दों में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कल्चर में चेंज आ जाएगा इसी की जगह अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एक पर्टिकुलर तरीके का रिलीजन फ्लरिश करता है जिसमें अहिंसा वगैरह के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है मगर उस जगह पर बहुत ज़्यादा हमले होने लगे बाहर से लोग अगर आके लड़ाई झगड़े लग, करने लगे तो फिर उस उन लोगों को आपका सर्वाइव करने के लिए हिंसा करनी पड़ेगी या फिर आपको आप फिर से हथियार उठाना पड़ेंगे अब आपको जो है फिर अपने मार्शल ट्रेडिशंस अपने यहाँ लाना पड़ेंगे बच्चे बचपन से जो है बच्चों को फिर उसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो बड़े होकर सोल्जर्स वगैरह बन सकें तो अब अगर ये समाज में ये बदलाव आएगा किसी भी वजह के चलते तो समाज ने अपने अहिंसा के प्रिंसिपल को एक तरफ रखकर परिस्थिति के अनुसार हथियार उठा लिए और उसके अनुसार मार्शल ट्रेडिशन अपना लिया अभी भी जो है आपको कल्चर में चेंज वगैरह देखने के लिए मिलेगा तो ये जो तीनों शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे हैं थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स कल्चरल डेवलपमेंट सिक्स हंड्रेड बिफोर कॉमन एरा टू हैंड्रेड कॉमन एरा मतलब ये कि इन तीनों चीज़ों के कारण थिंकर्स के कारण बिलीव के कारण और बिल्डिंग्स के कारण जो भी सामाजिक बदलाव जो कल्चर में चेंजेस वगैरह आए हैं इन बारह सालों के या हज़ार बारह सालों का जो वक्त रहा है 600 बिफोर कॉमन एरा से लेकर 600 कॉमन एरा तक बेसिकली उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है अब ये जो बात मैंने आपको समझाई वही बात इसमें लिखी हुई है नीचे की तरफ में कि अबाउट द फिलॉफर्स दैट केम ड्यूरिंग दीज थाउजेंड ईर्स एंड देयर अटेम्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इनहेबिटेड फॉर दिस वी विल सी हाउ देर आइडियाज़ वेर कम्पाइल्ड एज और टेक्सट ऑल्सो देर एक्सप्रेशन इन आर्किटेक्चर एंड कल्चर तो जो बात मैंने आपको समझाई उसी बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं हम उन फिलोसफर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इस इन हज़ार सालों के दरमियान हिंदुस्तान की धरती पर आए और इन्होंने फिर जो टाइम पीरियड जिसमें इनका जन्म हुआ था उस वक्त के समाज को जो उन्होंने समझने की कोशिश करी और उसको समझने के बाद में अपनी जो फ़िलासफीज़ वगैरह दी हैं उनके जो आइडियाज़ वगैरह फिर उन्होंने जो भी निकल कर है उनको उनके बारे में बात करेंगे प्लस उनके वो आइडियाज वगैरह को फिर किस तरीके से कंपाइल किया गया ओरल ओरली उनको कंपाइल किस तरह से किया गया रिटन टेक्स्ट में किस तरीके से उनका कंपाइलेशन हुआ इन सब चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इसके अलावा ये जो आपके आइडियाज या जो विचार विचार है या फिर जो फिलॉसफी है ये जो फिलॉसफर्स हैं इनके द्वारा जो ये फिलॉसफी दी गई इस फिलॉसफी ने आपका आर्किटेक्चर में और स्कल्चर में किस तरीके से अपना एक्सप्रेशन वगैरह को पाया यानी कि इस फिलोसफ़ी के बेसिस ने इस या फिर इस फिलोसफ़ी में जो आइडियाज़ वगैरह निकल कर आए उसने कैसे किसी जगह के आर्किटेक्चर को या वहाँ के स्कल्चर वगैरह में चेंजेस वगैरह लाए उन सारी बातों को भी हम लोग देखेंगे चलें आगे बढ़ते हैं तो पहला सवाल तो ये होता है कि अब ये फैक्टर जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है आपने बोला कि जो फ़िलासफ़र्स वगैरह आए थे इन हज़ार सालों में और उन्होंने समाज में जो बदलाव किया उस सब के बारे में बातचीत करनी है और उसके लिए हम लोग रिटन और ओरल टैक्स वगैरह देखेंगे इसके अलावा आपके जो आर्किटेक्चर और कल्चर वगैरह इसके बारे में बातचीत इन सबक देख कर समझने की कोशिश करेंगे कि वो फिलासफ़र क्या थे उन्होंने क्या फ़िलासफ़ी दी वो फ़िलासफी कैसे निकल कर आई वगैरह वगैरह एक प्रश्न जो उठेगा वो वह है कि भाई आखिर आपको इन चारों फैक्टर्स को ही पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको इन चारों फैक्टर्स की मदद से ही इस बात को क्यों समझना है और चार फैक्टर कौन कौन से ओरल टेक्स्ट और रिटर्न टेक्स्ट दूसरा आपके आर्किटेक्चर वगैरह और कल्चर वगैरह आपको आखिर इन्हीं की मदद से क्यों तो आपको फिलोसफर की फिलोसफीज को समझना है या इनके प्रभाव को हिंदुस्तान के ऊपर जो पड़ा है उसको समझना है इसकी वजह यह है क्योंकि इनको जब हम लोग देखते हैं तो इसकी मदद से हमको इनका इन्फ्लुएंस समझ में आता है कि जो थिंकर्स थे उन्होंने अपना कितना ज्यादा प्रभाव जो है लोगों के ऊपर डाला है देखिए जो चीज़ आपका ओरली एक से दूसरी जनरेशन में अगर ट्रांसमिट हो रही है कहानियों के रूप में किस्सों के रूप में या फिर दंत कथाओं के रूप में या फिर शिक्षाओं के रूप में किसी भी रूप में अगर एक कहानी जो है जिसको कहीं पे लिखा नहीं गया वो सिर्फ लोगों की स्मृति में है और वो एक से दूसरी जनरेशन दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी इस तरीके से एक के बाद एक दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होती चली जा रही है इसका मतलब वो प्रोमिनेंट चीज है अब आप खुद सोच के बताइए कि हिंद। आ, ये पर्टिकुलर अगर हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें हजारों सालों का हमारा इतिहास है इसमें कितने लोग आकर चले गए होंगे मगर सिर्फ कुछ गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको आज भी इतिहास में याद रखा जाता है या बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका हिंदुस्तान के इतिहास के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें तो एक व्यक्ति जिनका हिंदुस्तान के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव आपको देखने को मिलता है वो है सुभाष चंद्र बोस इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और पीछे की तरफ में जाएंगे तो एक व्यक्ति जिनका आपको बहुत ज्यादा प्रभाव हिंदुस्तान के ऊपर देखने को मिलता है वो वह छत्रपति शिवाजी महाराज और थोड़ा पीछे या फिर अगर हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लें या फिर गुरु नानक देव जी की बात कर लें या हमारे जो दसों गुरु हुए हैं उनकी बात कर लें और थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो फिर आपके आपके जो अलग अलग आपके जो संत वगैरह हुए हैं उनका कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलता है जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट संतों के बारे में हमको पढ़ाया जाता है शंकराचार्य वगैरह होगा तो इस तरीके से अगर किसी एक व्यक्ति का की टीचिंग्स को ओरली एक से दूसरी दूसरी से तीसरी तीसरी से चौथी जनरेशन में अगर लगातार ट्रांसमिट किया जा रहा है इसका मतलब यह है कि उसका समाज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा होगा तभी उसकी जो कहानियाँ हैं हज़ारों सालों तक एक से दूसरे दूसरे से तीसरे जनरेशन में ओरली बोल बोल कर बोल बोल कर ट्रांसमिट की जा रही है इसी तरीके से अगर उस व्यक्ति की किसी इंसान ने अगर कुछ काम किए थे कुछ फिलासफी दी थी कुछ बातें बताई थी कुछ टीचिंग्स वगैरह अगर दी थी और उनको लिख कर कंपाइल कर कर रखा गया है और इतने हज़ारों साल बाद भी अगर वो टैक्स वगैरह बचे हुए हैं इसका मतलब उस इंसान का हिंदुस्तान की समाज के ऊपर प्रभाव तो पड़ा होगा जाहिर सी बात है अगर ऐसा नहीं होता तो दो दो तीन तीन, -तीन हज़ार साल के बाद में उनके जो वर्क या उनका जो फिलासफी या टीचिंग्स थी वो बची नहीं रहती सर्वाइव ना करती मगर ये सर्वाइव कर गई ये बची रह गई इनको लिख कर तैयार किया गया ऐसे वक्त में जब कागज़ नहीं हुआ करता था लिखना अपने आप में एक मुश्किल टास्क था और तब इतने बड़े बड़े संकलन अगर बनाए गए हैं ताड़पत्रों के ऊपर लिख कर मतलब इनकी टीचिंग्स वगैरह में कुछ तो बात रही होगी जो समाज के ऊपर इनका प्रभाव पड़ा तो इसलिए ओरल एंड रिटन ट्रेडिशन्स वगैरह या ओरल एंड रिटन टेक्सट वगैरह को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है एट द सेम टाइम अगर किसी की कहानियाँ किसी की टीचिंग्स किसी की शिक्षाओं का आपका जो बिल्डिंग बनाने का तरीका है आपका जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है उसके ऊपर अगर प्रभाव देखने को मिलता है आपकी जो कलाकृतियाँ बनती हैं जो शिल्प कला वगैरह बनती हैं होती हैं उसमें अगर आपको प्रभाव देखने को मिलता है तो इससे भी ये समझ में आता है कि कितना गहरा इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति का समाज के ऊपर रहा होगा तो ये भी जो है कहीं ना कहीं हमको उस व्यक्ति के बारे में उसकी फिलोसफी के बारे में और उसका इंडियन कल्चर के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था उसको समझने में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारे लिए अदा कर सकती हैं तो ये जो सवाल है कि भाई आखिर इन चार फैक्टर्स को ही क्यों पढ़ना है या फिर इन चार फैक्टर्स की मदद से ही किसी व्यक्ति की फिलोसफी या उसके जो प्रभाव हैं भारत के समाज के ऊपर उनको क्यों समझना है इसका जवाब ये हो जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का या जो थिंकर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका कितना ज्यादा इंपैक्ट लोगों के ऊपर था वो हमको शायद सही तरीके से समझने में ये चार फैक्टर्स मदद कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की बात करें तो शायद वो पूरी तरीके से इंटायरिटी में हमको वो चीज़ समझा नहीं पाएगा मगर जब हम लोग इन चारों फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके एक एक एस्पेक्ट को देखेंगे तो कहीं ना कहीं शायद हमको ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ें समझ में आएंगी अब ये चैप्टर जो रहने वाला है इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बुद्धिज्म के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा हमने बोला थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स की बात करनी है मगर मेनली हम जैसे एक पर्टिकुलर थिंकर के ऊपर अपने फोकस को रखेंगे दूसरों के बारे में भी बात करेंगे अगर कहीं ना कहीं जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बुद्धिज़्म के ऊपर और बुद्धिज़्म का मतलब है जो जिस जिस थिंकर के ऊपर हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो होंगे हमारे जो आपके गौतम बुद्ध रहे हैं या फिर सिद्धार्थ गौतम जो या राजकुमार सिद्धार्थ जो बाद में जाके बुद्धा बने थे उनके बारे में हम लोग मेन बात करेंगे उनका जो बिलीफ उन्होंने डेवलप किया बुद्धिज़्म कैसे डेवलप हुआ और उसमें कैसे बदलाव हुआ है? हिंदुस्तान के ऊपर उसका कैसे प्रभाव पड़ा वो सारी बातें देखनी है और फिर उसका आर्किटेक्चर जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से देखने को मिला बुद्धिस्ट कल्चर आपको किस तरीके ये देखने को मिले इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने हालांकि बात थिंकर्स बिलीफ्स और बिल्डिंग्स की करनी है कई सारे थिंकर्स की बात करनी है कई सारे बिलीफ्स की, की बात करनी है कई सारी बिल्डिंग्स की बात करनी है बट मेन थीम जो रहेगी वो रहेगी बुद्धिज्म बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत इस चैप्टर में करेंगे मगर अब ऐसा भी नहीं है कि बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत करेंगे तो सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत करेंगे किसी और चीज़ का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इंटरेक्शन्स हुए उसके ये इन सब चीज़ों को नहीं देखेंगे ऐसा भी नहीं होगा हम लोग उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे हम बुद्धिज़्म को जब पढ़ेंगे तो हम इस कंसिड्रेशन के साथ पढ़ेंगे कि वो जो दूसरे आपके ट्रेडिशन्स वगैरह थे दूसरे तरीके के आपके जो बिलीफ थे दूसरे तरीके के आपके जो आपकी थॉट प्रोसेस वगैरह थी जो दूसरे तरीके के आपकी जो फ़िलासफ़ीज़ वगैरह थी जो उस वक्त में एग्जिस्ट करती थी जब गौतम बुद्ध हुए जब उन्होंने अपनी फिलोसफी को टीच किया तो उनका आपस में किस तरीके का इंटरेक्शन हुआ जब बुद्धा थे तो बुद्धा की जो एक फिलोसफी आई वो हो गई मगर ऐसा थोड़ी ना है कि जब बुद्धिस्ट फिलोसफी है तो उसके अलावा कोई दूसरी फिलोसफी नहीं थी जैन फिलोसफी भी थी वैदिक फिलोसफी भी थी आजीविकाओं की एक फिलोसफी भी निकल कर आई है और भी बहुत सारी फिलोसफीज वगैरह निकल कर आई है अब जब बुद्धिज्म धीरे धीरे ग्रो करने लगा तो फिर हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा हमेशा से ही रही है हजारों सालों से तो डिबेट्स एंड डायलॉग्स हो रहे हैं जैनिज्म के बीच में बुद्धिज्म के बीच में वैदिक फिलॉसफी के बीच में और बुद्धिज्म के बीच में आजीविकाओं के बीच में और बुद्धिज्म के बीच में तो इन सब की मदद से होगा यह कि बुद्धिज्म जै अब जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में अगर डिबेट एंड डिस्कशन हो रहे हैं तो जैनिज्म भी कुछ ना कुछ चीज़ें बुद्धिज्म से सीखेगा और बुद्धिज्म भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है जैनिज्म की अडॉप्ट कर लेगा यही बात आपका वैदिक फिलासफी पर लागू होती है यही बात आपका आजीविकाओं पर लागू होती है और बाकी लोगों पर लागू होती है तो पॉइंट यह है कि हम लोग जब यहां पे यह बोलते हैं कि हमारा इस चैप्टर में मेन फोकस बुद्धिज़्म रहने वाला है या फिर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग उसको आइसोलेशन में देखेंगे इसका मतलब यह है कि हम लोग ये देखेंगे हम इस कंसिलड्रेशन के साथ में देखेंगे कि वो जो दूसरे ट्रेडिशन्स वगैरह थे जो बुद्धिज़्म जब डेवलप हुआ और जब इवॉल्व हुआ और डेवलप होता चला गया जब उसके साथ में एग्जिस्ट करते थे तो उनका और बुद्धिज़म का किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा था और उसके नतीजे में बुद्धिज्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़े इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे क्योंकि बुद्धिज़्म जम की पूरी की पूरी फ़िलोसफी जो है वो डिबेट्स वगैरह के थ्रू और डिस्कशंस के थ्रू डेवलप हुई है और ये जितने भी आपके एग्जिस्टिंग जो हमारे आपको अलग अलग ट्रेडिशन्स देखने को मिलते हैं उन सब के साथ में बुद्धिज़म की डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह होती चली गई तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे ट्रडिशन्स ने एक दूसरे को इम्पैक्ट किया है बौद्ध धर्म की बात कर लें तो वो भी आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ और दूसरे जो हमारे रिलीजन्स वगैरह हैं उनकी भी बात की जाए जो हमारे धार्मिक रिलीजन्स हैं या इंडिया के जो नेटिव हैं वो भी आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुए हैं तो ये सारी चीज़ों के चलते हम लोग हालांकि बुद्धिज्म के ऊपर मेन फोकस रखेंगे बट कहीं ना कहीं इसके एवोल्यूशन या इसके डेवलपमेंट को पढ़ते वक्त बाकी सारी फिलोसफीज़ वगैरह को भी कहीं ना कहीं कंसिड्रेशन में लेकर आएंगे चले आगे बढ़ते हैं अब जो सोर्सेज वगैरह हिस्टोरियंस ने इस पूरे के पूरे थाट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इस वक्त के इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल किए हैं या इस टाइम पीरियड में जो पर्सनैलिटीज़ हुई हैं उनके प्रभाव को समझने के लिए जो सोर्सेज का इस्तेमाल किया है सबसे पहले तो उसमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट आते हैं जो बौद्धों के लिखे गए टेक्स्ट हैं उनकी बात की गई है दूसरा आपके जो जैनस के टेक्स्ट हैं उनकी बातचीत की गई है उनका इस्तेमाल किया गया इस वक्त की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए और तीसरा आपके जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए टेस्ट, टेक्स्ट हैं जो शायद इनसे थोड़ा सा पहले के भी हैं जो इस टाइम पीरियड में भी लिखे गए थे जब ये टेक्स्ट लिखे जा रहे थे और इसके बाद में भी लिखे गए उनके बारे में भी जो है बातचीत की गई है उनको भी जो है डिस्कशन में लिया गया तो ये जो पूरा कालखंड रहा है छ बिफोर कॉमन एरा से लेकर छह कॉमन एरा तक के लगभग हजार बारह साल इसमें इन फिलोसफीज को की टेक्स्ट वगैरह को या इनके लिटरेचर को जो काफी रिच लिटरेचर है उसकी मदद से जो है पूरे टाइम पीरियड में आए हुए कल्चरल डेवलपमेंट्स को इन तीन एस्पेक्ट्स में बिलीव्स में थिंकर्स में और बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने में हम लोग इनको सोर्स मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा जो मटेरियल रिमेन्स वगैरह रहे हैं इन पर्टिकुलर फिलोसफी से प्रभावित होकर जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाए गए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई जो आपकी केव्स वगैरह अजंता एलोरा में जो बड़ी बड़ी आपकी केव्स बनाई गई हैं कैलाश टेम्पल जैसा मंदिर जो पूरा का पूरा पहाड़ काट के मंदिर तैयार कर दिया या आपके स्तूप वगैरह हो गए या फिर आपके जो प्राचीन जैन मंदिर होगा गए इन सबको जो हम लोग स्टडी करेंगे मॉन्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से इन फिलोसफीज ने आर्किटेक्चर पर असर डाला और इंस्क्रिप्शन में जो भी हमको चीजें देखने को मिलती हैं चाहे छोटे छोटे आपकी मूर्तियां हो गई शिलालेख वगैरह हो गए स्कल्चर्स हो गए इस तरीके की जितनी भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो सारी चीजों को हम लोग इंस्क्रिप्शन वगैरह की कैटेगरी में पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा सोर्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस पर्टिकुलर फेज की फिलोस को समझने के लिए इन पर्टिकुलर रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन पर्टिकुलर फिलोसफीज के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें आगे बढ़ते हैं अब मॉन्यूमेंट्स की जब बात की जाती है है बुद्धिस्ट टैक्स की हम बात कर लें तो हमको पता है कि त्रिपिटक होते हैं या फिर जैन टैक्स की बात कर लें तो उनके आपको पता है क्या टैक्स वगैरह हैं ब्राह्मणिकल टैक्स की बात कर लें तो पता है धर्म सूत्र या धर्मशास्त्र वगैरह होते हैं वगैरह वगैरह मगर जब हमने बोला कि भाई मटेरियल रिमेन्स में हम लोग मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो मॉन्यूमेंट्स एंड एंस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज तो वो बिल्डिंग है जो बच गई हैं तो सवाल उठता है कौन सी बिल्डिंग और फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये बिल्डिंग जो इतना जो है इससे हमको किसी कालखंड के इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी इसका जवाब यह है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह इनमें से जो सबसे अच्छे से प्रिजर्व किया गया मोन्यूमेंट है जो जो हमको एक्चुअल में जो है काफी सारी चीजें बताता है जिसको की मदद से हम लोगों को एक इतिहास की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलती है कैसे मिलती है वो समझ में आएगा जब हम लोग जब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे मगर जो मोन्यूमेंट है जिससे हमको काफी सारी चीजें पता चल सकती हैं वो वो है आपका सांची का स्तूप जितने भी मोन्यूमेंट्स वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे जिन मोन्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जो हमें इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं उनमें से शायद सबसे अच्छे से प्रिजर्व किया गया मोन्यूमेंट जो है वो सांची का स्तूप है और ये मेजर फोकस रहने वाला है इस चैप्टर में जिसके और इसके बारे में हम लोग काफ़ी इत्मीनान से काफ़ी डिटेल से बातचीत करेंगे चले पहले तो अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा देता हूँ कि सांची का स्तूप दिखता कैसा है आज की तारीख में अच्छे से प्रिजर्व करने के बाद में सांची का स्तूप कुछ इस तरीके का आपको नज़र आता है देख लें इसको ये एक और तरफ से देख लें अब ये जो है ये एक दूसरा गेट है हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तब आपको पता चलेगा कि स्तूप में एंटर करने के चार गेट होते हैं तो एक ये गेट है एक यहाँ पर आपको गेट दिख रहा होगा इसी तरह से एक इसके जस्ट पीछे की तरफ में गेट होगा और एक गेट यहाँ पर होगा जो तस्वीर में आपको दिख नहीं रहा तो सांची का एक गेट यह है दूसरा गेट यह है जिसके सामने ये बौद्ध भिक्षु खड़े हुए हैं जिसमें देखिए चार आपके सम्राट अशोक के वो जो चार जो लॉयन कैपिटल का वो सिंबल बना हुआ है ये हमारी भारत का जो आज का ऑफिशियल जो एम्बलम है उसके तौर पे भी इस्तेमाल होता है तो ये सांची का जो स्तूप है वो हमारे लिए जो मॉन्यूमेंट्स हमको पढ़ने हैं उसमें एक मेजर अट्रैक्शन रहने वाला है और उसकी मदद से हम जो ये वर्ड बोल रहे हैं कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के मॉन्यूमेंट्स वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट रहेगा जिसकी मदद से हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से जो है डेवलप होने वाली है इस टाइम पीरियड में आर्किटेक्चर वगैरह को के रिस्पेक्ट में वो आर्किटेक्चर जो बुद्धस्ट फिलासफी से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहा है चले आगे बढ़ते हैं सांची का जो ये स्तूप है इसकी अगर हम लोग बातचीत करें तो अभी से नहीं जब से इंडिया की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करना शुरू की गई एंशेंट इंडिया की हिस्ट्री को जब से पढ़ना या सीरियसली समझने की कोशिश शुरू की गई तभी से सांची का जो स्तूप है वो हिस्टोरियंस के लिए एक फैसिनेशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है नाइनटीन सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे नाइनटीन सेंचुरी का मतलब क्या एटीन से लेकर एटीन या फिर नाइन्टीन के बीच का जो सौ साल है उसको नाइनटीन सेंचुरी बोला जाता है तो नाइन्टीन सेंचुरी के जो हिस्टोरियंस थे ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे सांची के स्तूप में इनफैक्ट जो आपके फ्रेंच उस वक्त के हिस्टोरियंस हुआ करते थे या जो आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे उन्होंने तो यहाँ तक किया था कि जो उस वक्त में भोपाल की रियासत हुआ करती थी उसकी जो नवाब हुआ करती थी बेगम हुआ करती थी उनका नाम था शाहजहां बेगम भोपाल की नवाब से या रूलर से उन्होंने बाकायदा जो है परमिशन मांगी थी कि जो सांची का ईस्टर्न गेटवे है जो मतलब उस वक्त सबसे अच्छी तरीके से प्रिजर्व किया गया था मैंने आपको बताया कि स्तूप में एंटर करने के चार गेट होते हैं तो चारों गेट चार अलग अलग, अलग दिशाओं में होते हैं तो जो ईस्टर्न गेट था या जो ईस्ट की तरफ से सांची के स्तूप में एंटर करने का गेट था वो बहुत अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया था वो सबसे अच्छी हालत में था तो फ्रेंच ने तो यहाँ तक परमिशन मांगी थी कि भाई हमको ईस्टर्न गेट लेकर जाने दो हम फ्रांस में ले जाकर उसको म्यूज़ियम में जो है डिस्प्ले करेंगे हालांकि ईरानी मानी नहीं या फिर आपकी जो वो नवाब थी वो मानी नहीं इंग्लैंड वाले जो थे इंग्लिश वो भी यही चाहते थे कि हमको भी जो है ये आपका ईस्टर्न गेट आप दे दो तो हम इंग्लैंड में ले जाकर वहां पर उसको ब्रिटिश म्यूजियम में रखेंगे और वहां से फिर जो है हम लोगों को इसका शो ऑफ करेंगे सारी चीजें हैं वहां पर हम लोगों को प्रदर्शनी वगैरह में लगाकर इसको दिखाएंगे हालांकि दोनों जो पार्टी थी चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो फिर आपकी इंग्लिश हो दोनों सेटिस्फाई हो गए जब उनको प्लास्टर से बनी हुई या प्लास्टर कास्ट कॉपीज वगैरह जो है उनको ओरिजिनल आपका जो ईस्टर्न गेटवे था उसकी दे दी गई तो वो दोनों खुश हो गए और खुशी खुशी उसको ले गए और इस तरीके से ये जो आपका ईस्टर्न गेटवे है जो जहां पर था वो वहीं पर रहा और इन सीटूज उसका प्रिजर्वेशन वगैरह हम लोग कर सके मगर इससे एक बात समझ में आती है कि अभी की बात नहीं अब मैं आपको बात बता रहा हूँ नाइनटीन सेंचुरी की और अभी चल रही है ट्वेंटी सेंचुरी मतलब दो साल पहले की भी अगर आप बात कर लें इतिहासकारों में जो खास तौर पर पुराना इतिहास की बात कर कर अगर हम करें हिंदुस्तान के प्राचीन इतिहास की बात करें उसको जानने वालों में उसको उसको पढ़ने वालों में उसको उसमें दिलचस्पी लेने वालों में सब लोगों में सांची का जो एक स्तूप है और उसके चारों गेट्स हैं सारी जो प्रॉपर्टी है ये अपने आप में एक फैसिनेशन का विषय हमेशा से रही है हालांकि ये फ्रेंच और और इंग्लिश को जब प्लास्टर कास्ट कॉपीज़ वगैरह मिल गई उसकी ईस्टर्न गेटवे की तो वो उनको लेकर uh, वहां पर प्रदर्शनी में ल, uh, लगाने के लिए चले गए मगर और इससे ये जो आपका ईस्टर्न गेटवे था वो अच्छे से प्रिजर्व हो गया मगर इससे हमको ये समझ में आता है कि जो स्तूप है और या फिर इसके जो गेट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं वो कितना रिलेवेंस रखती हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ने के पहले कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ आपको ये देखिए इसके इसका जो ईस्टर्न गेट है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है अब ये जो ईस्टर्न गेट है पूरा देखिए इस पर अच्छे से नीचे से लेके ऊपर तक में देखें और यहाँ पर देखें आपको चारों तरफ में कलाकृतियाँ वगैरह बनी हुई दिखेंगी ये शिल्प कला वगैरह जो है पूरी आपको देखने के लिए इस पर अच्छे से मिलती है एंड ये जो शिल्प कला है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है क्योंकि ये दो साल से ज़्यादा पुरानी शिल्प शिल्पकला हैं दो साल से ज़्यादा पुरानी कलाकृतियाँ हैं मगर आज भी इतना अच्छे से प्रिजर्व करके रखी गई हैं तो ऑब्वियस ये बात है कि किसी को भी जो है किसी का भी मन ये मोह लेंगी अब इस पर ये ध्यान से देखें हम बाद में इसके बारे में बात भी करेंगे ये पूरा इसके ऊपर कुछ बहुत सारा जो है आप, आ, बहुत सारा कारीगरी की गई है बहुत सारी जो आकृतियाँ वगैरह हैं वो के गई हैं हमने आगे पढ़ना भी है इसके बारे में तो इस तरीके से ये दिखता है तो ये आपके गेट वगैरह जो हैं वो आपको दिख रहे हैं और देखें ये एक और गेट है कितना देखिए खूबसूरत है इसके ऊपर कितनी सारी जो है कलाकृति वगैरह की गई है कितनी सारी शिल्प शिल्प कला वगैरह जो है इसके ऊपर की गई है देख लीजिए ऐसा तो इस तरीके से बहुत सारी शिल्प कला बहुत सारी कलाकृति बहुत सारी आकृतियाँ ये सब कुछ आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलती हैं अब ये इतना खूबसूरत अगर आपको यहाँ से देखने में लग रहा है तो सोच के देखिए जब इसको आप एक्चुअल में सामने से देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक निहारने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा लगेगा मगर जब इसको अगर हम एक इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो एक प्राचीन वक्त के इतिहास में नज़र डालने की कोशिश कर रहा है इसका इस्तेमाल करते हुए जब इसको बनाया गया था उस वक्त में वो लोग कितने कुशल रहे होंगे इस पर्टिकुलर बात को समझने के लिए जिस रिलीजियस झील के साथ जिस डिवोशन के साथ में इसको बनाया गया होगा उसको समझने के लिए अगला सवाल यह कि इसके ऊपर इसको ऐसे ही क्यों बनाया गया इसको किसी और तरीके से नहीं बनाया गया यह सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें अगर आप एक इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जो निकल कर आती हैं अब इसमें यहां पर यह इस तरीके से गोल गोले या फिर इस तरीके से गोल आकृति बनाने का क्या सेंस बनता है यहां पर यह जो आपने हाथी बनाए हैं गणेश की जी की प्रतिमा है या फिर यह सिर्फ एक हाथी को जो है बनाया गया है इस काफी सारे सवाल जो है खड़े होते हैं अब इसके पहले जो मैंने आपको दिखाया था इसके पर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये एक आपका पूरी की पूरी कहानी जो है इसके ऊपर उकेरी गई है अगला सवाल ये उठेगा कि आखिर ये सवाल कहानी यहाँ पर क्यों उकेरी गई है ये जो आपकी पंचतंत्र की या फिर इस तरीके की जो आपकी कहानी है ये यहां पर उकेरने का क्या सेंस बनता है या फिर ये जो चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं यहाँ पर ये जो आपके जो यक्ष दिखाए जा रहे हैं इनका क्या सेंस बनता है तो इस तरीके के बहुत से सवाल वगैरह एक हिस्टोरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होते हैं अब उसके लिए तो ये एक तरीके से खजाने की तरह है जो उसको मिल गया है और ये इतनी सारी चीजों को स्टडी करने में उसकी हेल्प कर सकता है तो कहीं ना कहीं इन सारी वजुहत के चलते ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है अगर आप एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तो चलें अब ये इसलिए जो है सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट है और इसलिए सांची के स्तूप के बारे में इतमिन से और बहुत डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अब आगे बढ़ने के पहले ये तो खैर मैंने आपको एक इतिहासकार के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना जो मेरा एक नज़रिया है वो बताया मगर आगे बढ़ने के पहले जो भोपाल की बेगम हुआ करती थी पहले मैं आपको फोटो दिखाऊं इनका नाम था शाहजहां बेगम ये भोपाल की भोपाल रियासत की नवाब रही हैं सिक्सटी से लेकर उन्नीस तक इन्होंने रूल किया अब इनके टाइम पीरियड में सांची का जो ये पूरा का पूरा स्तूप है इसकी अच्छे से प्रिजर्वेशन वगैरह की गई थी और बाकी सारी चीज़ें की गई थी तो इनके साथ में आ, इनके साथ में जब आपके अंग्रेज़ अफसर वगैरह आए जिन्होंने इसका पूरा प्रिजर्वेशन वगैरह कराया तो उनका जो एक रिएक्शन था पूरे सांची के स्तूप को उस वक्त में देख कर उस सारे रिएक्शन के बारे में इन्होंने अपनी पर्सनल अकाउंट्स में जो भी बातें लिखी हैं तो वहाँ से एक छोटा सा हम लोगों ने पन्ना उठाया है एन के पहले पेज पर आपको ये देखने को मिलेगा अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये जो ये जो आपकी नवाब ने उनके ऑब्जर्वेशन जो भी किए थे लिखे हैं मगर इससे अपने को समझ में आएगा कि हिस्टोरियंस उस वक्त भी कितने पागल हुआ करते थे सांची के खूबसूरत से खजाने को लेकर सांची के इस, आ, बहुत अच्छे से प्रिजर्व किए गए स्तूप को लेकर चलें पढ़ते हैं अब ये जो बातें लिखी गई हैं वो दवा, ये बेगम ने अपने खुद की शब्दों में लिखी हैं तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं सांची इन द नाइनटीन सेंचुरी द मोस्ट वंडरफुल एंशियन बिल्डिंग इन द स्टेट ऑफ भोपाल आर एट सांची कांकर खेड़ा अ स्मॉल बिल्डिंग अंडर द बो ऑफ हिल, सम 20 माइल्स साउथ uh, 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल विच वी विजिटेड येस्टर्डे यानी कि जो सबसे पुरानी जो प्राचीन भारत की सबसे शानदार बिल्डिंग्स जो तो अभी बची हुई हैं उसमें से सबसे बढ़िया जो बिल्डिंग आपको देखने को कम अज़ कम भोपाल रियासत में जो देखने को मिलती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है साँची कांकर खेड़ा नाम का एक छोटा सा गाँव है वहाँ पर आज की तारीख में साँची एक ठीक ठाक शहर बन गया मगर उस वक्त की बात जब ये हो रही है तब एक छोटा सा गांव हुआ करता था सांची कांकर खेड़ा करके एक छोटा सा गांव है वहाँ पर और ये भोपाल का जो शहर है उससे लगभग 20 मील दूर है नॉर्थ ईस्ट के इलाके में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वहाँ पर आपको ये सबसे अच्छे से प्रिजर्व की हुई सबसे शानदार एनशियट बिल्डिंग देखने को मिलती है भोपाल रियासत की जहाँ पर हम लोग कल गए थे वी इंस्पेक्टेड द स्टोन स्कल्चर एंड स्टैचूज ऑफ द बुद्धा एंड द एनशियट गेट हमने यानी कि बेगम के साथ में कोई था कौन था भी आगे बता रहा हूँ मगर हमने सब वहाँ पर जाके क्या किया जो पत्थर के स्कल्चर्स हमको देखने को मिले हैं जो पत्थर की बनी हुई आपकी मूर्तियाँ या स्टैचूज या स्कल्चर्स थे उन जो भगवान बुद्ध के थे और बाकी लोगों के भी जिनके हमको मिले उनको हमने देखा इसके अलावा जो एंशियंट गेट वे है एंशियंट गेट वे यानी कि इस वाले इस गेट की बात की जा रही है ये जो गेट्स वगैरह हैं इनकी बात की जा रही है इन एंशियंट गेटवे वगैरह को भी जो है हम लोगों ने इतमान से देखा द रूइंस अपियर टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू द यूरोपियन जेंटलमैन अब ये जितने भी खंडहर या फिर ये जो भी आपका बच्चे कुछ अवशेष हैं इस बिल्डिंग के ये सब कुछ जो है जो हमारे साथ में यूरोपियन जेंटलमैन गया था वो उसके लिए सारी चीजें बहुत कौतूहल का विषय थी उसको ये बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था इस बंदे का नाम क्या था मेजर अलेगजेंडर कनिंगम स्टेट सेवरल वीक्स इन दिस नेबरुड एंड एग्जामिन दीस रूइंस मोस्ट केयरफुल्ली अब ये जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम है ये यूरोपियन जेंटलमैन जिसका जिक्र नवाब यहाँ पे कर रही है ये कई हफ्तों तक फिर इस इलाके में रुका सांची कांकर खेड़ा के इलाके में रुका और इसने जो है यहाँ पे पूरा जो ये रोइन वगैरा से केयरफुली स्टडी किया इसके आसपास के पूरे क्षेत्र को स्टडी किया सारी चीजें इस व्यक्ति ने देखी आगे ही टुक ड्रॉइंग्स ऑफ द प्लेस डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शन एंड बोर्ड शैफ्ट डाउन दीज डोम्स तो उसने तीन चीजें करी यहां पे एक तो उसने सारी की सारी जगह की आपने जो भी, जो भी सारी की सारी जगह को देखा इसके नक्शे बनाए इसकी ड्रॉइंग्स बना ली दूसरा उसने यहां पर जो शिला लेख या फिर जो भी इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिले उन सबको डिसाइफर किया उसने उन सबको पढ़ा मतलब जो भी लिपि में या लैंग्वेज में लिखा हुआ तो उनको समझा और उसके बाद में उनको पढ़ने में कामयाबी हासिल करी तीसरा जो आपको स्तूप का डोम देखने को मिलता है उसके अंदर बोरिंग वगैरह करके उसमें गड्ढा वगैरह करके

168 1901 हिस्ट्री ऑफ भोपाल, भोपाल ट्रांसलेटेड कि ये किताब जो है ये सबसे पहले तो शाहजहां बेगम ने अपनी पर्सनल डायरी में कुछ लिखा था उसके बाद में जब ये किताब लिखी गई बेसिकली इसका जो लंबा थोड़ा नाम है ताजल इकबाल तारीख भोपाल इसका मतलब बनता है भोपाल का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ भोपाल अब उस किताब को जब लिखा गया था तो उसमें फिर बेगम की डायरी से ये पर्सनल बनना जो था ये डाला गया जिसमें ये सांची के स्तूप का जिक्र आपको देखने को मिलता है और इस किताब को पहले तो खैर उर्दू में या जिसमें भाषा में लिखा गया था बाद में एटीन में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो वहाँ से हमको ये समझ में आता है कि उस टाइम पीरियड में भी जो मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम थे वो कितना ज़्यादा जो है फैसिनेटेड थे इस पर्टिकुलर बिल्डिंग को लेकर और इस और फिर जो भी स्टडी उन्होंने शुरू करी बाद में फिर इसमें और जो आपको चीज़ें वगैरह जोड़ती गईं और चीज़ें पता चलें इससे हिंदुस्तान के इतिहास का एक ज़बरदस्त पन्ना खुला और हमको काफ़ी सारी बातें जो हैं बीते हुए इतिहास के बारे में पता चली जो हम खुद भूल चुके थे तो इसलिए भी जो है कहीं ना कहीं बिल्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है ये फिर से बेगम की तस्वीर आगे बढ़ते हैं अब ये जो बेगम हैं शाहजहां बेगम ये आपका उस वक्त में द देन रूलर ऑफ भोपाल स्टेट शाहजहां बेगम एंड देन हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एंशियन साइट ड्यू टू तो दिस जॉन मार्शल डेडिकेटेड इज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑन सांची टू तो सुल्तान जहां तो ये जो बेगम है जिनका भी हमने जिक्र किया शाहजहां बेगम इनके बाद में इनकी जो सक्सेसर आई जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा प्रोवाइड कराया था ताकि सांची का ये जो पूरा इलाका है सांची कांकर खेड़ा जो गाँव है उसके पूरे इलाके में जो एक प्राचीन आपका जो स्तूप आप मिला है और बाकी सारी चीजें हैं इनका अच्छे से प्रिजर्वेशन करवाया जा सके इसके लिए भर भर के इन्होंने पैसा लगाया था पहली चीज तो ये सब पैसे ऐसे की बात छोड़े पहले इंटरेस्टिंग चीज देखिए कितना निकल कर आती है कि भोपाल रियासत में एक के बाद एक दो नवाब जो हुए हैं वो आदमी नहीं है वो महिलाएं हैं तो ये अपने आप में एक यूनिक बात है कि पहले आपकी शाहजहां बेगम और उसके बाद में उनकी जो सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम है एक के बाद एक जो है इस उस टाइम पीरियड में जब हिंदुस्तान इतना ज्यादा पेट्रियल हुआ करता था पितृ सत्तात्मकता इतनी ज्यादा होती थी महिलाएं जनरली दबी कुचली थी या फिर उनको घरों के अंदर बंद रखा

किया गया जो उन्होंने फिर जो भी किताबें वगैरह छापी उसको उन, या पूरा सांची की स्टडी को लेकर जॉन मार्शल साहब जो थे उन्होंने फिर इसको बकायदा डेडिकेट किया था आपकी सुल्तान जहां बेगम आ, को उन्होंने बकायदा ये पूरा का पूरा वर्क जो है डेडिकेट वगैरह किया था साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया जिसमें जो काफ़ी सारी शिल्पकला या सारी जो चीज़ें थी उनको प्रिजर्व भी किया गया काफ़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में चीज़ें जो यहाँ पर बिलीफ उनको प्रिजर्व किया गया तो ये म्यूजियम बनाने में भी उन्होंने काफ़ी पैसा वगैरह खर्च किया प्लस साथ ही साथ जब जॉन मार्शल और इसके पहले अलेक्जेंडर कनिंगम या जो भी लोग यहाँ पर आए मैं ये जो आपके मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम यहाँ पर आए उसके बाद में जॉन मार्शल आके रहे इन लोगों ने जो यहाँ पर रुके हैं और रुक फिर इन्होंने जो सारा काम वगैरह किया है तो रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं वगैरह भी अच्छे से करवाई गई तो एक गेस्ट हाउस वगैरह भी जो है इन्होंने बनवाया ताकि यहाँ पर रुक फिर इन सारी किताबों को लिखा भी जा सके एंड साथ ही साथ जब बाद में ये किताबें बन गई तो फिर इनको पब्लिकेशन वगैरह करने के लिए पैसे भी जो है इन्होंने लगाए तो कुल मिलाकर सांची के बारे में आज जिसके चलते हमें भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ पता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा योगदान बेगम सुल्तान जहां बेगम को जाए ता है और उसके बाद में सुल्तान जहां बेगम को या शाहजहां बेगम दोनों को जो है आपको क्रेडिट इसका देना पड़ेगा चले आगे बढ़ते हैं तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शाहजहां बेगम सुल्तान जहां बेगम इन दोनों का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज की तारीख में सांची का जो स्तूप है और पूरा का पूरा उसका जो कॉम्प्लेक्स है ना सिर्फ वो सर्वाइव कर पा रहा है बट साथ ही साथ वो अच्छे से वेल प्रिजर्वड है और आने वाली कई जनरेशन तक जो है उसको अच्छे से हम लोग संभाल कर रख पाएंगे एंड अब आते हैं इस बात के ऊपर कि भाई सांची का स्तूप इंपॉर्टेंट क्यों है तो इसका जो एक लाइन में जवाब बनता है कि सांची का जो स्तूप है इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर दैट हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म सांची का स्तूप क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से अर्ली बुद्धिज्म जो है बुद्धिज्म के भी कई सारे फेज आए थे तो शुरुआती जो बौद्ध धर्म था उसको और उसके बाद का भी जो बौद्ध धर्म रहा जिस टाइम पीरियड में इसको बनाया गया उस वक्त में बौद्ध धर्म का क्या इतिहास था क्या परिस्थितियाँ थी सारी चीज़ों को समझने में और जो हमारी समझ थी इसको इन्स करने में इसको ट्रांसफॉर्म करने में सांची के स्तूप का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसलिए अगली बुद्धिज्म की अंडरस्टैंडिंग में क्योंकि इसने बहुत बड़ा हेल्प किया इसलिए इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है चले आगे बढ़ते हैं अब कुछ सवाल जो है हम लोग अपने आप से पूछते हैं और उसकी मदद से फिर हम लोग इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे अब हम लोग धीरे धीरे इसकी डिटेल में एंटर करना शुरू करेंगे सवाल जो सबसे पहले हमको पूछना चाहिए वो यह है कि इस मॉन्यूमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है क्यों ये इतना रेलिवेंट है या फिर इसको बनाया क्यों गया था पहले हमारे लिए चलो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें तो काफ़ी कुछ पता चलता है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने बनाया था उनका क्या सिग्निफिकेंस था सांची काकर खेड़ा क्या हमेशा से एक छोटा सा गांव या छोटा सा हेमलेट था छोटी सी से सेटलमेंट थी या कभी एक बड़ा शहर था आखिर इसको इसी जगह बनाने का क्या प्रयोजन था इसको बनाने में इन भाई लोगों को क्या मजा आ रहा था जिन्होंने बनाया था इसका क्या लॉजिक बनता है सिग्निफिकेंस क्या बनता है तो ये सवाल दूसरा सवाल ये कि बनाया क्यों गया था और तीसरी बात यह कि इसमें अंदर है क्या एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या आखिर इसको बनाया किसने था ये कुछ सवाल हैं जो हमको अपने आप से पूछना पड़ेंगे अब इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमको कई सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा कई सारी चीजों को रेफर करना पड़ेगा और उसके बाद में कुछ हमको इसका जवाब कुछ हद तक मिलता है पूरी तरह से उसके बाद भी हमको उसका जवाब नहीं मिलता हमको सबसे पहले तो टेक्सट पढ़ना पड़ेंगे जो लिटरेचर है उस टाइम पीरियड का जो ओरल दंत कथाएँ हैं और जो रिटर्न लिटरेचर है सब कुछ हमको देखना पड़ेगा दूसरा जो कल्चर्स वगैरह इस टाइम पीरियड में इसके पहले इसके बाद में हुए थे वो देखना पड़ेंगे आज आर्किटेक्चर वगैरह जो इस टाइम पीरियड में किया गया था वो देखना पड़ेगा और जो वगैरह हमको इस वक्त में मिले हैं सारी चीजों को देख कर, समझ कर, हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे और उसकी मदद से फिर हम लोग कुछ कह सकते हैं इन सारे सवालों के जवाब के रिस्पेक्ट में कि क्या इसका सिग्निफिकेंस था किसने इसको बनाया क्यों बनाया इसके अंदर क्या है सारी की सारी चीजें इन सारे सवालों का जवाब हमको कुछ हद तक उसके बाद में मिलेगा चले आगे बढ़ते हैं अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो यहाँ अब ये जो सवाल वगैरह हैं इसी को समझने की आ, की राह में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है इन सवालों की अंडरस्टैंडिंग है इन सवालों का जवाब देने की तरफ हमको थोड़ा ज्यादा करीब लेकर जाएगा उस टॉपिक का नाम है द बैकग्राउंड सेक्रीफाइजेज एंड डिबेट देखते हैं सर मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा दैट इज 500 बिफोर कॉमन एरा इज ऑफन रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री ये जो लाइन है इसमें दो तीन शब्द हैं पहले इसका मतलब समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे पहला शब्द जो हमको समझना है वो है मिलेियम मिलेियम का मतलब होता है हज़ार साल ठीक है सेंचुरी का मतलब होता है सौ साल और मिलेियम का मतलब होता है हज़ार साल अब मिड मिलेम की या फिर अगर हम लोग पहले मिलेियम की बात करें तो मतलब पहले हज़ार साल ठीक है जी बिफोर कॉमन एरा के या फिर जो आपका कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट जो हम लोग बोलते हैं उसके जो पहले हज़ार साल हैं उसकी बात करें तो वो फर्स्ट मिलेनियम हो जाएगा अब हमने बोला है मिड फर्स्ट मिलेनियम यानी मिड फर्स्ट मिलेनियम का यानी कि फर्स्ट मिलेनियम का आधा यानी कि पाँच साल तो मिड फर्स्ट मिलेनियम पर कौन सी शताब्दी पड़ेगी पाँचवीं पाँचवीं शताब्दी पड़ेगी जिसको कई बार हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं फाइव बिफोर कॉमन एरा तो ये सिर्फ इंग्लिश में लिखने का एक तरीका है थोड़ा सा फैंसी तरीके से उन्होंने फैंसी अंग्रेजी का इस्तेमाल करके लिख दिया तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है

पारस से आए हुए वो लोग जो इस ज़ारा चूसरा के द्वारा शुरू किए गए रिलीजन का पालन करते थे जिसको जो बोला जाता है जिनको हम लोग हिंदुस्तान में पारसी के नाम से जानते हैं वो इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं जो ईरान में इन्होंने शुरू करी थी और ये कब हुए थे फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में दूसरे कॉन्गजी नाम के एक व्यक्ति चाइना में हुए थे इनका भी जो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन के ऊपर एक बहुत प्रभाव देखने को मिलता है ग्रीस की अगर बात करें तो इसी वक्त में आपको सुकरात प्लाटो और एरिस्टोटल ये तीनों लोग देखने को मिलते हैं और अगर प्यारे देश भारत की बात की हिंदुस्तान की बात की, इंडियन सब की बात की जाए, तो इंडियन महावीर जिनको भगवान महावीर भी बोला जाता है और दूसरे हुए हैं गौतम बुद्ध जिनको भगवान बुद्ध भी बोला जाता है हिंदुस्तान में तो याद रखिएगा इस बात को कि फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये सारे के सारे लोग एक दूसरे के समकालीन थे ईरान में जरा दूसरा कॉन्गजी कौन कहाँ पे हुए थे चाइना में शोकरात प्लाटू और एरिस्टोटल कहाँ हुए थे ग्रीस में और महावीर एंड गौतम बुद्ध कहाँ पे हुए थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध हुए थे इंडिया में चले आगे बढ़ते हैं दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एक्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग एंड कॉस्मिक ऑर्डर अब इन सब लोगों ने अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिस समाज में ये जन्मे थे जिस तरीके के बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी के साथ में ये बड़े हुए उन सबको इतर रखते हुए अपने वक्त में इन्होंने अपने हिसाब से जो भी इनकी अपब्रिंगिंग थी जो भी इनका थाट प्रोसेस था उस सबके साथ में इन्होंने समझने की कोशिश करी कि जो आपका मिस्ट्रीज़ होती हैं ऑफ़ द एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर जो परब्रह्म है या फिर जो आपका पूरा का पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड है जो कॉस्मोज हैं इसमें जो एक ऑर्डर है जिस पर्टिकुलर एक पैटर्न में ये जो सृष्टि है दुनिया चल रही है इसमें और एक जो आपका इंसान है उसमें क्या रिलेशनशिप है ईश्वर क्या है ईश्वर किस तरीके से हमको जो है अपने साथ जोड़ता है ईश्वर की आराधना कैसे की जानी चाहिए वगैरह वगैरह सब ने जो है अपने हिसाब से इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू किए तो दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर इंसान में और परब्रम्ह में ईश्वर में या फिर इंसान में और इस पूरी दुनिया को बनाने वाले में इंसान को इस पूरी सृष्टि के पैटर्न में जो भी आप बोलना चाहो इनके बीच में रिलेशनशिप्स वगैरह को इन्होंने स्टडी करने के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया काफी ज्यादा एम्फेसिस किया अब इसी टाइम पीरियड की बात की जाए तो हिंदुस्तान में क्योंकि भगवान बुद्ध हुए भगवान आपके महावीर हुए यह भी इसी पूरे के पूरे सवालों के जो हैं जवाब तलाशने में लगे थे कि ईश्वर क्या है क्या नहीं है मनुष्य का ईश्वर के साथ में क्या रिलेशनशिप है पुनर्जन्म होता है नहीं होता है होता है तो क्यों होता है ये रिचुअल्स वगैरह जो हैं ये क्यों किए जाते हैं सेक्रीफाइस का क्या महत्व है वगैरह वगैरह हिंसा या अहिंसा क्या क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है इस तरीके के बहुत से सवाल जवाबों की तलाश में भगवान बुद्ध भी लगे हैं भगवान

नॉमिक ऑर्डर जो पहले से डेवलप्ड था उसमें कुछ बदलाव या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे थे इंटरेस्टिंग बात है समझिएगा फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में भगवान बुद्ध भगवान, भगवान महावीर दोनों हुए है ना इस टाइम पीरियड में आपकी किंगडम्स वगैरह निकल कर आ रही हैं नई किंगडम्स वगैरह जो हैं वो इवॉल्व कर रही हैं निकल कर आ रही हैं जो एग्जिस्टिंग किंगडम्स है वो बड़ी हो रही हैं मगध जो है उसका राइज़ हो रहा है और आपके कुरु पांचाल कौशल प्रदेश इन सारी किंगडम्स वगैरह का भी जो है विस्तार हो रहा है अब क्योंकि ये किंगडम्स वगैरह निकल कर आ रही हैं साथ ही साथ जो नए शहर वगैरह हैं उनका भी उदय आपको देखने को मिल रहा है और जो पुराने शहर हैं वो भी बड़े होते चले जा रहे हैं तो नई किंगडम्स का उदय नए शहर जो निकलते चले जा रहे हैं और ये सारा का सारा काम कहाँ पर चल रहा है ये सारा का सारा काम चल रहा है गंगा वैली में तो आप कैंगटिक वैली में जब ये सारा का सारा काम हो रहा है तो इसके चलते जो एग्जिस्टिंग आपका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ थी उसमें आपको बदलाव देखने को मिलते हैं या फिर एक नए तरीके का सोशल पैटर्न एक नए तरीके की इकोनॉमिक पैटर्न्स नए तरीके की इकोनॉमिक लाइफ सोशल लाइफ आपको समझ में आती है इसको थोड़ा सा हम लोग एक मॉडर्न टाइम पीरियड के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था 1947 में उस वक्त की परिस्थितियां अलग थी उस वक्त की सरकम अलग थी अब वो जो समाज था उसके सोचने का तरीका भी अलग था सोशल लाइफ भी अलग थी और इकोनॉमिक लाइफ भी अलग थी कमाने खाने के तरीके भी अलग थे आज का अगर हिंदुस्तान अगर हम लोग कंपेयर करें 1947 वाले के साथ में तो हमारे शहर बदल चुके हैं हमारा जो आपका इकोनॉमिक मॉडल है वो बदल चुका है हमारा देश भी जो है कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा हो गया 1947 में जितना था गोवा को हमने अपना हिस्सा बनाया है और इसके अलावा आपका जो, जो सिक्किम वगैरह का पोर्शन है वो भी हमने अपने हिस, अप, अपना हिस्सा बनाया इस तरीके से वक्त में शायद आने वाले वक्त में और भी शायद कुछ इलाकों को हम अपने देश का हिस्सा बनाएंगे कहने का मतलब ये है भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया वो नहीं है जो नाइनटीन में था उससे थोड़ा सा बड़ा ही हुआ है एक बात हिंदुस्तान का समाज वो नहीं है जो तब हुआ करता था क्यों क्योंकि शहर बड़े हो गए शहर बदल गए समाज बदल गया इकोनॉमिक लाइफ बदल गई आपका सामाजिक परिवेश बदल गया सोचने का तरीका बदल गया आज का जो हिंदुस्तानी है नाइनटीन के हिंदुस्तानी से ज़्यादा स्वस्थ है ज़्यादा पढ़ा लिखा है एक सोच का थाट प्रोसेस जो है उसका अलग है ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दुनिया की आंखों में आके डाल के बात कर रहा है तो पॉइंट यह है कि 1947 से लेके अगर अभी की बात की जाए तो 100 साल भी नहीं हुए आज़ादी को और इतना ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है उसी तरीके से फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा की बात की जाए तो उसके पहले के टाइम पीरियड की अपेक्षा यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में बदलाव आपको देखते देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से अभी एक पंद्रह बीस सालों में एकदम से बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है उसी तरीके से फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में भी एक वक्त ऐसा आया था जब नए नए शहर नए नए किंगडम्स बहुत तेज़ी से इमर्ज होना शुरू हुए उसी के साथ में आपका सोशल और इकोनॉमिक लाइफ वगैरह में भी जो है चेंजेस आप को देखने को मिले अब ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे इस टाइम पीरियड में भगवान बुद्ध हुए भगवान महावीर हुए और जो दूसरे लोग थे वो आपके मेटाफिजिकल क्वेश्चन की या फिर जो स्पिरिचुअल क्वेश्चन हैं इन सारे सवालों का जवाब तलाश रहे हैं और उसी वक्त में सारे के सारे बदलाव हो रहे हैं तो उन्होंने इन सारे सवालों को के जवाब तलाशने के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट्स या फिर जो ये चेंजेस आ रहे थे इनको भी समझने की कोशिश करी है और इन सारी चीज़ों को भी जो है समझ कर इन सारी चीज़ों की मदद से एक अंडरस्टैंडिंग जो है अपने सवालों के जवाब की डेवलप करने में भी जो है इन सारे चेंजेस वगैरह को की मदद से जो है डेवलप करने की कोशिश की है तो इन सारे चेंजेस को भी समझा है इन सारे चेंजेस के पीछे के जो प्राइम फैक्टर थे उनको भी समझने की कोशिश करी है एंड इन सारे चेंजेस के साथ साथ आपके जो सवाल वगैरह जिनकी तलाश ये करी रहे हैं जिन जिन रिलेशनशिप्स को ये ढूंढ रहे हैं उनको भी जो है समझने की कोशिश करिए इनके बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करिए और भी बहुत सी चीजें डेवलप करने की कोशिश करिए नतीजा क्या हुआ अल्टीमेटली फिर एक फिलॉसफी जो है इन्होंने डेवलप कर ली और उस फिलॉसफी के बारे में जिसको हम लोग बुद्धिज़्म कहते हैं और भी जैनिज़्म कहते हैं इनके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे चलें तो बुद्धिज़म की अगर बात की जाए अभी जो टॉपिक है द सेक्रीफाइज द सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन इसमें हम पहले ये देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने जब बुद्धिज़म को शुरू किया या बुद्धिज़म एक प्रोमिनंट रिलीजन बना उसके पहले हिंदुस्तान में क्या परिस्थितियाँ थीं किस तरीके का समाज था बिलीफ वगैरह क्या हुआ करते थे Before Buddhism, there were many pre existing traditions of thought, religions, belief, and practice. Most prominent were known as early Vedic traditions. They were derived from or known from Rigveda. तो बौद्ध बो, धर्म शुरू होने के पहले या बुद्धिज़्म शुरू होने के पहले हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था कि एक ही रिलीजन चल रहा था या इस तरीके की बात थी उसके पहले भी बहुत सारे आपके थॉट्स वगैरह थे कई सारे तरीके के विचार या कई सारी फ़िलोसफीज जो हैं आपको देखने को मिलती हैं कई सारे रिलीजन्स आपको देखने को मिलते हैं कई सारे तरीके के बिलीफ्स आपको देखने को मिलते हैं और कई सारी तरीके की प्रैक्टिसज वगैरह जो हैं वो भी आपको देखने को मिलती हैं तो बुद्धिज़्म शुरू होने के पहले बौद्ध धर्म आने के पहले बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरीके की देखने को मिलती हैं अलग अलग रिलीजन् भी थे अलग अलग फिलोसफी भी थी अलग अलग प्रैक्टिस भी थी अलग अलग तरीके के बिलीव भी थे मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि बुद्धिज्म आने के बाद ही डाइवर्सिटी आई है ये हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी उसके पहले भी थी इन सारी चीजों के होने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी हमेशा से रही है हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसा है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी हमेशा ही जो है आपको देखने को मिलती रही खैर पॉइंट यह है कि इनमें से जो सबसे प्रोमिनेंट तौर पर जो रिलीजन फॉलो होता था या जो सबसे प्रोमिनेंट तौर पर जो थाट माना जाता था प्रोमिनेंट तौर पर जो प्रैक्टिस होती थी या प्रोमिनेंट तौर पर बिलीफ या रिलीजन के रूप में भी जिस चीज की आप प्रैक्टिस करते थे उसको आज की तारीख में बोला जाता है अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस और ये जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस हैं इसको जो भी आपके ट्रेडिशंस वगैरह इसमें माने जाते थे जो भी बिलीव थी जो भी थॉट

वैदिक ट्रेडिशंस के नाम से जो रिलीजन वगैरह चल रहा है वो इस पर्टिकुलर किताब के ऊपर से जो लगभग इस टाइम पीरियड तक हजार साल पुरानी हो गई थी उसके ऊपर बेस्ड था ठीक है जी अब इस किताब में या फिर आपका ऋग्वेद में क्या आपको देखने को मिलता है तो इसमें बहुत सारे आपको श्लोक या फिर इसमें हाइन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कई सारे आपके डेटीज हुआ करते थे जैसे खासतौर पर अग्निदेव इंद्रदेव और सोमदेव इनके प्रशंसा में कई सारे आपके जो हैं श्लोक वगैरह लिखे गए हैं वो सारे के सारे श्लोक हमको देखने के लिए मिलते हैं ठीक है याद रखिएगा तो भगवान बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म शुरू किया गया ऐसा नहीं है कि उसके बाद हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी आई हिंदुस्तान में उसके पहले भी डाइवर्सिटी थी उसके पहले भी हिंदुस्तान में कई सारे बिलीव कई सारे ट्रेडिशंस कई सारे रिलीजन्स कई सारे आपके जो हैं प्रैक्टिस वगैरह चलती थी इनमें जो सबसे सबसे प्रोमिनेंट प्रैक्टिस थी वो थी अर्ली या फिर सबसे प्रोमिनेंट रिलीजन सबसे प्रोमिनेंट बिलीव सबसे प्रोमिनेंट जो भी आप कहना चाहें प्रैक्टिस वगैरह जो माना जाता था वो था अर्ली वैदिक ट्रेडिशन अर्ली वैदिक ट्रेडिशन किस किता जिस किताब से डिराइव किया गया था उसको बोलते हैं ऋग्वेद ऋग्वेद लिखा गया था पंद्रह से लेकर हजार बिफोर कॉमन एरा के बीच में समझिएगा पंद्रह से लेकर हज़ार बिफोर कॉमन एरा के बीच में ऋग्वेद लिखा जाता है और 500 सौ कॉमन एरा आते आते यानी कि लगभग 500 साल बाद 500 सौ बिफोर कॉमन एरा आते आते उस किताब के ऊपर या इस वेद के ऊपर जो बेस्ड आपकी प्रैक्टिसेस थी वो प्रोमिनेंट रिलीजन के तौर पर बिलीफ के तौर पर जो भी आप कहना चाहें थाट के तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर प्रैक्टिस की जा रही थी और इस पूरी की पूरी चीज़ को हिंदू धर्म नहीं बोला गया इस या सनातन धर्म नहीं बोला गया इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है अर्ली वैदिक ट्रेडिशन ठीक है जी अब तो कहने का सेंस ये बनता है कि जिस वक्त ये प्रोमिनेंट प्रैक्टिस मानी जा रही थी उस वक्त एनसीआर टी के, के हिसाब से या एनसीआर टी लिखने वाले आपके ऑथर्स के हिसाब से ऋग्वेद को को लिखे हुए कम अज कम हजार साल हो चुके थे या कम अज कम पाँच सौ साल हजार साल मैक्मम और पांच सौ साल मिनिमम हो चुके थे ठीक है जी और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है कई सारे आपके देवी देवताओं के प्रति कई सारे डेटीज के प्रति आपको हाइम्स या श्लोक समर्पित देखने को मिलते हैं खासतौर पर अग्नि सोम एंड इंद्र ठीक है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं मैन्य चैंट किए जाते जा हैं जब किसी तरीके की आपकी बली वगैरह दी जा रही है या फिर यज्ञ या फिर इस तरीके की कोई अगर प्रक्रिया वगैरह की जा रही है तब ये सारे के सारे हाइम्स वगैरह को चैंट किया जाता था अब ये जब सेक्रीफाइस वगैरह हो रहे हैं सेक्रीफाइस का मतलब यही नहीं कि सिर्फ बली दी जा रही है कई बार आप जो है दान भी कर रहे हो तो वो भी सेक्रीफाइस में गिना जाता था कई बार अगर आप सब कुछ छोड़ छोड़ के अगर आपका संन्यास ले रहे तो वो भी सेक्रीफाइस में गिना जाता था तो क, जब आपके ये सेक्रीफाइस या ये ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा कि जब आप अपने जो भी रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हो उस वक्त में ये सारे के सारे जो सेक्रीफाइज वगैरह हैं ये 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 जो सारे के सारे हाइम्स वगैरह हैं इनको पढ़ा जाता था इनको बोला जाता था एंड उस वक्त में मांग की जाती थी ईश्वर से जो है दान में मांगा जाता था कि आप हमको ज़्यादा मात्रा में गौवंश या फिर कैटल दीजिए ज़्यादा बेटे दीजिए अच्छी हेल्थ ज़्यादा बेटे दीजिए अच्छी हेल्थ दीजिए और एक लंबी जिंदगी जी दीजिए ये सारी की सारी चीज़ों जो है मांग ईश्वर से की जाती थी अब यहाँ पर हम लोग ऋग्वेद से जो है एक अपकष्ट श्लोक निकाल के पढ़ेंगे जिसमें अब प्रेयर टू अग्नि के नाम से जो है ये श्लोक वगैरह आपको बताया गया अब ऑब्वियस ही बात है इसमें संस्कृत का ट्रांसलेशन करने का मतलब नहीं था तो डायरेक्टली इंग्लिश में क्या मतलब बनता है वो हम लोग देखेंगे Here are two verses from the Rigveda invoking Agni, the god of fire, often identified with the sacrificial traditions into which offerings were made so as to reach uh, reach the other deities. So, यहाँ पर दो verses या दो श्लोक दिए गए हैं Rigveda से, जो भगवान Agni को या Agni देव को समर्पित हैं, और इस uh, कई बार जो है आपका जो Agni देव है, उनको sacrificial fire के साथ में जो है आपका आइडेंटिफाई किया जाता था मतलब यज्ञ की जो अग्नि है जिसको कई बार पवित्र अग्नि भी बोला जाता है उसमें आप जो भी आप डाल रहे हो तो वो सारी की सारी चीजें सेक्रीफाइस में काउंट होती हैं या वो सारा का सारा जो ऑफरिंग्स हैं वो सेक्रीफाइस में दिया जाता है और ये माना जाता है कि अग्निदेव जो हैं फिर इसको अपने साथ में भस्म कर, कर दूसरे देवताओं तक हमारे सेक्रीफाइस को लेकर जाएंगे ये सारा कुछ एक थाट प्रोसेस था अब इसी में दो श्लोक अपने को देखने को मिलते हैं उसमें लिखा है एक श्लोक का मतलब बनता है ब्रिंग ओ स्ट्रॉग वन दिस सेक्रीफाइस ऑफ अर्थ टू द गॉड्स ओ वाइज वन एज अ लिबरल गिवर मतलब हमारा जो ये सेक्रीफाइस हम हे देवता आपको जो कर रहे हैं हे हमारे ताकतवर देवता जो तो आपको जो हमने ये सेक्रीफाइस किया है आपको जो हमने ये दिया है ये आप दूसरे देवताओं तक लेकर जाइएगा पहला स्टो ऑनर्स ओ प्रिस्ट एबेंडेंट फूड अग्नि ऑप्टेन बाय सेक्रीफाइसिंग माइटी वेल्थ फॉर एस अब और हमको जो है बदले में अच्छी मात्रा में आप धन ध्यान दीजिए हमको वेल्थ वगैरह दीजिए सारी की सारी चीजें दीजिए हमारे सेक्रीफाइस के बदले में प्रोक्योर ओ अग्नि फॉर इवन टू हिम हु प्रेस टू यू द गिफ्ट ऑफ नरिशमेंट द वंडरफुल काउ हे अग्निदेव वो व्यक्ति जो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा मगर आपसे प्रे भी कर रहा है अगर आपकी पूजा भी करता है तो उसको भी जो है आप गाय का गिफ्ट दीजिए उसको जो है आप बदले में गौवंश

रामायण में जो संस्कृत आपको देखने को मिलती है वो वो वाली संस्कृत नहीं है जो आपको वे वेदों में देखने को मिलती है और उसको समझना थोड़ा सा आसान है वेदों की संस्कृत थोड़ी मुश्किल है कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या फिर इतना आसानी से पल्ले नहीं पड़ती है जो समझते हैं तो कई बार इसको वैदिक संस्कृत या एक और शब्द इस्तेमाल होता है कठिन संस्कृत संस्कृत तो कई बार इसको वैदिक में या कठिन संस्कृत में लिखा जाता है अब ये जो आपके श्लोक वगैरह थे ये सारी की सारी चीजें जो प्रीस्टी फैमिलीज हुआ करती थी उनके उनमें जो है ओरली ये सारी की सारी चीजें याद करवाई जाती थी सारी की सारी चीजें सिखाई जाती थी

डिपेंड करते थे ये पूरा का पूरा रिचुअल वगैरह कंडक्ट करवाने के लिए इसको परफॉर्म करवाने के लिए तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए मिलती हैं चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस अब इसके बारे में थोड़ी बातचीत हम लोग करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि सैक्रिफाइसेस वगैरह कैसे हो रहे हैं ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन आपका ऋग्वेद से डेवलप हुआ है और ये अलग अलग तरीके के जो हैं आपके थॉट्स रिलीजनस बिलीफ प्रैक्टिस बुद्धिज्म के पहले भी एग्जिस्ट करते थे प्रोमिनेंट वाला कौन सा था अर्ली वैदिक ट्रेडिशन हुआ करता था इस यहाँ तक हम लोगों ने बातचीत कर ली है चले आगे देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यू क्वेश्चन अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं देखते हैं इसमें क्या है? तो ये जो टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि इस टाइम पीरियड तक यानी कि जो सिक्स सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का टाइम पीरियड है जहाँ यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन के तौर पर जो रिलीजन एक्स लोगों के बीच में माना जा रहा था उसका नाम था अर्ली वैदिक ट्रेडिशन्स अब अर्ली वैदिक ट्रेडिशन्स में जो भी आपकी चीज़ें थीं या जो भी मतलब उसमें फिलोसफीज थी या जो भी रिचुअल्स वगैरह थे वो सारी की सारी रिग्वेट से डिराइव की हुई थी तो यहाँ से अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो पूरा एक फ़िलासफ़ी सेट हो गई थी अब इसमें सवाल कैसे उठने लगे एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूं कि ऋग्वेद हमारे अगर हिस्टोरियंस जो आज के मानते हैं हालांकि इसको लेके कई लोग अब जो हैं इसको कंटेस्ट करने लगे हैं कि वेद इससे बहुत पीछे जाते हैं मगर जो आज की तारीख में एनसीईआरटी में डेट्स लिखी हुई हैं वो हैं कि ऋग्वेद वगैरह जो हैं वो लगभग या फिर वेद वगैरह जो हैं वो लगभग 1500 से लेके 1000 बिफोर कॉमन एरा के बीच में लिखे गए थे है ना इस या फिर स्पेसिफ़िकली पहले वेद की बात की जाए ऋग्वेद की बात की जाए तो वो पंद्रह से हज़ार ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया था इन पाँच सालों के बीच में कभी भी उसको लिखा गया होगा या फिर धीरे 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 कई लोगों ने अगर उसमें अपने हिस, हिस्से जोड़े थे तो कुल मिलाकर वो इन पाँच सालों के बीच में बनकर तैयार हुआ था पुराने से पुराना अगर हम लोग एन या फिर जो आज की तारीख में एक्सेप्टेड डेट है उसके हिसाब से जाएं तो 1500 साल और अगर सबसे नई लेटेस्ट डेट देखें तो हज़ार बिफोर कॉमन एरा के बीच में इसको लिखा गया और हम बात कर रहे हैं फिफ्थ या सिक्स सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के

सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक आते आते ये जो पूरा सेट आइडिया था कि आपने ये आपके डूज हैं ये आपके डोंट्स हैं आपको ये करना है आपको ये नहीं करना इस सारी तरीके की जो बातें हैं ये सब कुछ डिस्कस हो रही थी ये सारा जो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपका सेट हो गई थी कि ये आपके डूज हैं ये आपके डोंट्स हैं आपको ऐसा करना है ऐसा नहीं करना ये आपके लिए ठीक है ये आपके लिए ठीक नहीं है वगैरह वगैरह ये पूरा का पूरा सिस्टम या फिर एक पूरी की पूरी फिलोसफी जो है वो सेट हो गई थी ठीक है अब यहाँ से लोगों में जो है मगर सवाल उठाना शुरू कर दिए क्योंकि देखिए हमेशा होता है कि एक चीज़ हमेशा परपिचोली नहीं चलती रहती एक वक्त तक एक एक्लवेरियम बना रहता है मगर उसके बाद में लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और ये हर आइडियोलॉजी के साथ में होता है एक एग्जाम्पल हम लोग क्रिश्चानिटी का उठा लेते हैं कि यूरोप में जब क्रिश्चानिटी फैली और उसके बाद में चर्च जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया और लगभग हर तरीके के जो लाइफ स्टाइल थी लोगों की जिंदगी के हर एक मसले में दखल अंदाजी करने लगा तो एक वक्त तक तो लोगों ने उसको जो है विटस्टैंड किया मगर उसके बाद में फिर लोगों ने चर्च की अथॉरिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और उसके खिलाफ जाने लगे अल्टीमेटली फिर यूरोप में पुनर्जागरण का जो काल आया रेनेसांस जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें डिसाइड कर लिया गया कि भाई चर्च का काम जो है वो सिर्फ धार्मिक मसलों तक है वो जिंदगी में हर मसलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते राज, आपको शासन कैसे चलाना है प्रशासन कैसे चलाना है सारी चीजों में राजनीति में पॉलिटिक्स में आपका दखल नहीं हो सकती तो वहां से का निकल कर आया कि भाई रिलीजन और आपका जो स्टेट है वो सेपरेट रहेंगे और लोगों की अपनी जिंदगी है उसमें आप एक लिमिट से ज्यादा दखल नहीं कर सकते अब ये सारी चीजें इसलिए हुई क्योंकि एक पूरा सेट आपकी फिलोसफी बन गई थी चर्च का एक पूरा का पूरा एक कह सकते हैं आधिपत्य हो गया था उसके ऊपर फिर उसके खिलाफ जो है फिर लोग खड़े होना शुरू हुए और फिर एक पुनर्जागरण या फिर का कई टाइम पीरियड यूरोप में आया लगभग वैसी कुछ परिस्थिति आपको यहां पर देखने को मिल रही है कम से कम हज़ार साल पहले किताब लिखी गई थी इस टाइम पीरियड के हिसाब से पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के में अगर हम लोग हैं अभी तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पीछे जाओ एन के डेट के हिसाब से तो एक किताब हज़ार साल पहले लिखी गई थी और कम से कम बात करो तो पाँच साल पहले लिखी गई थी यानी कि इन हज़ार या इन पाँच सालों के बीच में पूरी की पूरी व्यवस्था बन गई है इस किताब के ऊपर बेस्ड और उसको जो है समाज मान रहा है मगर फिर जैसे पुनर्जागरण में हुआ कि चर्च की अथॉरिटी पर सवाल उठना शुरू हुए उसी तरीके से इस आपका जो ये ऋग्वेद था ऋग्वेद के बेसिस पर जो आपका अर्ली वैदिक के नाम से जो रिलीजन फॉलो किया जा रहा था उसके ऊपर भी जो है फिर उसमें भी कई सारी चीज़ों पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए और यहीं से फिर जो ये टॉपिक है न्यू क्वेश्चन उसकी नींव पड़ी या फिर ये जो नए सवाल हैं जिन्होंने अल्टीमेटली फिर आपका एक चर्निंग का माहौल क्रिएट किया एक बदलाव की बयाड जो है उन्होंने बहाना शुरू करी उसका पूरा माहौल वगैरह जो है वो सेट हुआ हमको कैसे पता चलता है हम तो वहाँ पर थे नहीं ये सारी बातें तो बहुत सारी बहुत हज़ारों साल पुरानी है तो फिर हमें इसका कैसे अंदाजा लगता है इसका जवाब यह है कि अगर हम लोग उपनिषद की बात करें सिक्स सेंचुरी बिफोर के आसपास से जो उपनिषद वगैरह लिखे गए या फिर उपनिषद जो हमको छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से देखने के लिए मिलते हैं उसमें आपको एक समझ में आती है कि लोग उनको था उसको देखकर समझ में आता है कि जी तो ये जो छठी शताब्दी पूर्व से जो आपके उपनिषद लिखे जा रहे थे उसमें जो आइडियाज हैं जिस तरीके की बातें की गई हैं जिस तरीके की फिलोस को डिस्कस किया गया उससे हमें समझ में आता है कि लोग इस टाइम पीरियड में बड़े क्यूरियस हुआ करते थे स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को लेकर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का मतलब क्या है आत्मा क्या है हम कौन है ईश्वर क्या है अगर ईश्वर ने हमको बनाया है तो फिर ईश्वर को भी तो किसी ने बनाया होगा कहीं ये अल्टीमेटली जो है ये अल्टीमेटली रियलिटी जो है एग्जिस्टेंस की ये क्या है मैटर क्या होता है डार्क मैटर क्या होता है ये तो खैर अब इसको हम लोग आज की तारीख में इस तरीके से बात बताने लगे हैं मगर पहले भी लोग इन सारी चीज़ों को अपने अपने तरीक़ों से जो है एक्सप्रेस किया करते थे अब ये एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल है इसका जवाब सेटिस्फैक्ट्रीली देते नहीं बनता कि अगर ईश्वर ने हमको बनाया है तो फिर ईश्वर को किसी ने बनाया होगा जिसने ईश्वर को बनाया उसको फिर किसी ने बनाया होगा और ये जो एक क्वेश्चन है कि फिर उसको फिर उसको

शरीर में कैसे प्रवेश करती है शरीर जो है वो नश्वर है आत्मा नश्वर क्यों नहीं है आत्मा जो है वो आखिर अगर ईश्वर का हिस्सा है तो फिर ईश्वर से अलग होकर हमारे अंदर क्यों वास कर रही इस तरीके के जो सवाल वगैरह आते हैं ये संसार कैसे टिका हुआ है किसने जो है इसको थाम रखा है कैसे जो है इसको पक, ये जो संसार है पूरा अपना चल रहा है किसकी इस गति पर चल रहा है सारी चीज ये संसार ऐसा ही क्यों है इसको ऐसा ही क्यों बनाया गया है इस तरीके के जो सवाल वगैरह हैं ये सब मेटाफिजिकल क्वेश्चन कहलाते हैं तो आप उपनिषद अगर पढ़ोगे तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ये जो उपनिषद आगे की तरफ में लिखे गए हैं इसमें अपने को पता चलता है कि लोग इस तरीके के सवालों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुआ करते थे ठीक है जी तो मीनिंग ऑफ लाइफ हो गया आपकी जो मृत्यु होगी उसके बाद में किस तरीके की ज़िंदगी होगी उसके बारे में पुनर्जन्म के बारे में रिबर्थ जो है उसका पास्ट एक्शन वगैरह को उस पर क्या असर पड़ता है इस सारी तरीके की चीज़ें जो हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं और इसी से और ये सारे क्वेश्चन वगैरह ने कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक असर डाला है उपनिषद वगैरह जो हैं इनको पढ़कर हमको ये बात बड़े क्लियर तरीके से समझ में आती है अब ये जो सवाल वगैरह थे इनके ऊपर बड़ी हॉट डिबेट्स हुआ करती थी अब हॉटली डिबेट का मतलब ये भी नहीं है कि लोग तलवार खींच के खड़े हैं कि मेरी बात नहीं मानी तो गर्दन उड़ा दूंगा तुम्हारी ऐसी चीजें भी नहीं हो रही हैं सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं वही सच है बाकी सब गलत हैं इस तरीके की बातें नहीं मगर हां डिबेट बहुत होती थी और सामने वाला फिर जब डिबेट एंड डिस्कशन करता था तो फिर ये नहीं है कि आपको बुरा लग जाएगा या अच्छा लग जाएगा फिर जो मन में है उसको क्लियर कट जो है बोला जाता था साफ साफ एज इट इज जिन शब्दों में वो कहना चाहता था बात को जो उसका भाव है उसको एज इट इज़ जो है फिर वो व्यक्त करता था फिर आपको कितना ही ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना कि आप तिल मिला के रह जाए आपको कितना ही बुरा लगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिबेट होगी अगर किसी चीज़ के ऊपर शास्त्रार्थ होगा तो फिर वो बहुत खुलकर होगा ये बात जो है क्लियर हो गई थी तो ये जो क्वेश्चंस वगैरह थे इसको लेकर किसी ने अगर एक फ़िलासफी दे दी तो फिर उसकी फिलोसफी के ऊपर सवाल उठेगा लोग काउंटर क्वेश्चन करेंगे वो जवाब देगा अगर वो उसके जवाब से सेटिसफाइड नहीं हो तो फिर वो और सवाल करेंगे इस तरीके के डिबेट एंड डिस्कशंस हमारे देश में होते रहे जिसके लिए हम जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है शास्त्रार्थ तो ये जो क्वेश्चन वगैरह हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन हैं चाहे मेटाफिजिकल क्वेश्चन हैं इन सबके लिए हॉटली ये सबके सब क्वेश्चन सब बड़े हॉटली डिबेट हुआ करते थे और इनके और ये जो शास्त्रार्थ है ये खूब जमकर हुआ करता था इसमें मतलब फिर कोई अगर मगर किंतु परंतु नहीं होता था फिर जमकर जो है शास्त्रार्थ वगैरह किया जाता था थिंकर्स वे आर कंसर्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियालिटी जो आपके दार्शनिक हुए जो आपके थिंकर्स वगैरह हुए जो सोच सकते थे जो अपना एक इंडिपेंडेंट थाट प्रोसेस रखते थे जो उनका दिमाग बंद नहीं था जो ओपन माइंड के साथ में चीज़ों को अपने टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे एडवांस तरीके से सोच सकते थे वो 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 बेसिकली इन चीज़ों को लेके कंसर्न थे कि आपकी जो अल्टीमेट रियालिटी है इसको समझा जाए इसके नेचर को समझा जाए और उसके बाद में आ, ऐसे शब्दों में उसको एक्सप्रेस किया जाए कि सामान्य लोग भी समझ सके एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कभी मौका लगे तो सदगुरु के जो आपके डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं आत्मा को लेके टाइम को लेके टाइम एंड डिस्टेंस को लेके टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स इस तरीके की चीज़ों पर सदगुरु जो बातें करते हैं कभी सुनिएगा है मैं नहीं बोलता आप उन पर बिलीव करें या बिलीव ना करें बस मैं ये बोलता हूँ कि आप उनको सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो बड़े सिंपल शब्दों में है बड़ी सिंपल भाषा में कि एक सामान्य आदमी समझ सके बड़ी सिंपल से इंग्लिश में वो उस बात को समझाते हैं लगभग कुछ इसी तरीके की चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि सामने वाले जो आपके दार्शनिक थे या जो थिंकर्स थे वो क्या कर रहे हैं वो आपकी अल्टीमेट रियलिटी जो है पर ब्रह्म है या फिर जो भी आप कहना चाहें अल्टीमेट कॉन्शियसनेस बोल लीजिए जो भी आप कहना चाहते हैं उसको समझने में और उसको सामान्य तरीके से समझाने में कि वो किस तरीके से अल्टीमेट रियालिटी लोगों को समझ में आ जाए उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे ये तो खैर बात रही वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह की कि, कि जो वेदों को ध्यान में रखकर या वेदों को रेफरेंस मानकर ये सारी बातें करते थे वो लोग जो वैदिक ट्रेडिशन के बाहर थे जो वेदों को नहीं मानते थे या जो वेदों की अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते थे वो भी इन सवालों के ऊपर अल्टीमेटली बहुत हॉट हॉट डिबेट्स वगैरह करते थे और वो भी इस तरीके के सवाल पूछते थे कि आखिर एक अल्टीमेट सिंगल रियालिटी है या नहीं है ईश्वर जो है अल्टीमेटली एक है और वही सब कुछ चला रहा है या हर चीज़ में ईश्वर है या फिर ईश्वर जो है कहीं एक जगह हंटर लेके बैठा है और हर चीज़ों को जो है वो आपका हैंडल कर रहा है हर तरीके के सवाल जवाब जो हैं है किए गए हैं अल्टीमेट रियलिटी क्या है कैसी है ऐसी है तो ऐसी ही क्यों है क्या ईश्वर एक जगह बैठ सब कुछ चला रहा है या फिर हर चीज़ में ईश्वर है ईश्वर ने सब कुछ बनाया है तो क्यों बनाया ईश्वर को किसने बनाया ये चीज़ जो सब कुछ जब कुछ नहीं था तो फिर तब क्या था और वो था तो फिर वो क्यों था उसके पहले क्या था इस तरीके के जो सवाल है जो कई बार एक सामान्य आदमी को जो अपनी जिंदगी में लगा हुआ है उसको अजीबो गरीब लग सकते हैं इस तरीके के मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को लेकर खूब ज़बरदस्त डिबेट्स आपको होती हुई समझ में आती हैं ना सिर्फ वैदिक ट्रेडिशंस में मगर वो लोग जो वेदों को नहीं भी मानते थे वैदिक ट्रेडिशन्स के बाहर थे या जिन्होंने वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था वो भी इन बातों के ऊपर खुलकर जो है डिबेट एंड डिस्कशन किया करते थे साथ ही साथ अब यहीं से फिर जो एक चीज जिसके चलते हमको समाज में एक बदलाव देखने को मिलता है उसका भी एक हमको भनक समझ में आती है लोग बाकायदा ये तक स्पेक्यूलेट करने लगे कि ये जो सेक्रीफाइज ट्रडिशन हैं ये सेक्रीफिशियल ट्रेडिशन जो हैं इनका कोई सिग्निफिकेंस भी बनता है कि नहीं बनता ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए कितना करना चाहिए एक आदमी को अपनी क्षमता से बढ़कर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अपनी क्षमता से कम करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस तरीके के सवाल वगैरह जो है फिर खुलकर पूछे जाने लगे और जमकर जो है लोग स्पेकूलेट करने लगे आपके जो है सेक्रिफिशियल ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं इनके सिग्निफिकेंस वगैरह को इसको लेकर खूब ज़बरदस्त डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह जो हैं होने लगी और यहीं से कहीं ना कहीं फिर आपका जो एक अथॉरिटी बन गई थी लोगों की कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ आपका सैक्रीफाइस वगैरह करवा रहे हैं कुछ लोगों की ड्यूटी है सेक्रीफाइस करना है कुछ लोग उन उनक्रीफाइस के ऊपर जिंदा है इस सारी की सारी अथॉरिटी को इस सारी की सारी एक कह सकते हैं इस्टेब्लिश सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज वगैरह किया जाने लगा कहीं ना कहीं सारी चीजों को, को के ऊपर क्वेश्चनिंग वगैरह होने लगी यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो है डिबेट्स एंड डिस्कशंस क्योंकि जब तक आपके पास में नए सवाल निकल कर नहीं आएंगे और उसके ऊपर खुलकर शास्त्रार्थ शास्त्रार्थ वगैरह की आ, का अगर आपको मौका नहीं मिलेगा तो डिबेट एंड डिस्कशन हो नहीं सकता हिंदुस्तान की मिट्टी की एक खासियत है कि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा रही है हर चीज़ के ऊपर जो है कुछ ना कुछ प्रश्न वगैरह निकल कर आते रहते हैं और उसके चलते फिर उसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होता है इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा जोक है कि अगर एक कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पे और वो दोनों हिंदुस्तानी हैं तो इफ़ देर आर टू पीपल्स इन द रूम इफ़ देर आर टू इंडियंस इन द रूम देन देर विल बी फाइव ओपिनियंस तो वहाँ पे कम से कम पांच तरीके की ओपिनियन आपको देखने को मिलेगी तो हिंदुस्तान की मिट्टी में जो डाइवर्सिटी है इसके चलते आपको ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर ओपिनियनेटेड लोग जो हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में रहे हैं हमेशा से जो है आपको ओपिनियंस वगैरह देखने के लिए मिलती रही हैं लोगों की तो ये जो ओपिनियनेटेड लोग हैं ये हमेशा से थे ये नए नए सवाल उठाते रहते थे अब जब नए सवाल आएंगे तो फिर नए जवाब आएंगे नए जवाब आएंगे तो उनका काउंटर क्वेश्चन उठेंगे उनको उनके ऊपर मतलब क्वेश्चनिंग वगैरह की जाएगी और अल्टीमेटली इसके चलते होगा डिबेट एंड डिस्कशन तो वो डिबेट एंड डिस्कशन के बारे में अब हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट वी कम टू नो अबाउट लाइवली डिस्कशंस एंड डिबेट्स बिटवीन वेरियस सेक्ट्स वी ऑल्सो कम टू नो दैट देर वर अबाउट सिक्सटी फोर सेट्स और स्कूल ऑफ थाट्स टीचर्स ट्रावल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू वन अनदर एज वेल एस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी और द वे अंडरस्टूड द वर्ल्ड तो ये जो भगवान बुद्ध या फिर बौद्धों के जो आपको देखने को मिलते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से हमको यह समझ में आता है कि आपके एक पहली चीज़ तो ये कि उस टाइम पीरियड में जिसमें उस वक्त ऐसा नहीं था कि पर्टिक लोग माना करते थे उस वक्त में भी हिंदुस्तान में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी लगभग 64 तरीके के सेक्ट्स वगैरह जो हैं उनका आपको जिक्र देखने के लिए मिलता है चौंसठ तरीके के या सिक्सटी तरीके के सेक्ट्स या फिर स्कूल ऑफ थाट्स अलग अलग फिलासफीज़ वगैरह और उनको मानने वाले लोग जो हैं आपको देखने के लिए मिलते हैं इतनी डाइवर्सिटी तो आज की तारीख में भी नहीं है तीन चार जो आपके मेजर रिलीजनस हैं हिंदुज़म हो गया सिखिज़म हो गया जैनिज़्म हो गया क्रिश्चियनिटी वगैरह हो गई और भी दूसरे जो रिलीजन्स हैं जिस तरीके आज भी अगर आप देखोगे तो मोटे मोटे तौर पर चार पाँच रिलीजनस ही आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जी इस टाइम पीरियड में अगर देखिए सिक्सटी स्कूल ऑफ थाट्स जो हैं आपको देखने के लिए मिल रहे थे तो यहाँ से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं पहली चीज़ तो हमको ये समझ में आती है कि इतनी तरीके के जो हैं कम अज़ कम आपके स्कूल ऑफ थाट्स या अलग अलग फिलासफीज़ हुआ करती थी और इनके बीच में आपस में बहुत लाइवली डिबेट्स एंड डिस्कशंस वगैरह हुआ करते थे बड़े तगड़े शास्त्रार्थ हुआ करते थे सब एक दूसरे की फिलोस को ओपनली चैलेंज करते थे उसके ऊपर खूब आपका जो है वाद विवाद होता था खूब बातचीत जो है की जाती थी खूब आपका मतलब एक चर्चा परिचर्चा जो है अलग अलग आपके जो ये सेक्ट हैं के बीच में हुआ करती थी अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट है या फिर एक पर्टिकुलर फ़िलासफी है या कोई पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थाट है तो उसके जो आपके प्रोफेसर रहेंगे या फिर उसके जो भी आपके फिलोसफर वगैरह रहेंगे उसके जो मानने वाले रहेंगे वो एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे और जो जो आपके नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे या दूसरी फिलोसफी के जो मास्टर्स हुआ करते थे उनको जो है कन्विंस करने की कोशिश करते थे अपनी फिलोसफी को के बारे में या फिर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको जिसकी मदद से वो दुनिया को समझते हैं या जो भी प्रश्न वगैरह के ऊपर डिबेट हो रही है उसको जिस तरह से समझते हैं उसको समझाने की वो कोशिश अपनी फिलॉसफी की मदद से किया करते थे और सामने वाले की फ़िलोसफी को सुना भी करते थे अब दोनों में से फिर एक दूसरे की में से जिसकी भी फ़िलासफी जिसको अच्छी लगती थी वो फिलासफी फिर प्रिवेल कर जाती थी ये चीज़ आपको खूब देखने को मिलती है आदि शंकराचार्य जो रहे हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो केरल से जब चल के ऊपर कश्मीर तक गए थे तो उन्होंने फिर खूब खूब सारी जो है आपकी डिबेट्स एंड डिस्कशंस वगैरह की थी एक डिबेट जिसका या फिर एक शास्त्रार्थ जिसका आज भी जो है काफ़ी आपको जिक्र देखने को मिलता है वो शायद वाराणसी में हुआ था शंकराचार्य के बीच में और मंडन मिश्रा के बीच में इन के बीच में बहुत तगड़ा डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था कभी मौका लगे तो ढूंढिएगा आदि शंकराचार्य डिबेट विद मिश्रा इन वाराणसी आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलेंगे काफी अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी वो जो दो फिलोसफीज वगैरह थी शंकर आदि शंकराचार्य की एंड मंडन मिश्रा की जो फिलोसफी थी इनके बीच में जो डिबेट एंड डिस्कशन वगैरह था आपको काफी सारी नई नई बातें जो हैं सीखने में मदद करेगा तो ये अब यहाँ पे ये जो डिबेट्स वगैरह होती थी जैसे कोई पर्टिकुलर दो स्कूल ऑफ थॉट्स के आपके आचार्य हैं अब वो साथ में इकट्ठे होकर बैठ गए उनके उनके जो दोनों के फॉलोअर्स वगैरह हैं वो भी आके बैठ गए अब इनकी जो डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह चला करती थी ये एक पर्टिकुलर जगह पर होती थी जिसको बोला जाता था कुटा याद रखिएगा कुटा जो है वो एक हट हुआ करती थी जिसमें एक पॉइंटेड रूफ थी यानी कि कुछ इस तरीके की एक हट जिसमें एक पॉइंटेड रूफ है उसमें बैठ कर जो है आप इस तरीके के डिबेट एंड डिस्कशंस वगैरह किया करते थे कई बार आपके ग्रुप्स वगैरह भी बनाए जाते रहे जहाँ पर आपके सन्यासी या जोगी या कलंदर वगैरह जो है रुक जाते हैं रात में इस तरीके के ग्रुप्स वगैरह में भी कई बार जो है आपके डिबेट एंड डिस्कशन होते थे मगर मोर और लेस याद रखना है इस बात को कि वो जगह जहाँ पर डिबेट एंड डिस्कशन किए जाते थे उसका नाम था कुटा ग्रहशाला अब अगर दो फिलासफर्स के बीच में डिबेट हुई किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर और एक फिलासफ़र जो है दूसरे वाले को या अपने राइवल को ये कन्विंस करने में कामयाब हो गया कि भाई उसकी फिलोसफी जो है वो ज्यादा सुपीरियर है या वो प्रिवेल कर रही है तो फिर जो फिलोसफर है जो कन्विंस हो गया है वो और उसके फॉलोअर जो है कन्विंस करने वाले फिलोसोफर के डिसाइपल बच जाते थे उसकी फ़िलासफ़ी में कन्वर्ट हो जाते थे और इस तरीके से एक पर्टिकुलर सेक्ट जो है उसके सपोर्टर या तो एकदम से बढ़ जाते थे या एक पर्टिकुलर सपोर्टर जो है उसके सेक्ट उसके एक पर्टिकुलर जो सेक्ट है उसके सपोर्टर एकदम से कम हो जाते थे ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलती है इसलिए अगर हम लोग एकदम से ये देखें कि कोई एक पर्टिकुलर सेक्ट है कुछ वक्त तक वह आपको देखने को मिला और उसके बाद एकदम से उसकी फॉलोइंग कम हुई और वो खत्म हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनको किसी ने प्रोसिक्यूट कर दिया होगा या उनको सबको मार दिया या भगा दिया या सबको फोर्सफुली किसी ने कन्वर्ट कर लिया ऐसा नहीं हुआ होगा ये इस बात की बहुत हाई संभावना है कि भाई उन्होंने शास्त्रार्थ वगैरह किया होगा और शास्त्रार्थ में वो पर्टिकुलर सेक्ट वगैरह जो है उसके जो आपके फ़िलासफ़र रहे होंगे उनको दूसरे फिलोसफर ने जिसके साथ शास्त्रार्थ हुआ है उसने कन्विंस कर लिया होगा कि भाई मेरी फिलोसफी ज़्यादा अच्छी है तो फिर उन सबके सब लोगों ने वो फिलोसफी अडॉप्ट कर ली होगी दूसरी जो फिलासफी

फॉलोअर्स कन्वर्ट होते चले गए आदि शंकराचार्य की फिलोसफी में तो उनकी जो फिलोसफी उन्होंने आपका अद्वैत का जो सिद्धांत दिया था और वो सारी चीज़ें जो डिस्कस की थी उस पर्टिकुलर फिलासफी के मानने वाले बहुत बड़े लेवल पर बढ़ गए तो ये चीज़ें आपको हिंदुस्तान में हमेशा से होती हुई समझ में आई हैं कि, कि किसी भी चीज़ या या अर्ली टाइम पीरियड की बात की जाए उसके फिलोसफर्स या उसकी जो फॉलोअर्स हैं किसी भी स्टेक्ट के या तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं मैनी ऑफ दीज टीचर्स इंक्लूडिंग बुद्धा एंड महावीरा क्वेश्चन द अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास अब कई सारे इनमें से जो टीचर्स थे भगवान बुद्ध को भी आप इंक्लूड कर लें भगवान महावीर को भी आप इंक्लूड कर रहे हैं और भी दूसरे टीचर्स हुए थे अलग अलग सेट के इनमें से काफी लोगों ने वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज किया था ठीक है याद रखिएगा इनमें से कई लोगों ने आपके बुद्धिज़्म हो गया जैनिज्म हो गया और भी दूसरी फिलासफी थी उन्होंने आपके वेद जो हैं उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था दे ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल एजेंसी दट इज मैन एंड वुमेन कुड अटेन लिबरेशन थ्रू इट्स ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन इन साथ वर्ल्ड करना चाहिए उसको अपने एक्शंस के ऊपर भरोसा करना चाहिए अगर वो अपनी मोक्ष को पा, पाना चाहता है अगर वो मुक्ति को पाना चाहता है ये जो बार बार ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन आपका उस दुनिया में चल रहा है यानी कि बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है और उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें होती हैं इससे आपको जो है मुक्ति मिल सकती है मगर इसके लिए ज़रूरी यह है कि आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करें अपने कर्म पर आपने एम्फेसिस वगैरह करना चाहिए अब ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं वैदिक ट्रेडिशन्स के खिलाफ अर्ली वैदिक ट्रडिशन के खिलाफ जा रही है उसमें यह बोला गया है कि आपका एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में या फिर एक पर्टिकुलर जाति में अगर जन्म हुआ है तो आप कुछ चीज़ें हैं वो कर सकते हो और कुछ चीज़ें जो है वो आपके लिए टोटली मना है अगर आप इस तरीके से चलोगे और जो चीज़ें आप कर सकते हो वही करोगे तो आपकी ज़िंदगी सफल रहेगी अगर नहीं तो फिर और अगर आप उसके खिलाफ जाओगे तो फिर ये चीज ठीक नहीं है आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो अब ये जो पूरी की पूरी फिलासफी है इसमें कहीं ना कहीं मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है आपका जो जन्म हुआ है जिस वर्ल्ड में उसके ऊपर और उस पर्टिकुलर बात को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है उस वर्ंड के अनुसार जो भी आपके डूज़ एंड डोंट्स हैं उस बात को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है ये बोला जा रहा है डजेंट मैटर आपका किस वर्ल्ड में जन्म हुआ है किस जाति में जन्म हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से आपने अगर ये जन्म और ये मृत्यु के पूरे के पूरे साइकिल को तोड़ना है मुक्ति चाहिए बार बार ये ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन से अगर आपको बाहर निकलना है तो सिर्फ एक ही तरीका है अपने कर्मों पर फोकस करो अपने इंडिविजुअल एक्शन पर अपने इंडिविजुअल एजेंसी पर जो है आपने जोर देना है और उसकी मदद से जो है आप बाहर आ सकते हो इसी को अगर आप टोटल कॉन्ट्रास्ट में देखोगे ब्राह्मणिकल पोजिशन के साथ में तो इंडिविजुअल एक्जिस्टेंस वॉज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज और हर बर्थ इन स्पेसिफिक कास्ट और इन जेंडर वही बात जो मैंने आपको बताई कि या आपका जो आ ये आपका वैदिक पोजीशन जो थी वो ये थी या फिर हमको जो पढ़ाया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि इसमें ये बोला जा रहा है कि भाई आपका जो आ पर्टिकुलर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो आपका किस स्पेसिफिक बर्थ किस पर्टिकुलर वर्ल्ड में या किस जाति में आपका जन्म हुआ है उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भैया अपने एक्शंस वगैरह करो इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन सी जाति में या कौन से वर्ल्ड में पैदा हुआ है चले आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगला जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट है इस पर बातचीत करेंगे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया गया था एंड कैसे प्रिजर्व किया गया था थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो ये बात आपको याद रखनी है जब तक भगवान बुद्ध रहे जब तक भगवान बुद्ध ने जो भी उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद में जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू करी थी जब उन्होंने अपना लोगों को जो है पूरा ज्ञान वगैरह देना शुरू किया जब तक भगवान बुद्ध रहे उन्होंने जो भी अपनी टीचिंग्स वगैरह दी हैं वो ओरल तरीके से दी हैं उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं था जब वो बोधी ट्री के नीचे बैठे और उसके बाद में जब उनको आपका केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई जब उनको परम ज्ञान मिल गया इन्लाइटनमेंट जब उन्होंने हासिल कर लिया उसके बाद उन्होंने जो भी बातें कहीं वो ओरल से डिस्कशन करते हुए उन्होंने जो भी अपना टीचिंग वगैरह दी है वो ओरली टीच करी है याद रखिएगा इस बात को भगवान बुद्ध ने जो भी चीजें टीच करी हैं वो ओरली टीच करी हैं ये याद रखने वाली बात है और ये सारी की सारी चीज़ें किस तरह से टीच की गई हैं ये नहीं कि उन्होंने बैठ के कहीं पर आपको भाषण दिया हो या फिर इस तरीके की बातें उन्होंने डिबेट इंड डिस्कशंस वगैरह किए डिबेट इंड डिस्कशंस वगैरह की मदद से भगवान बुद्ध ने अपने संदेश को ओरली जो है टीच किया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से कुछ कुछ भी नहीं लिखा था उन्होंने क्या किया है सारी चीज़ें ओरली टीच करी हैं और उसमें भी लेक्चर्स नहीं दिए याद रखिएगा सब कुछ आपका ओरली टीच किया है और उसमें भी लेक्चर नहीं दिया गया है इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने क्या किया है ओरली टीच किया है उसमें भी आपने डिबेट्स करी हैं डिबेट्स एंड डिस्कशंस और उसकी मदद से जो है कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को अपनी फ़िलासफ़ी वगैरह की तरफ लाने की कोशिश करी है अपनी फिलोसफी अपनी जो भी बात है वो समझाने की कोशिश करी है ठीक है अब लोग क्या करते थे आते थे ये सारे डिस्कोर्सेज वगैरह जो हैं इनको अटेंड किया करते थे एंड जो भी बातें उनको समझ में आती थी जो भी वो लोग सुनते थे यहाँ पर फिर उसके ऊपर बाद में चर्चा और परिचर्चा होती थी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर आ आ रहे हैं भगवान बुद्ध जो अपना ओरल टीचिंग्स दे रहे हैं डिस्कशन और डिबेट्स वगैरह की मदद से उनको सुन रहे हैं और बाद में फिर जो भी बातें उन्होंने सुनी जो भी डिस्कोर्स उनको समझ में आया उसके ऊपर फिर वो आपस में चर्चा वगैरह भी कर रहे हैं भगवान बुद्ध ने जो भी अपनी स्पीचेस वगैरह दीं जो भी बातें उन्होंने कहीं इनमें से कुछ भी जब तक वो जिंदा रहे जब तक उनका जीवन था तब तक कुछ भी लिखा नहीं गया

जो भी लिखा गया उनके जाने के बाद में लिखा गया तो याद रखिएगा भगवान बुद्ध की जो स्पीचेस वगैरह हैं उनकी जिंदगी में उनकी लाइफ टाइम में उनकी टीचिंग्स वगैरह को नहीं लिखा गया था याद रखना टीचिंग्स ऑफ बुद्धा नॉट रिटर्न स्लैश प्रिजर्व इन राइटिंग ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जब तक जीवित रहे तब तक उनकी जिंदगी में उनकी जो भी टीचिंग्स वगैरह हैं किसी भी चीज को लिखकर प्रिजर्व नहीं किया गया इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा भगवान बुद्ध ने जो भी चीज़ें टीच करी हैं वो सब कुछ ओरल तरीके से टीच किया गया है कुछ भी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने खुद नहीं लिखा और जब तक वो जीवित रहे तो उनकी किसी भी टीचिंग को नोट डाउन नहीं किया गया पेंट डाउन नहीं किया गया डिबेट एंड डिस्कशन करते थे बैठे रहते थे एक जगह पर लोग आते रहे सवाल पूछते थे सवाल वगैरह पूछते थे तो उसका जवाब वगैरह दिया जाता था चर्चा परिचर्चा चलती थी फिर उसमें जो भी सवाल का जवाब है वो देने के देने के एवज में या फिर देते हुए वो अपनी जो भी फिलोसफी या जो भी अपनी बात है उसको टीच किया करते थे प्रीच करते थे लोग आकर इस

बिहार में जिसका नाम है वैशाली और वहां पर जो है फिर इन वगैरह को कंपाइल वगैरह किया गया अब कैसे किया गया उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं देखते हैं तो जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है फोर्थ से फिफ्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में तो उस वक्त उनकी मृत्यु के जस्ट बाद में एक सभा बुलाई जाती है फिर एक काउंसिल बुलाई जाती है जिसको हम लोग कई बार काउंसिल ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसमें जो सीनियर मॉन्क्स वगैरह थे वो सब इकट्ठे होते हैं और भी बाकी जो फॉलोअर्स वगैरह थे वो सब इकट्ठे होते हैं और ये लोग फिर डिसाइड कर और ये सारी ये सा, ये सारा का सारा काम होता है वैशाली में जो आज की तारीख में बिहार में वहाँ पर फिर ये डिसाइड किया जाता है कि भगवान बुद्ध ने जो सारी चीज़ों को बोला था इन सब का संकलन किया जाएगा और ये जो संकलन है

सीनियर वगैरह वो मिलते हैं और भगवान बुद्ध की जो भी आपकी टीचिंग्स थी उनका संकलन होता है उनका कंपाइलेशन होता है ये चीज कहलाती है त्रिपितक ठीक है जी ये त्रिपितक जो हैं ये भी पहले पहले ओरली ट्रांसमिट होते हैं इनको भी आपने ये नहीं किया कि उनको लिख कर कहीं पर रख लिया पहले इनको भी जो है ओरली ट्रांसमिट किया गया उसके बाद में अल्टीमेटली फिर इनको लिखा गया ठीक है जी उसके बाद में जो त्रिपिथक थे इनको लिख कर तैयार किया गया इनको लिखा गया इनका संकलन जो है पेपर वगैरह तो खैर नहीं होता था ताड़ पत्रों पर या जो भी चीज़ें थी उसके ऊपर इनका संकलन वगैरह किया गया अब ये जो त्रिपित हैं इनमें भी इनको क्लासीफाई किस बात बेसिस पे किया गया है ये जो त्रिपितक हैं, इनका क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया लंबा है कितना बड़ा है कितना उसमें कंटेंट वगैरह आपको देखने को मिल रहा है पहली चीज तो लेंथ और दूसरा फिर सब्जेक्ट मैटर या फिर कंटेंट क्या है उसके अंदर जो कंटेंट है या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बेसिस पे फिर आपने जो है इसका संकलन वगैरह किया है तो याद रखिएगा ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पढ़ाया वो पढ़ाया पहली चीज़ उस उनकी ज़िंदगी में जब तक वो जीवित रहे तब तक उन कुछ भी जो उन्होंने पढ़ाया था उसको लिखा नहीं किया लोगों ने उसको अटेंड किया सुना और उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करी तो उनके दिमाग में वो बात जो है फिर जाके बैठ गई उनकी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में एक आपका सेशन हुआ जिसको आप ये जिसको जिसको हम लोग बुद्धिस्ट काउंसिल बोलते हैं वैशाली में जिसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो सारा का सारा भगवान बुद्ध की टीचिंग है इसका हम लोग कंपाइलेशन करेंगे संकलन करेंगे और उसको त्रिपिथक बोला गया इसमें सारा जो मैटर या कंटेंट था वो किस बेसिस पर डिवाइड किया गया लेंथ के बेसिस पर और दूसरा जो कंटेंट वगैरह आपको देखने को मिलता है जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बेसिस पर शुरू शुरू में ये त्रिपेतक भी जो है उरली ट्रांसमिट हुए थे और बाद में जो है फिर ये त्रिपेतक वगैरह ओरली की जगह फिर इनको लिख कर तैयार किया गया इनको लिखा गया और उसके बाद में इनको ट्रांसमिट किया गया था तो इस तरीके से जो है ये सारी की सारी जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में निकल कर आई अब ये जो तीन पितक थे या जो त्रिपित थे तीन किताबें थीं इनका लिटरल मतलब बनता है थ्री बास्केट्स यानी कि तीन बास्केट्स हैं जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स या फिर भगवान बुद्ध का ज्ञान रखा गया है या फिर उसको भरा गया है और ये त्रिपित ये जो तीनों पितक हैं इसमें से एक एक पितक का अपना नाम भी था वो देख लेते हैं सबसे पहले आता है आपका विनय पितक दूसरा आता है सुत्त पितक और तीसरा आता है अभिधम्म पितक याद रखिएगा विनय पितक सुत्त पितक अभिधम्म पितक इन तीन पितकों पित पितको, ये जो तीन पितक हैं इन तीन पितकों में आपका विनय पितक सुत्त पितक और अभिधम्म पितक में आपकी बुद्धिस टीचिंग्स भगवान बुद्ध की जो भी टीचिंग्स वगैरह हैं उन सब संकलन आपको देखने के लिए मिलता है और जिस तरीके से आपके जो वेद वगैरह हैं वो हमारे लिए जो हिंदूज़ वगैरह होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं या रेलेवेंट किताबें हैं उसी तरीके से विनय पितक सु पितक अभिधम्म पितक जो हैं बुद्धिस्ट टीचिंग्स की सबसे पवित्र और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ जो हैं माने गए हैं ठीक है जी याद रखिएगा इनको ये तीनों के तीनों आपके तीन पितक हैं आगे बढ़ते हैं अब ये तीनों पितक में आखिर है क्या तो ये जो आपके तीन पिता हैं इसमें जो सबसे पहले आपका विनय पिता आता है विनय पितक में आपको रूल्स और रेगुलेशंस देखने के लिए मिलते हैं उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने संघ को या फिर मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन किया है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत रेलेवेंट है ध्यान रखिएगा इस बात का विनय पितक में आपको क्या देखने को मिलता है रूल्स एंड रेगुलेशन देखने के लिए मिलते हैं ज, ज, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया है या जिन्होंने मोनेस्टिक ऑर्डर को ज्वाइन किया है दूसरा आपका सुत्त पितक है सुत्त पितक में भगवान बुद्ध की जो खुद की टीचिंग्स थी जो सारी बातें उन्होंने बोली थी जो सारी बातें उन्होंने अपने श्रीमुख से खुद कही हैं वो सारी की सारी बातें इसमें शामिल की गई हैं तीसरी चीज़ आती है अभिधम्य पितक अभिधम पितक जो है वो फिलोसफिकल मैटर्स वगैरह के साथ में डील करता है अब हर एक जो पितक है अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक पर्टिकुलर किताब है उसमें आप हर एक पितक जो है उसमें भी जो है अपने इंडिविजुअल टेक्स्ट वगैरह

बाद में फिर जो बुद्धिस्ट फिलासफर्स वगैरह हुए थे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हुए थे उन्होंने फिर जो है इन पर्टिकुलर किताबों के ऊपर इन टेक्स्ट वगैरह के ऊपर अपनी खुद की कॉमेंट्रीज वगैरह भी लिखी हैं तो वो भी जो है कई कई सारी आपको इनके साथ में देखने के लिए मिलती हैं तो इसके चलते बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत ज़्यादा जो है आपका ग्रो करता चला गया बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता चला गया बाद में फिर जब बुद्धिज़्म एक से दूसरी जगह नए रीजन्स वगैरह में ट्रांसलेट हुआ तो फिर वहाँ पर दूसरे टेक्स्ट वगैरह भी लिखे गए थे एग्जाम्पल के लिए दो टेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एक है आपका दीपा और दूसरा है महावंशा अब ये दीपावंशा या महावंशा जो है इस तरीके की किताबें वगैरह अब ये इस तरीके के जो टेक्स्ट वगैरह लिखे जाते थे ये जनरली रीजनल हिस्ट्रीज़ जो थी बुद्धिज्म की उन बुद्धिज्म की जो रीजनल हिस्ट्रीज़ वगैरह थी ये सारी आपको देखने को मिलती थी इन सारी किताबों में जैसे दीपा वंशा और महावंशा की किताबें हैं ये श्रीलंका में लिखी गई हैं जब बुद्धिज्म वहाँ पर आया था तो फिर किस तरह से फैला क्या वक्त सारी चीज़ें हुई वो सारा इतिहास आपको इसमें देखने के लिए मिलता है तो जब आप दीपा वंशा और महावंशा का पढ़ते हो तो बुद्धिज़म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो देखने को मिलती ही मिलती हैं मगर फिर फिर श्रीलंका में इसके अलावा और क्या क्या हुआ था उसकी उस वक्त की क्या रीजनल हिस्ट्री वगैरह चल रही थी उसका भी आपको एक अच्छा खासा जो है अंदाज़ा इन किताबों की मदद से मिल जाता है कई सारी आपके जो टेक्स्ट हैं इसमें फिर आपको भगवान बुद्ध की बायोग्राफी वगैरह भी देखने को मिलती हैं एंड एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा बुद्धिज़्म के जो सबसे पुराने टेक्स्ट हैं ये जो आ, आपके त्रिपिटक हो गए और उसके बाद में जो किताबें वगैरह लिखी गई थी जनरली इनको पाली भाषा में लिखा गया था बाद में फिर जब बुद्धिज़्म में चेंजेस आना शुरू हुए हैं खासतौर तौर पर महायाना बुद्धिज़्म आने के बाद से तो फिर आपको ये कई सारे टेक्स्ट या कंपोजिशन संस्कृत भाषा में देखने के लिए भी मिलते हैं तो याद रखिएगा इस बात को भगवान बुद्ध के जीते जी ये मैं बार बार इसलिए इसको इंफोसिस कर रहा हूं क्योंकि इस पर सवाल बनता है इस पर सवाल जरूर आएगा एग्जाम में भी आएगा सी में भी पूछा जाएगा इसलिए इस चीज़ को अपने को दिमाग में उतारना है भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में एक शब्द नहीं लिखा अपनी तरफ से अपनी टीचिंग का उन्होंने जो कुछ भी जो है बताया है लोगों तक जो भी कुछ प्रीच किया है वो ओरली टीच किया है डिबेट एंड डिस्कशन के थ्रू लोग आते थे सुनते थे उसके बारे में बातें करते थे सारी चीज़ें उनके शिष्य वगैरह भी सुना करते थे उनकी मृत्यु के बाद में एक वैशाली में आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई जिसके बाद में तीन पितक या त्रिपित के रूप में उनकी टीचिंग्स को क्लासीफाई किया गया दो बातें ध्यान में रखनी है पहली उनकी जितनी भी टीचिंग्स वगैरह हैं उनकी जो लेंथ वगैरह है उसके बेसिस पर कंटेंट मैटर के बेसिस पे त्रिपित में कन्वर्ट हुई है यह त्रिपित भी पहले पहल जो है ओरली ट्रांसमिट किए गए थे बाद में फिर इनको लिखा गया देवर तीन पितक आपको देखने को मिलते हैं विनय पितक दूसरा है आपका सुत्त पितक और तीसरा है अभिधम्म पितक विनय पितक में क्या देखने को मिलता है विनय पितक में आपको वो जो संघ को जिन लोगों ने ज्वाइन किया था जितने भी लोगों ने आपका संघ या फिर मोनास्टिक ऑर्डर ज्वाइन किया था उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो देखने को मिलते हैं सुत्त पितक में भगवान बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं और अभिधम्म पितक जो है इसमें आपको फिलोसफिकल मैटर्स देखने को मिलते हैं तीनों के तीनों टेक्स्ट जो हैं पाली भाषा में लिखे गए थे याद रखिएगा हर एक पितक जो है ये आपका पाली भाषा में लिखा गया था बाद में जब बुद्धिज्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगा तो फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड दूसरी किताबें भी उन इलाकों में लिखी गई एग्जाम्पल के लिए जब श्रीलंका में गया तो वहाँ पे दीपा वंशा और महावंशा के नाम से दो किताबें आपको देखने को मिलती हैं ऐसे कहीं और गया तो फिर वहाँ पर दूसरी तरीके की की किताबें देखने को मिलती हैं और कहीं गया तो फिर वहाँ पे किसी और तरीके की किताबें आपको देखने को मिलती हैं इस तरीके से अलग अलग किताबें जो हैं आपको देखने के लिए मिलती हैं कई बार अब इन किताबों में उन क्षेत्रों में जहाँ पर बौद्ध धर्म गया था बुद्धिज़्म पहुँचा था वहाँ की रीजनल हिस्ट्रीज़ आपको देखने को मिलती हैं कई बार उन जगहों पर आपको इस तरीके की किताबें मिलती हैं जिसमें भगवान बुद्ध की जो बायोग्राफी है वो लिखी गई थी रीजनल लैंग्वेज में पॉइंट यह है कि इन सारी किताबों के चलते उन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के फैलने में या प्रचार प्रसार में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला काफ़ी ज़्यादा मदद मिली एंड एक इंपॉर्टेंट बात है शुरुआती वक्त में जितना भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट या लिटरेचर लिखा गया वो सारा का सारा पाली भाषा में था बाद में ख़ासतौर में महायाना बुद्धिज़्म या महायान बुद्धिज़म के आने के बाद में ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं संस्कृत में भी लिखी जाने लगी तो लेटर कम्पाइलेशन आपको संस्कृत में भी देखने के लिए मिलते हैं जब बुद्धिज़म ईस्ट एशिया के इलाकों में फैला जैसे चाइना में पहुंचा जापान गया सेंट्रल एशिया के जो इलाके हैं जो आपके मंगोलिया वगैरह के हैं यहाँ पर भी ईस्ट एशिया के अलावा जो सेंट्रल एशिया वगैरह के इलाके हैं यहाँ पर भी जब फैला तो फिर वहाँ से कई सारे ट्रैवलर्स जो थे ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं इनको ओरिजिनल फॉर्म में लेने के लिए इंडिया ट्रैवल करके आने लगे पिलग्रिम पर याद रखिएगा पिलग्रमेज पिलग्रमेज़ज़ज़ज़ज़ज वग़ैरह पर काफ़ी सारे लोग ईस्ट एशिया से सेंट्रल एशिया से इंडिया आते थे रिलीजियस पिलग्रिम के तौर पर ये टेक्स्ट वगैरह की तलाश में ओरिजिनल जो आपकी पाली भाषा के है इनकी तलाश में काफी लोग जो है पर आते थे इसमें से दो ट्रैवलर्स का जिक्र जो है खास तौर पे हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ईस्ट एशिया में जैसे जैसे बुद्धिज्म फैला चाइना में गया जापान में गया तो वहां से पिलग्रम आना शुरू हुआ है दो पिलग्रम्स तौर पे इंपॉर्टेंट है फाजियान और ह्यून जैंग ये दोनों ट्रैवलर जो थे चाइना से इंडिया में आए थे इन सारे टैक्स वगैरह की तलाश में ठीक है जी और ये अपने साथ में फिर इन टैक्स वगैरह को लेकर गए जहाँ पर फिर इनका ट्रांसलेशन वगैरह किया गया था ठीक तो इंडियन स्कॉलर्स जो थे ये भी जब एक से दूसरी जगह भगवान बुद्ध का संदेश लेकर जाते थे तो अपने साथ में इन टैक्स वगैरह को लेकर जाते थे और वहाँ पर फिर ये टैक्स वगैरह जो है लोगों को देते थे लोगों को देते थे और इनकी मदद से भी जो है काफ़ी बड़े लेवल पर भगवान बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह या फिलोसफीज वगैरह को स्प्रेड किया गया बुद्धिस्ट टैक्स वे प्रिजर्व इन मेनोस्क्रिप्ट फॉर सेवरल सेंचुरीज इन मोनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया अब इसके चलते हुआ ये कि कई सारे इलाकों में जैसे आपका चाइना में ये टैक्स चले गए जापान में चले गए वियतनाम में चले गए मलेशिया का जो आज का इलाका है वहां चले गए जो इंडोनेशिया का आज का क्षेत्र है वहां चले गए जो श्रीलंका का क्षेत्र है वहाँ चले गए मंगोलिया चलेगा इस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग आपके इलाके थे ये टेक्स्ट वगैरह वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ वग़ैरह थीं तिब्बत वगैरह में अलग अलग, अलग जगहों पे लद्दाख हो गया यहाँ पर इन सब चीज़ों को प्रिजर्व किया गया इन सबको अच्छे से प्रिजर्व कर रखा गया नतीजा ये निकला कि जब नालंदा वगैरह को जला दिया गया इन्वेडर्स के द्वारा या जो दूसरी आपकी जगहों पर भी हमले हुए और सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई बर्बाद हुई तो उसके बाद में भी बुद्धिज़्म की पूरी बेसिक फिलोसफीज़ चले। भले इंडिया में उसका कितना नुकसान हो गया हो, मगर बाकी जगहों पर वो प्रिजर्व रही और इसके चलते बुद्धिज़म काफ़ी बड़े लेवल पर आज भी जो है सर्वाइव कर पाया और एक शायद थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट रिलीजन के तौर पर एग्जिस्ट करता है तो याद रखिएगा इस बात को कि बुद्धिज़्म की जो किताबें हैं अलग अलग देशों तक पहुंची हैं और वहाँ पर ये जो मेनूस्क्रिप्ट वगैरह के रूप में पांडुलिपियों के रूप में इनको जो है सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद में ये और ये वहाँ पर सुरक्षित रहीं ट्रांसलेट हुई वहाँ की लैंग्वेजेज़ में और इन्होंने फिर वहाँ के कल्चर वगैरह पर काफ़ी बड़ा असर डाला जैसे ये एक बुद्धिस्ट मैनूस्क्रिप्ट का पेज है ये आपके चाइनीज़ भाषा में और ये आपका संस्कृत या फिर दूसरी लैंग्वेजेस वगैरह में जो है मेनूस्क्रिप्ट वगैरह को सेव करके रखा गया है तो इस तरीके की आपकी जो किताबें वगैरह हैं इन सबको सेव किया गया और इनकी मदद से मदद से ना सिर्फ बौद्ध धर्म की बेसिक फिलोसफी इंडिया में भली खत्म हो गई हो मगर बाहर प्रिजर्व रही मगर इसने वहाँ पर फैलने में भी जो है काफ़ी मदद करी इंडिया का कल्चर वगैरह भी जो है काफ़ी हद तक वहाँ के कल्चर्स वगैरह से मिक्सअप हुआ बुद्धिज़िज़िज़म के चलते एंड काफ़ी बड़े लेवल पर जो है बौद्ध धर्म फैला और आज भी एक वन ऑफ द लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर एग्जिस्ट करता है चलें आगे बढ़ते हैं तो ये सब याद रखना है पे तक चाइनीज़ भाषा में सेव किया गया है ये शायद उसका ओरिजिनल वर्जन जो था वो है इसको ट्रांसलेट वगैरह किया गया होगा इस तरीके से आपको ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स इसमें हम लोग भगवान महावीर का जो मैसेज है उसके बारे में बातचीत करेंगे एंड जैनिज़्म की जो बेसिक फिलोसफ़ी है थोड़ा सा उसको टच करने की कोशिश करेंगे चलें देखते हैं सर जब भी हम जैनिज्म की बात करते हैं तो आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा भगवान महावीर की मूर्ति है जिसमें वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर यूँ रखकर आलती पालती मार के क्रॉस कर कर वे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान महावीर की मूर्ति आपने कई लोगों ने देखी होगी एंड जैन टेम्पल्स में जब आप जाते हैं तो इस कई लोग गए भी होंगे मैंने जैसे देखा है कई सारे जैन टेम्पल्स में तो इस तरीके की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है इससे कई लोगों को ये लगता है कि जो जैन धर्म है उसकी शुरुआत भगवान महावीर से हुई थी ये सही नहीं है इसको याद रखिएगा भगवान महावीर के पहले भी जो है जैन फिलोसफी एग्जिस्ट करती थी ठीक है जी जो बेसिक फिलोसफी है जो जैनिज़म की बेसिक फिलासफ़ी या जो जैन्स जिस फिलोसफी को में बिलीव करते हैं वो फ़िलासफी भगवान महावीर से शुरू नहीं हुई है हालांकि उनकी मूर्तियाँ आपको जैन टेम्पल्स में प्रोम टली देखने के लिए मिलती हैं तो इससे कई लोग ये गलत जिनको पता नहीं है जैनिज्म के बारे में ज्यादा वो अंदाजा लगा लेते हैं कि जैनिज्म की शुरुआत भगवान महावीर से हुई है या फिर भगवान महावीर जो है वो जैनिज्म के फाउंडर हैं ये सही नहीं है बेसिक फिलॉसफी जो जैनस की थी वो भगवान महावीर के या वर्धमान जब उनको बोला जाता था वर्थ में उनके जन्म के पहले से जो है ये बेसिक फिलॉसफी एग्जिस्ट करती थी इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि जैनिज्म की जो पूरी फिलॉसफी है वो 24 तीर्थंकरों की मदद से जो है ट्रांसमिट हुई है और भगवान महावीर को 24वां तीर्थंकर माना गया है उसके पहले 23 और तीर्थंकर जो थे वो आ चुके थे और उन्होंने भी जो है संदेश वगैरह आपको दिया था तो भगवान महावीर जो हैं पहले उनका जब जन्म हुआ तब उनको वर्धमान बोला जाता था इनके जन्म के पहले से आपको जैनिज्म की बेसिक फिलोसफी इंडिया में देखने को मिलती है इसके प्रमाण हैं एंड बाद में फिर उनको सिक्स सेंचुरी कॉमन बिफोर कॉमन एरा में आपका महावीर के नाम से या भगवान महावीर के नाम से जाना गया जैन ट्रेडिशंस के अनुसार इनके पहले तेईस और जो हैं आपके टीचर्स या फिर तीर्थांकर्स हुए हैं दो सू गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस रिवर्स रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस और इनके लिए ये बोला जाता है कि तीर्थंकर जो हैं ये वो आपके ब्लेस टीचर्स होते थे जो आपके जो महिला एंड पुरुष हैं सब लोगों को इस भाव सागर के पार लेकर जाएंगे एंड उनको जो है मोक्ष की तरफ में लेकर जाएंगे मुक्ति की तरफ में लेकर जाएंगे ये एक पूरी की पूरी फिलासफी जो है थी कि इस तरीके से आपके तेईस टीचर्स या फिर तेईस तीर्थंकर आए थे एंड उसके बाद में फिर भगवान महावीर जो हैं वो ट्वेंटी चौबीसवें या ट्वेंटी फोर्थ आपके तीर्थंकर माने गए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ जैनिज्म इज दैट एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड इवन स्टोन्स एंड रॉक्स एंड वाटर हैव लाइफ इंपॉर्टेंट बात है याद रखिएगा जैनिज्म जो एकदम इतना एम्फोसिस करता है कि आपने बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है उसके पीछे का लॉजिक जो है हालांकि वो बहुत बड़ी फिलॉसफी है मगर आप कम शब्दों में अगर बोलना चाहें तो वो ये है कि भाई जैनिज्म में ये माना जाता है कि दुनिया में हर चीज़ में जो है वो प्राण है या फिर हर चीज़ जो है वो एनिमेटेड है एनिमेटेड से आप एनिमेटेड का कई लोग मतलब लगा लेंगे जो कार्टून्स वगैरह को बोला जाता है एनिमेशन वगैरह वो नहीं है यहाँ पर एनिमेटेड का मतलब है कि उसमें जीव है उसमें प्राण है उसमें आत्मा है उसमें कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस है ठीक है जी तो जैनिज्म ये बोलता है कि हर एक चीज़ में जो है प्राण है कॉन्शियसनेस का लेवल अलग अलग हो सकता है मगर हर एक चीज़ में कॉन्शियसनेस है जैसे कि आप और मैं जो है जीवित हैं हमारे अंदर जो है कॉन्शियसनेस अल्टीमेट लेवल की है तो हम लोग जो हैं ना सिर्फ जीवित हैं हम सोच सकते हैं हम एक सर्टिन तरीके से अपनी इच्छा से आचार व्यवहार और और आपका जो भी आचार और व्यवहार कर सकते हैं जानवर जो है वो भी कॉन्शियस हैं अच्छी खासी मात्रा में मगर वे कंपल्सिव तरीके से जो है अपना आचार और व्यवहार कर सकते हैं बाकी आपके जो पेड़ हैं वो भी जीवित हैं मगर उनका जो कॉन्शियस शियसनेस का लेवल है उतना ज्यादा नहीं है वो अपनी मन मर्जी से मूव नहीं कर सकते सारी चीज़ें जहां पर है वहीं खड़े रहते हैं तो सर्टेन उनका जो है उनकी कॉन्शियसनेस का लेवल अलग है इसी तरीके से आपके जो पानी है जो कलकल -कल करता हुआ कल -कल, जो कलकल -कल करके बहता हुआ आपका जल है उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल अलग है जो आपके पेड़ पौधे हैं इसके अलावा जो पत्थर हो गए इनका कॉन्शियसनेस का लेवल अलग है तो हाइएस्ट कॉन्शियसनेस से लोएस्ट कॉन्शियसनेस के लेवल तक आप जाइए मगर हर एक चीज में जीव प्राण कॉन्शियसनेस एनिमेशन आपकी एनिमेट देखने को मिलता है हर एक चीज जो है वो एनिमेट ठीक है।, है जी इसमें स्टोन रॉक्स वाटर हर चीज आती है एंड एक इंसान के तौर पर एक जीव के तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इनमें से किसी भी चीज़ को इंजुरी ना खास खासतौर पर ह्यूमन बींग्स को या फिर जो भी चीज जिसमें जिंदगी है एनिमल्स हो गए प्लांट्स हो गए इंसेक्ट्स हो गए इन सारी चीज़ों को आपने चोट नहीं पहुँचाना चाहिए तो ये जो नॉन इंजुरी है लिविंग बींग्स को नॉन इंजरी टू द लिविंग बींग्स स्पेशली खास खासतौर पे इंसानों को फिर आपके जो एनिमल्स वगैरह हो गए उनको फिर आपके जो प्लांट्स हो गए उनको एंड इंसेक्ट्स वगैरह हो गए उनको ये जो है पूरी की पूरी जैन फिलोसफी में बहुत ज़्यादा सेंट्रल जगह रखता है जो जैनिज़्म का एक पूरा कंसेप्ट है अहिंसा के ऊपर इतना ज़्यादा जो इम्फोसिस दिया गया है जो कि आज की तारीख में अगर आप अहिंसा की बात करेंगे तो वो सिन्नम बन गया है जैनस के साथ में कि एक बड़ा एक जो जो जैनस होते हैं उनका एक कॉमन परसेप्शन यही है कि बहुत पीसफुल हैं बहुत शांत कम्यूनिटी है बहुत, बहुत ज़्यादा जो है आपका जनरस होते हैं सारी चीज़ें हैं बिल्कुल हिंसा वगैरह नहीं करते प्योर वेजिटेरियंस हैं बड़ा स्ट्रिक्ट जो है अपना इस बात को लेके होते हैं तो ये जो एक पूरा का पूरा बन गया है कि जैन मीन्स पीस यानी कि शांति का मतलब ही जो है वो जैन जैनिज्म है या जैनिज़्म जो है वो शांति है जो एक कंसेप्ट बन गया उसके पीछे है जो एक हज़ारों सालों की प्रैक्टिस है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है इस बात के ऊपर कि किसी को भी चोट नहीं पहुँचानी है शारीरिक तौर पर भी नहीं मानसिक तौर पर भी नहीं तो इस तरीके से जब आप रहना शुरू करते हो इस तरीके का आचार व्यवहार शुरू करते हो तो वो पूरा का पूरा आपका बिहेवियर जो है उसमें आ जाता है और इसके चलते एक कम्यूनिटी जो है इस तरीके से डेवलप हुई है जो इतना ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर भरोसा करती है इन सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास करती है नतीजा यह है कि आज की तारीख में जैन धर्म या जैन आ, समाज के जो लोग होते हैं इनको बकायदा बहुत शांति प्रिय किस्म का जो है समझा जाता है वो होते भी हैं ऑब्वियसली बात है उसके पीछे की वजह यही है कि जैन फिलोसफी में सेंट्रल आइडिया है कि, कि किसी को चोट नहीं पहुँचानी है ना शारीरिक ना मानसिक किसी भी तरीके से सिर्फ इंसान नहीं जानवर हो गए प्लांट्स हो गए इंसेक्ट हो गए किसी को भी जो है आपने चोट नहीं पहुँचानी है अब ये जो आपका टॉपिक ये जो इनफैक्ट जो प्रिंसिपल है अहिंसा का इम्फेसाइज विद जैनिज्म हैज़ लेफ्ट अ मार्क ऑन इंडियन थिंकिंग एज अ वोल अब ये जो बात है कि जो ये अहिंसा का कंसेप्ट है कि आपने किसी को चोट नहीं पहुंचानी है हर चीज़ में जो है आपने जीवात्मा को देखना है एंड किसी को भी आपने जो है अपनी तरफ से चोट नहीं पहुंचानी है ये अहिंसा के ऊपर जो इतना स्ट्रिक्ट जो बात कही गई है ये जैन फिलासफ़ी का एक सेंट्रल आइडिया है इसमें कोई शक की बात नहीं एंड जैन इसको बहुत सीरियसली uh, फॉलो भी करते हैं मगर ओवरऑल अगर आप इंडियन सोसाइटी के ऊपर देखें तो इसका आपको एक बहुत गहरा प्रभाव समझ में आता है बहुत बड़े लेवल पर जो है इसका असर आपको देखने के लिए मिलता है पूरे हिंदुस्तानी समाज के ऊपर अहिंसा के इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देखने के लिए मिलता है और इसीलिए इस फिलासफ़ी ने जैनिज्म की पूरी की पूरी फिलासफी ने हिंदुस्तान के लोगों के आप कह सकते हैं अंतर मन पे मस्तिष्क पे हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के ऊपर एक बहुत गहरा और एक बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला है अकॉर्डिंग टू जैन टीचिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म कर्मा एस्थेटिज्म एंड पिनन्स आर रिक्वायर्ड टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्म तो जैन टीचिंग्स के अनुसार अगर आप चलेंगे तो ये जो साइकिल है बर्थ की और रिबर्थ की ये इसलिए होती है क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो रुकते नहीं हैं आप जिस तरीके के कर्म करते हैं वो कर्म जो है फिर आपको बर्थ और रिबर्थ की साइकिल में लेकर जाते हैं और इनफैक्ट इसमें कई लोग ये भी बोलते हैं कि आपके जो ये कर्म रहते हैं एक पर्टिकुलर जन्म में उन कर्मों के चलते जो टेंडेंसीज डेवलप होती है उसी के चलते जब आपकी आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अगला जो वूम है अगला जो गर्भ अपने लिए ढूंढती है वो उसी उसी टेंडेंसीज के के बेसिस पर तरीके इंसान को ढूंढने की कोशिश करती है जो आपकी जो जो आपकी टेंडेंसीज टेंडेंसीज आपके कर्मों के चलते जो इस लाइफ में बन गई थी उन पर्टिकुलर टेंडेंसीज से मैच खाता अब इस तरीके से भी कई लोगों ने इसको जो है जोड़ा है कि आपका जो अगला जो आप किसके घर पैदा होने वाले हो कहीं ना कहीं वो भी शायद आपके कर्मों पर निर्भर करता है अब मैं नहीं जानता ये सच है नहीं है मगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज जो है ले दे के आके सिर्फ एक बात के ऊपर रुक जाती है और वो है कर्म ठीक है जी वो है कर्म के ऊपर कर्म के ऊपर जो है सारी की सारी बातें आके रुक जाती हैं मतलब यहाँ तक लोगों ने इन्फोसिस करके बोला है कि जिस माता के गर्भ से आप जन्म लेने वाले हो उस तक को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो आपके कर्म आपने ठीक रखना है तो हिंदुस्तान की पूरी की पूरी फिलॉसफी में जो कर्म के ऊपर इतना इन्फोसिस दिया गया है तो कहीं ना कहीं जैन टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है जिसमें यह बोला गया है कि ये जो बर्थ और रीबर्थ का पूरा काम चल रहा है ये सिर्फ कर्मों के कारण चल रहा है और जब तक आपके कर्म चलते रहेंगे उसके चलते कुछ टेंडेंसीज डेवलप होती रहेंगी और उसके चलते आपका जन्म और मृत्यु जन्म और मृत्यु चलता ठीक है अब अगर आप ये चाहते हो कि ये कर्म की टूटे या फिर इसके साथ में आपका बर्थ और रिबर्थ की साइकिल टूटे तो उसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि भाई आप जो है एक तो एसडिजम रखें और दूसरा करें, अपना जो है कठोर तप वगैरह करके अपने कर्मों की साइक, को जो है तोड़ने की कोशिश करें अब ये सब कुछ करने के लिए आपको संन्यास लेना पड़ेगा रेनाउंस करना पड़ेगा सब कुछ और ऋषि मुनि की तरह में जो है आपको जीना पड़ेगा तो मोनेस्टिक कंडीशन जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मानी गई है आज भी आपको जो जैन मुनि या जैन साधवियां देखने के लिए मिलती हैं जो जिस तरीके से वो जिंदगी जी रहे हैं। एकदम एक एकदम एक एक जिस तरीके की वो ज़िंदगी वगैरह जीते हैं किसी को किसी तरीके की कोई चोट नहीं पहुंचाना एकदम अहिंसात्मक तरीके से अपना जो है जीवन जीना है और बाकी जितना हो सके उतना ज़्यादा वक्त अपना ध्यान और पूजा पाठ या जो भी है उसमें लगाना है पूरी तरीके से जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना है जो एकदम एस्टेटिज्म एंड पेनेंस और सारी की सारी चीज़ें वो अपनी लाइफ में उन्होंने शामिल करी हैं उसका असर जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए आपको आज भी मिलता है तो ये नेसेसरी कंडीशन मानी गई है मोक्ष के लिए या सेलिव्रेशन के लिए जब भी जर्निज़म की बात आ जाती है तो इनफैक्ट जो जैन मॉन्ग्स होते हैं या जो नन्स होती हैं जो जैन रिलीजन में जो आपका सन्यास ग्रहण करते हैं जो मॉन्ग्स बनते हैं या जो नन्स बनते हैं बकायदा वो पांच जो है कस, कर, आप इस तरह से कह सकते हैं पांच शपथ लेते हैं ठीक है जी सबसे पहला तो आप एब्सटेन करेंगे किलिंग से आप किसी भी तरीके की किलिंग वगैरह जो है उससे बचेंगे यू विल एप्सटेन फ्रॉम किलिंग किसी भी तरीके की आपको आ, हिंसा नहीं करनी है किसी की जान नहीं लेनी है किसी के प्राण आपने नहीं लेने है दूसरा ये कि आप एप्सटेन करेंगे स्टीलिंग से आप किसी से भी जो है कोई भी चीज़ चोरी नहीं करेंगे आप किसी से कुछ नहीं चुराएंगे आप स्टील नहीं करेंगे तीसरा आप एप्सटेन करेंगे लाइंग से यानी कि आप झूठ नहीं बोलेंगे आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से झूठ नहीं बोलेंगे चौथा आप सेलिबेसी ऑब्जर्व करेंगे आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे एंड लास्ट आप जो है प्रॉपर्टी वगैरह परसेस करने से एप्सटेन करेंगे यानी कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी धन धान्य बना लें इन सारी चीज़ों से आप बचेंगे इन सारी चीज़ों

आ, इनकी जो भी आपके प्रीचिंग्स वगैरह हैं जो भी संदेश वगैरह हैं वो इनके फॉलोअर्स के द्वारा जो है सेव किए गए थे इनके फॉलोअर्स के द्वारा इनको रिकॉर्ड किया गया था अब ये जो टीचिंग्स वगैरह हैं ये जनरली आपको स्टोरीज़ के फॉर्म में देखने के लिए मिलती हैं और ये स्टोरीज़ के फॉर्म में इसलिए जो है ये सारी की सारी टीचिंग्स वगैरह दी गई थी ताकि सामान्य लोग जो हैं आसानी से समझ सकें उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें और उनको जो है उनकी उनमें जो शिक्षा दी गई है उसको उसका पालन कर सकें अब अगला जो टॉपिक आता है वो है आपका स्प्रेड ऑफ जैनिज्म तो जिस तरीके से बुद्धिज़्म आपका एक इंटरनेशनल रिलीजन बन गया बकायदा सेंट्रल एशिया में ईस्ट एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में कई सारी जगहों पर जिस तरह से बुद्धिज़्म आपका फैला उसी तरह से जैनिज़्म का भी जो स्प्रेड है वो हुआ है अब जैनिज्म का हालांकि जो स्प्रेड है वो आपको मोर और लेस इंडिया में ही देखने के लिए मिलता है मगर जैनिज्म किस तरीके से स्प्रेड हुआ थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जैनिज्म जो है वो भी इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुआ है जिस तरीके से आपके बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे उन्होंने भी जो हैं आपके जो जैन स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बहुत सारा लिटरेचर बहुत रिच लिटरेचर जो है लिखकर तैयार किया एंड कई सारी लैंग्वेजेस में जो है उस लिटरेचर को लिखकर तैयार किया गया है प्राकृत भाषा में लिखा गया है संस्कृत भाषा में लिखा गया है तमिल भाषा में लिखा गया है कई सारी आपकी भाषाओं में कन्नड़ भाषा में आपको जो है जैन लिटरेचर बहुत सारा देखने के लिए मिलता है तेलुगु में देखने के लिए मिलता है तो बहुत सी में जो है ये लिटरेचर तैयार किया गया प्रिजर्व किया गया प्राकृत में संस्कृत में 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 तमिल कन्नड़ तेलुगु बहुत सी लैंग्वेजेज में आपको जैन लिटरेचर जो है लिखकर प्रिजर्व कर कर वगैरह के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है ये लिटरेचर वगैरह प्रिजर्व किया जाता था जैन टेम्पल्स के साथ में कई बार आपको लाइब्रेरीज वगैरह भी देखने को मिलती हैं तो वहां पे उन लाइब्रेरीज वगैरह में ये सारा लिटरेचर रखा जाता था एज अर्लीस्ट टोन्स कल्चर्स एसोसिएटेड विद रिलीजियस ट्रेडिशन प्रोड्यूस बाई डिवोटीज ऑफ जैन तीर्थांकर इनफैक्ट ये भी एक याद रखने वाली बात है जो सबसे शुरुआती स्टोन कल्चर्स की बात की जाए जो अर्लीएस्ट आपके पत्थर के ऊपर जो कलाकृतियाँ या जो स्कल्चर्स वगैरह बनाए गए हैं वो जो आपके जो, जो जिनको रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ में एसोसिएट किया जा सकता है वो जैन तीर्थंकरों को को डिवोट किए जाते हैं या फिर जैन तीर्थांकर के डिवोटीज के द्वारा बनाए गए थे मतलब ये कि जो पत्थरों को आपका आकार देखे मूर्तियां बनाने की जो ये कला है जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखती हैं जैसे हम अपने देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं जो सबसे अर्ली स्टोन्स के ऊपर बनाए गए जिनको फिर आपने ईश्वर का या देवताओं का रूप दिया है तो उस आ, सबसे शुरुआती जो काम ये ये किया किया गया था, ये जैन के के द्वारा किया गया था था जैन के के डिवोटीज द्वारा उन्होंने सबसे पहले इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो मूर्तियां वगैरह जो हैं बनाना शुरू करी थी थीचर्स वगैरह जो हैं करना शुरू किए थे तो ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है जैन जैन के डिवोटीज़ का इंडियन आ, पूरे के पूरे जो उस कल्चर और बाकी रिलीजियस कल्चर्स वगैरह या रिलीजियस ट्रेडिशन वगैरह को रहा है चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है बुद्धा एंड हिज़ क्वेस्ट फॉर एन्लाइटनमेंट देखते हैं सर तो ये जो टॉपिक है बुद्धा एंड हिज़ क्वेस्ट फॉर एन्लाइटनमेंट इसमें हम लोग भगवान बुद्ध की जो कहानी है किस तरह से वो पूरा इन्लाइटनमेंट की तरफ गए और उसके बाद में बुद्धिज़्म का रिलीजन जो है उसकी स्थापना हुई कैसे वो फैला थोड़ा उसके बारे में बातचीत करेंगे और इससे रिलेटेड जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन वगैरह करेंगे देखते हैं सर बुद्धा वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशल टीचर ऑफ दिस टाइम ओवर सेंचुरी इज इज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड रीच थ्रू सेंट्रल एशिया टू चाइना जापान एंड कोरिया एंड थ्रू श्रीलंका टू म्यानमार थाईलैंड एंड इंडोनेशिया इसमें देखिए कोई शक की बात नहीं है भगवान बुद्ध जो थे अपने वक्त के शायद सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर थे जो अलग अलग सेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो अलग अलग फ़िलासफीज़ जो लोगों ने अलग अलग वक्त में प्रीच करी थी अलग अलग फ़िलासफर्स ने अलग अलग टीचर्स ने उसमें शायद भगवान बुद्ध का जो मैसेज था वो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुन्शियल था या फिर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुशियल भगवान बुद्ध जो है वो एक टीचर के तौर पर रहे और अपने संदेश को बड़े लोगों तक जो है फैलाने में कामयाब हो पाए अब इनका जो संदेश है ना सिर्फ इंडियन सब आपका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें फैला और आपका अफगानिस्तान तक जो है इनका संदेश वगैरह गया बुद्धिज़म जो है अफगानिस्तान तक गया मगर के अलावा ओवर सेंचुरीज जैसे जैसे वक्त बीता कई सेंचुरी के साथ में ये इंडियन सबकॉन्टीन पूरा का पूरा मैसेज पहुंचा और सेंट्रल एशिया से होते हुए से, पहले सेंट्रल एशिया गया सेंट्रल एशिया से होते हुए फिर मैसेज चाइना फिर जापान फिर कोरिया में पहुंचा नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो श्रीलंका पहुंचा पहले और श्रीलंका से फिर यह म्यांमार गया ये थाईलैंड गया ये इंडोनेशिया गया वियतनाम वगैरह गया इस तरीके से अलग अलग जगहों पर भगवान बुद्ध का जो है ये मैसेज पहुंचा अब देखिए सोचिए इस बारे में कि इतने हज़ार साल पहले इतने बड़े इलाके में इतने बड़े बड़े जो रीजनस हैं इन सारे देशों को अगर हमारे यहाँ से पैदा हुई एक फ़िलासफ़ी ने इन्फ्लुंस किया है और ऐसे टाइम पीरियड में जब कम्युनिकेशन इतना मुश्किल होता था उस टाइम पीरियड में अगर इन्फ्लुंस किया है तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि ये फ़िलासफ़ी कितनी पावरफुल थी कितना ज़्यादा लोगों के ऊपर इसका असर रहा होगा और फिर यहाँ से वही बात आती है कि फिर अगर भगवान बुद्ध की बात की जाए तो कितने इन्फ्लुन्शल टीचर वो रहे होंगे जो उस टाइम पीरियड में उन्होंने इतना डायनामिक आइडिया दिया जो इस तरीके से जो फैलता चला गया अब सवाल ये उठता है कि भगवान बुद्ध की टीचिंग के बारे में हमको पता कैसे चलता है कि भगवान बुद्ध ने ये बात बोली थी ये बात नहीं बोली थी ऐसा कहा था ऐसा नहीं कहा था वगैरह वगैरह ये जो सवाल है कि हमको भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में कैसे पता चलता है इसका जवाब यह है कि भाई जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं हम उनको एनालाइज़ करते हैं भगवान बुद्ध के ऊपर जो आपकी अलग अलग कॉमेंट्रीज़ लिखी गई हैं सबसे पहले तो आपके जो तीन पितक हैं आपका जो विनय पिथक है सुत् पितक है और अभिधम्य पितक है तो उनके बारे में हम लोग उनमें जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं वो इसके अलावा जातक की कथाएँ होती हैं भगवान बुद्ध से रिलेटेड और भी जो स्टोरीज़ वगैरह जो प्रचलित हैं और आपकी जो अलग अलग हीगीफीज़ या बायोग्राफीज़ वगैरह लिखी गई जो अलग अलग जगहों पर बुद्धिज़्म पहुँच अच्छा वहाँ पर जो रीजनल लिटरेचर लिखा गया उसमें भगवान बुद्ध का जो जिक्र है या उनकी जो बायोग्राफी वगैरह का या उनकी टीचिंग का जो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है इन सारी की सारी चीज़ों का हम लोगों ने एनालिसिस किया इन सारी की चीज़ सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा और इन सब का एनालिसिस वगैरह करने के बाद में फिर हम लोग इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि भगवान बुद्ध की ये ये टीचिंग्स थी और इस तरीके से जो है इनको दिया गया था तो जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट को एनालाइज़ करते हैं उससे हमको भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है साथ ही साथ अलग अलग तरीके की जो हेगियोग्राफीज होती हैं उनके ऊपर भी हिस्टोरियंस रिलाय करते हैं भगवान बुद्ध की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सारी बातें पता करने के लिए हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है हेगियोग्राफी इज़ द बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर दे जनरली ऑफन प्रेज द लीडर मे नॉट ऑलवेज भी लिटरली ट्रू बट देस अबाउट बिलीफ ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन तो हेडियोग्राफी बेसिकलीस या किसी रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी होती है जिसको उसके, uh, जिस uh, जो, उस ने जो भी फिलोसफी दी थी उसको मानने वाले उसके किसी शिष्य ने जो है लिखा होता है अब इसमें होता क्या है जनरली बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है अपने टीचर के बारे में बहुत सी बातें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती हैं कई बार इसमें ऐसी चीजें भी होती हैं जो शायद

सेंचुरी तो ओशो ने जो भी अपनी बातें वगैरह करी उनके जो आप उनके अगर आप लेक्चर सुने उनकी जो बातें सुने तो वो किसी भी इंसान के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त प्रभाव डालते हैं कभी आप ओशो की फिलॉसफी सुने आप उनसे एग्री करें ना करें वो बात की बात है मगर वो आपके दिमाग पर एक गहरा प्रभाव डालेंगे ये बात तय अब ओशो के फिर जैसे जैसे टीचिंग्स वगैरह फैलने लगी और लोग उनको फॉलो करने लगे तो फिर ओशो के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फिर उनके जाने के बाद में उनके ऊपर पूरा का पूरा उनका जो ज़िंदगी वगैरह है उसके ऊपर एक उन्होंने पूरी एक बायोग्राफी वगैरह लिखी तो और उसके कई सारे वॉल्यूम्स वगैरह छापे गए अब उस किताब को अगर आप पढ़ना शुरू करो तो उसमें ओशो के जन्म के बारे में बताया गया कि जब उनका जन्म हुआ तब जहाँ जो नर्मदा नदी थी वो उफान पर थी और उसके बाद में फिर वो उनके घर तक आई और जो चौखट थी उसको टच करके वापस लौट गई वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें जो हैं इसमें लिखी हुई अब ओशो बड़े लॉजिकल किस्म के इंसान थे वो बड़ी लॉजिकल बातें करते थे बहुत मतलब वो आपकी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में ऐसा नहीं है कि बिना मतलब कि वो आडम्बर या इस तरीके की बातें करते थे वो बड़ी लॉजिकल बातें करते थे अब उन्हीं के जाने के बाद में उनके शिष्य ने उनकी बायोग्राफी की शुरुआत ऐसे कर दी कि जब जन्म हुआ था तो आपकी नर्मला नदी उफान पर थी और वो एकदम आपका घर ऐसा लगा कि सब कुछ डूब जाएगा मगर फिर जन्म होता है नर्मदा नदी आती है आपका चौकट को टच करती है और वापस लौट जाती है ऐसा लगता है जैसे बस पैर छूने आई थी अब इस तरीके की बातें जो हैं उससे उन्होंने उसको शुरू किया हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सिर्फ़ एक्साग्रेड कर कर लिखा गया मगर पॉइंट यह है कहने की या समझाने की बात यह है कि इस तरीके से एक शिष्य के द्वारा जो अब ओशो को भगवान की तरह पूछता था उसने जो फिलोसफी लिखी तो उसमें ऐसी बहुत सी बातें डाली गई जो शायद सच ना हो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया और सारी चीज़ें की गई तो इस तरीके की चीज़ें इस तरीके की जो बायोग्राफीज़ होती हैं जिसमें बहुत सी बातें शायद सच ना हो बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हूँ एक्साग्रेड कर कर लिखी गई एक आप कह सकते हैं कि बनाने के लिए जो है इस तरीके की चीजों को लिखा गया इनको हेगियोग्राफीज बोला जाता है मगर फिर भी आपकी हेगियोग्राफीज आपके कई बार काम आती हैं क्योंकि इनकी मदद से अपने को एक वक्त में जो पॉपुलर बिलीव्स हुआ करते थे जो फॉलोअर्स मानते थे ट्रेडिशन के उसका अंदाजा लगता है जैसे कि सपोज कर लीजिए ओशो की बात को कंटिन्यू करते हैं अगर आपने ओशो के तीन या चार आपके बड़े बड़े आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने उनकी उन्हों चार हीगीफीज़ लिखी हैं अब इन चार हीगियोग्राफीज़ को चार अलग अलग लोगों ने लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो सबकी सब सेम तो नहीं होंगी उनमें कुछ तो फर्क आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चार लोग ओशो को अपने तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं या ओशो की जिंदगी को अपने तरह से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं अब होगा ये कि चारों ने जो अपना बड़ा बड़ा बढ़ा चढ़ा के बातें लिखी गई होंगी जो एक्साग्रेशन लिखा गया होगा उसको तो हम लोग अलग हटा सकते हैं मगर चारों में जो कॉमन बातें हमको देखने को मिलेंगी उसको हम लोग सच मान सकते हैं कि हाँ यार ये चीज़ जो है चारों में कॉमन आ रही है ट्रेडिशंस को लेकर बिलीव्स को लेकर या ओशो की किसी बात को लेकर तो उसके बेसिस पे हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये बात सही है ये बात जो है सही है अब एक्जैक्टली exactly इसी लॉजिक को आप लगाइए भगवान बुद्ध के ऊपर भगवान बुद्ध इतने हज़ार साल पहले हुए थे और इनके बारे में फिर जो आपके कई सारे इनके बाद जो इनके फॉलोअर्स बने इन्होंने इनके ऊपर हेगियोग्राफीज वगैरह लिखी हैं या फिर बायोग्राफीज वगैरह लिखी हैं जिनको हेगियोग्राफी की कैटेगरी में डाला जाता है अब किसी में भगवान बुद्ध को हो सकता है चमत्कार करते हुए दिखाया गया हो किसी में यह दिखाया गया हो कि भगवान बुद्ध उड़ सकते थे किसी में यह बताया गया हो कि उनके होने के पहले शायद आकाशवाणी हुई थी किसी में कुछ बताया है, किसी में कुछ बताया तो ऐसी जो एक्साग्रेटेड चीजें है इन सबको तो हम अलग हटा सकते हैं मगर इन सारी हैग्योग्राफीज़ में जब हम देखेंगे कि यार कुछ बातें कॉमन आ रही हैं भगवान बुद्ध ने आपका जो है सब कुछ छोड़ के राजपाट जो भी चीज़ें थी वो सब छोड़ छाड़ के क्यों जो है उन्होंने मतलब ये सन्यास की तरफ वो गए उन्होंने और किस तरीके से उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई किस तरह से उन्होंने अपना संदेश दिया आखिरी वक्त उनके जो मृत्यु के पहले जो आखिरी शब्द थे उनके क्या थे वो जो रेगुलर टीचिंग्स देते थे वो क्या थी कहाँ पर उन्होंने क्या किया कहाँ गए कहाँ नहीं गए अब अगर कुछ बातें आपको सारी किताबों में कॉमन मिल रही हैं तो फिर उन कॉमन बातों को आप जो है ले सकते हैं साथ ही साथ बौद्ध धर्म जब शुरू हुआ था तो किन चीज़ों को माना जाता था किन चीज़ों को नहीं माना जाता था अगर कुछ कॉमन टीचिंग्स आपको सारी हेगियोग्राफीज़ में देखने को मिल रही तो आप उनको भी जो है शामिल कर सकते हैं इस तरीके से कई बार इस हेगियोग्राफीज को स्टडी कर रिलीजियस टेक्स वगैरह को स्टडी कर, कर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं किसी पर्टिकुलर टीचर के बारे में किसी पर्टिकुलर टीचिंग के बारे में काफी सारी चीज़ें पता कर लेते हैं भगवान बुद्ध के, के केस में भी यही हुआ था उनकी जो भी टीचिंग्स वगैरह थी उन सबके बारे में हमको इस तरीके से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा जो है मिला काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमको यहाँ पे पता चल गई तो ये कुछ आपके

फिलोसफी आगे बढ़ी तो कौन-कौन सी टीचिंग सबसे ज्यादा कॉमन थी उसके बारे में भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छा बातें निकल कर आती हैं, थोड़ा उस पर बातचीत करते हैं सबसे जो कॉमन चीजें हमको पता चली ट्रेडिशन सब चीजों को भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनका जन्म का नाम था सिद्धार्थ और क्योंकि उनका जन्म जो है शाक्य के क्लैन में हुआ था या शाक्य के क्लैन के एक चीफ हुआ करते थे उनके घर में हुआ था इसके चलते कई बार भगवान बुद्ध को शाक्य के मुनि के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा भगवान बुद्ध के कई सारे नाम हैं शाक के मुनि के नाम से जाना जाता है तथागत तथागत के नाम से भी जाना जाता है ठीक है जी बुद्ध तो बोला ही जाता है बुद्धा तो बोला ही जाता है मगर इसके अलावा शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं तथागत के नाम से भी जाने जाते हैं मगर याद रखिएगा शाक्य मुनि क्यों बोले जाते हैं क्योंकि शाक्य क्लैन के चीफ के घर में पैदा हुए थे और वहाँ से फिर आगे बढ़े और सारी चीज़ें हुई तो कई बार शाक्य मुनि के नाम से भी जाने जाते हैं सिद्धार्थ इनके जन्म का नाम था जब इनका अप्रिंगिंग अब, अब जब जन्म हुआ तो उस वक्त फिर जो भी आपके पंडित वगैरह रहे होंगे उन्होंने फिर एक बात बोली थी कि याद तो ये मतलब इनके जो पिता थे उनसे ये बात बोली गई थी कि भाई या तो तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा राजा बनेगा बहुत प्रतापी राजा बनेगा या फिर ये सन्यासी हो जाएगा और वो बहुत ग्रेट टीचर बनेगा और फिलोसफर बनेगा इस तरीके की बातें तो जाहिर सी बात है कोई भी पिता नहीं चाहेगा कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है उसके राजपाट को ना संभाले बल्कि उसके जगह पर ऋषि हो जाए या फिर साधु हो जाए कोई नहीं चाहेगा ये चीज़ को तो उन्होंने फिर ये सोच के कि यार जब ये दुनिया पूछा कि भाई कैसे जो है मतलब ये मतलब जब उन्होंने पूछा होगा कि कैसे ये ऋषि मुनि बन सकता है तो उन्होंने बोला कि ये दुनिया में देखेगा दुख दर्द और ये सारी चीज़ें ऐसे उसका हृदय वगैरह बदलेगा और अल्टीमेटली सब कुछ छोड़ छाड़ देगा तो उन्होंने बोला या सोचा कि जब ये कुछ चीज़ों को देखेगा ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है क्या है क्या नहीं है तो फिर ये इसका दिमाग कैसे भी मतलब जो है बदलेगा आपका राजपाट छोड़ के अपना संन्यास वगैरह के लिए इस बात को ध्यान में रखवा कर इनके जो पिता हुआ करते थे शायद राजा शुद्धोधन नाम था उनका तो भाई ने ये किया कि उन्होंने फिर ये किया जो राजा शुद्धोधन थे उन्होंने फिर ये किया कि इनको एकदम महल में इंसुलेट करके रखा जो भी दुनिया की हार्श रियालिटीज़ वगैरह हैं उन सबसे उनको एकदम इंसुलेट किया और वहाँ पे फिर इनकी अपब्रिंगिंग करवाई गई इनकी माताजी की तो खैर मृत्यु जल्दी हो गई थी उसके बाद में इनकी जो फॉस्टर मदर थी उन्होंने इनकी अपब्रिंगिंग वगैरह करी है और ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे वक्त पर इनकी शादी हुई शादी के बाद में इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया और एक अच्छी लाइफ चल रही थी बाद में तय था कि राजा वगैरह बनेंगे अच्छी लाइफ जो है बढ़िया इनकी ज़िंदगी कट रही थी फिर एक दिन इनका मन हुआ कि यार मैं महल में रहता हूँ चारों तरफ यहाँ पर जो है मैं देख देख के सब बोर हो गया हूँ मुझे थोड़ा बाहर घूमने जाना है तो फिर एक दिन वो सिटी निकल गए घूमने के लिए अब कहानी ये कहती है कि वहाँ पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा एक एक बीमार आदमी को देखा और एक लाश को देखा और इसको देख उनका जो है मन बदल गया कहानी कुछ इस तरह से जाती है

उन्होंने बोला कि साहब एक आदमी है नॉर्मल एक बूढ़ा आदमी है तो पूछा कि आदमी बूढ़ा क्यों है तो इसका जवाब दिया कि सब सबको बूढ़ा होना है एक दिन तो उन्होंने बोला क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा उन्होंने बोला हाँ आप भी अगर भगवान ने चाहा तो आप भी एक लंबी उम्र ऑप्टेन करेंगे एंड आप भी जो है बूढ़े होंगे आप भी जो है एकदम आपके बाल सफ़ेद होंगे दांत टूटेंगे शरीर जो है वो कमज़ोर होगा कमर जो है वो झुकेगी लचक आएगी सारी चीज़ें तो उनको सुनकर बड़ा शौक लगा कि बुढ़ापा भी एक चीज़ होती है आदमी बूढ़े भी होते हैं तो अगर इस कहानी के अनुसार चला जाए तो उनको कितना इंसुलेट कर कर पाला गया था ये बात समझ में आती है थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आदमी बीमार मिला जिंदगी में जिंदगी में पहली बार उनको एक आदमी जो देखने को मिला जो बीमार पड़ा है तो ये बड़ा उनके लिए आश्चर्यचकित करने वाली बात थी उन्होंने फिर पूछा सारथी से कि भाई ये आदमी को क्या हुआ बोला बीमार हो गया तो फिर उन्होंने बोला कि मगर ये बीमार कैसे हो गया है बीमार होना क्या होता है उन्होंने बोला कि सब बीमार पड़ते हैं कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से बीमार पड़ता है तो उन्होंने फिर पूछा कि क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा उन्होंने बोला अगर कई हो सकता है अगर ईश्वर ने चाहा तो आप भी बीमार पड़ेंगे अब उनको फिर इस बात पे धक्का लगा उनको पहली बार समझ में आया कि बीमार पड़ना भी एक चीज होती है आदमी या इंसान जो है मनुष्य जो है बीमार भी पड़ता है थोड़ा और आगे बढ़े अब उनको एक लाश दिखी जो चार कंधों पर जा रही थी फिर पूछा उन्होंने कि भाई ये जो कॉर्प्स ये क्या चीज है तो उन्होंने बोला साहब एक व्यक्ति की लाश है वो जा रहा है मृत्यु हो गई होगी उसकी वो जा रहा है उसके मतलब अंतिम संस्कार वगैरह करने के लिए लेकर जा रहे हैं उन्होंने फिर पूछा धारती से कि भाई ये जो क्या मेरी भी मतलब एक दिन मृत्यु होगी क्या मुझे भी इस तरह से चार कंधों पर इस तरह से कॉर्प्स के रूप में लेकर जाए

आप इस स्थिति में हो ये सब चीज़ें हैं फिर आपको मतलब डर नहीं लग रहा है इन सब से ये वो तो जो भी जवाब देता है कि मैं भैया बड़ा कंटेंट हूं मैंने जिंदगी को बड़ा अच्छे से जिया ये वो जो भी है उनकी सारी बातचीत वो सुनते हैं कुल मिलाकर इस सारी कहानी का सार ये निकल कर आता है कि भगवान बुद्ध जो अभी तक बुद्ध बने नहीं है जो अभी राजकुमार सिद्धार्थ हैं उनको रियलाइज होता है कि यार जिंदगी का कोई मतलब नहीं है शरीर जो है यह नश्वर है ये बुढ़ाएगा भी ये बीमार भी पड़ेगा और अल्टीमेटली ये मरेगा भी तो ये एक दिन खत्म भी हो जाएगा तो मुझे भी एक दिन बूढ़ा होना है बीमार भी पड़ना है और मेरी मृत्यु भी आनी है तो धीरे

और जो इन सारी चीज़ों के साथ में पीस में है कि हाँ वो बूढ़ा हो गया है वो बीमार भी पड़ रहा है मृत्यु का भी इंतजार कर रहा है वो सारी चीज़ों के साथ में उसने जो है आपका समझौता कर लिया उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुका और वो पीस में है जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा इसके साथ में डिस्कशन हुआ बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा असर डाला और अल्टीमेटली फिर यहां से भगवान बुद्ध ने तीस साल की उम्र में डिसाइड किया कि भैया अब हो गया बहुत जो आपकी नॉर्मल जिंदगी थी जीली अब जो है अपने को दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली इस रास्ते पर चलकर तो मृत्यु आ जानी है कोई मतलब नहीं निकलना इन सारी चीज़ों का तो इसके बाद में जब ये आपके होमलेस मैंडिकेंट से मिलते हैं जब वो उनको उनसे जब वो उनसे मिलते हैं और समझ में आता है कि बूढ़ी उम्र डिसीज़ और आपकी जो आने वाली मृत्यु है हर चीज़ के साथ में सामने वाला जो है एक कह सकते हैं कि हैज़ कम इन टर्म्स विद डेट उसने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और उनकी बातें सिद्धार्थ पर जब गहरा असर डालती हैं राजकुमार सिद्धार्थ पर तो राजकुमार सिद्धार्थ भी डिसाइड करते हैं कि वो ये घर छोड़ देंगे अपना और वो भी उसी रास्ते पर चलेंगे जिस रास्ते पर ये बूढ़ा सन्यासी ये होमलेस मैंडिकेंट चल रहा है तो उसके बाद में वो अपना घर छोड़ देते हैं उसके बाद में जो ये त्रुथ की तलाश है जो केवल ज्ञान की तलाश है उसमें एक से दूसरी जगह दूसरे से तीसरी जगह भटकते रहते हैं बहुत से टीचर्स की संगत में रहते हैं बहुत सी चीजें सीखते हैं मगर अल्टीमेटली उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल पाता आखिरकार फाइनली वो बोध गया पहुंचते हैं और बोधि ट्री के नीचे ये प्रण करके बैठते हैं कि या तो मैं अब केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लूंगा या फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा क्योंकि ऐसे जीने का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा तो अल्टीमेटली फिर वो बैठ के अपना ध्यान लगाते हैं एंड फाइनली बोधि ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है एनलाइटनमेंट उनको हासिल होता है कई दिनों तक वो ध्यान लगाते रहते हैं मेडिटेट करते रहते हैं करते रहते हैं कहानियों में कई बार बताया गया है कि कई सालों तक मेडिटेशन करते रहते हैं अल्टीमेटली फिर उनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है बोध गया में उसके बाद में फिर वाँखें खोलते हैं एंड फाइनली उनके साथ में जो कुछ आप, बाकी सारे जो देखने वाले सब जा चुके होते हैं कुछ फॉलोअर्स बचे थे उनके साथ में फिर जो है वो आगे अपना सफर शुरू करते हैं एंड अपना जो भी के तहत उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको फिर वो धम्म के रूप में जो है पढ़ाते हैं धम्म का मतलब होता है पाथ ऑफ राइचियस लिविंग जो सही तरीके से जीने का रास्ता है जो धम्म का आपका प्रचार प्रसार है धम्म का जो संदेश है वो देते हैं और अपने जितना भी जीवन है फिर धम्म के प्रचार प्रसार में वो लगा देते हैं इस तरीके से जो है वो उनकी कहानी उनकी जो है बची हुई जिंदगी फिर धर्म के प्रचार प्रसार में लगती है उनके जीते जी काफी बड़े लेवल पर जो है लोग बुद्धिज़्म की तरफ आकर्षित होते हैं और उनकी मृत्यु के बाद में फिर जो है और बुद्धिज्म बढ़ता है और एक आप कह सकते हैं इंडियन सब पांडियन उनकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक इंटरनेशनल रिलीजन बनता है और आज तक जो है कई सारे फॉर्म्स में बुद्धिज्म फिर जो है उसके बाद से सर्वाइव कर रहा है अब भगवान बुद्ध की टीचिंग्स की बात की जाए यहाँ तक तो हम लोगों ने यह देखा है कि उनका जो एनलाइटेनमेंट का क्वेस्ट है वो किस तरह से रहा मगर अब उनकी टीचिंग की बात की जाए तो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग है इसको कई बार आप स्टोरीज वगैरह जो हैं, जो कहानियां हमको देखने को मिलती हैं, उनकी मदद से रिक्रिएट किया जाता है जा तक की कहानियों का भी रिकंस्ट्रक्ट किया गया कुछ कहानियों में इनको ऐसे दिखाया गया है कि मेरेक्स पावर्स थी मायावी शक्तियां थी और इस तरीके की चीजें हैं कुछ में इनको बताया गया है कि भाई उनके पास में ऐसी कोई मायावी शक्तियां नहीं थी कोई मेरे पावर नहीं थी वो लोगों के साथ में बातचीत करते थे और रीजन के बेसिस

एंड बड़ी और अब जो है भगवान ने इसको भी मेरे से छीन लिया है तो मेरे से जो है अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता प्लीज़ जो है इसको किसी भी तरीके से आप इसको जीवित करिए तो भगवान बुद्ध ने उसकी सारी बात को सुना अब उसके बाद में उन्होंने बाकायदा उसको बोला ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा बट एक काम करो तुम अपने शहर या गाँव जो भी था वहां से के किसी एक ऐसे घर से मुझे एक मुठ्ठी अनाज गेहूं या चावल कुछ लाकर दे दो जहां पर कभी भी कोई मृत्यु ना हुई हो कोई भी व्यक्ति जिस घर में ना मरा हो उस घर से जाकर तुम मुझे एक मुठ्ठी गेहूं चावल जो भी था कुछ ला था, वो मंगवाया था वो कर, वो ला कर मुझे तोड़ी तो जाती है कि भाई तुम्हारे घर में क्या कभी किसी की मृत्यु नहीं तुम्हारे घर में नहीं हो तुम्हारे घर में नहीं सब बोलते हैं हमारे घर में भी मृत्यु हुई है हमारे घर में भी हुई है हमारे घर में, में भी हुई है एक ना एक मृत्यु कोई ना कोई तो किसी ना किसी की फैमिली में बात है शांत हुआ होता है आ, तो अल्टीमेटली जब वो थक हार जाती है तो फिर भगवान बुद्ध के पास में वापस लौटती है वो बताती है कि ऐसा तो कोई घर नहीं है जहां पे अल्टीमेटली किसी की मृत्यु ना हुई हो तो फिर आखिरकार भगवान बुद्ध उसको समझाते हैं परसुएट करते हैं रीजन और लॉजिक से कि भाई देखो मृत्यु अवश्य हम भी है आनी ही आनी है नहीं टाली जा सकती आज अगर मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर भी दूं तो क्या गारंटी है कल नहीं मरेगा कल मृत्यु तो अल्टीमेटली आनी ही है तुम्हारी भी आएगी मेरी भी आएगी तुम्हारी बेटी की भी आनी थी आ गई अब उसको पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता इसका कोई लॉजिक या सेंस नहीं बनता क्योंकि मृत्यु फिर आएगी किसी को जीवित कर

आती है तो उसको जेंटली कन्विंस करते हैं इस बारे में कि भाई मृत्यु जो है वो आनी ही है इनएविटेबल है और आप उसको वापस नहीं ला सकते आप उसको जिंदगी में वापस ले भी आओगे तो भी कोई मतलब नहीं है लॉजिक नहीं बनता उस बात का क्योंकि अल्टीमेटली मौत फिर आएगी तो ये सारी की सारी स्टोरीज वगैरह से भगवान बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में काफी सारी बातें समझ में आती हैं एक इंपॉर्टेंट बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो अपने को याद रखनी है कि ये सारी की सारी स्टोरीज आपका जो आपका ऑर्डनरी लोग जो लैंग्वेजेस में बात किया करते थे उसमें नरेट की जाती थी जो ऑर्डनरी

कल नहीं तो परसों मृत्यु आनी ही आनी है नहीं जा सकती चाहे आप कितनी भी अपना जो है रक्षा कर लो कितने भी अपने आप को बचा लो डेथ इज इनएविटेबल इसको नहीं डाला जा सकता तो इस तरीके की कहानियों से जो है लोगों को कन्विंस करके ये बताना कि बहुत ज्यादा जो है रिश्तों में कंज्यूम हो जाने का सेंस नहीं बनता आपको मिडिल पाथ फॉलो करना है एक्सट्रीम में नहीं जाना है इस तरीके से जो भगवान ने मध्य मार्ग पढ़ाया है मध्य मार्ग को समझाने के लिए भगवान बुद्ध ने इस तरीके के एग्जाम्पल्स को काफी बार जो है यूज़ किया तो इन कहानियों की मदद से सारी चीज़ों को बताया जाता था उस भाषा में बताया जाता था जिसको लोग समझते रहे ताकि लोग इन कहानियों की मदद से जो मैसेज दिया जा रहा है उसको समझें और उसे आत्मसात करना है देखिए होता क्या है अगर आपको कोई चीज़ सिर्फ एक कोड्स के रूप में बता दी जाए अगर आपको यह बोल दिया जाए कि भाई ये कोड है इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं ये सारी चीज़ें तुम्हें करनी हैं और ये सारी चीजें अच्छी नहीं हैं ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी अब अगर तुम्हें एक कोड बना के बता दिया जाए मगर ये ना बोला जाए कि यह कोड क्यों फॉलो करना है इसको फॉलो करने के क्या आपके प्रोज हैं क्या फायदे हैं और इसको फॉलो ना करने के आपके क्या नुकसान है क्या आपके कौन से अगर आपको ये सारी चीजें ना बताई जाए ये सारी की सारी बातें आपको ना बताई जाए तो और आपको सिर्फ बोला जाए कि आपने ये कोड फॉलो करना है तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला ये कोड आपको कुछ देगा नहीं ये इसमें एक वक्त के बाद में आपको फिर इन सारी चीज़ों को फॉलो करने का कोई लॉजिक या फिर कोई तर्क नहीं समझ में आएगा कुछ वक्त तक आप फॉलो कर लोगे कुछ वक्त के बाद में आप फॉलो नहीं करोगे तो अगर आपको कई बार अगर एक आइडियोलॉजी है या फिर कोई प्रिंसिपल्स हैं या कुछ चीज़ें हैं वो सिर्फ आपसे ये बोला जाए कि भी सवाल मत पूछो आप बस इसको जस का तस फॉलो करने लगो तो दो चीज़ें होंगी या तो आप एकदम दिमाग से जो है डेड हो जाओगे आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है खत्म हो जाएगी और आप फंडामेंटलिस्ट या रेडिकल में कन्वर्ट हो जाओगे जो बिल्कुल सवाल नहीं पूछता जैसे उसको एक मशीनी तरीके से उसमें जो बातें भर दी गई हैं बस उनका पालन करता है दूसरा ये होगा कि आप जो है कुछ वक्त के बाद में फेडअप हो जाओगे एंड आप बोलोगे कि अब हाड़ में जाए मुझे तो नहीं फॉलो करना होगा ये अच्छी बातें होंगी मगर क्यों है इसका कोई जवाब ही नहीं देता तो मुझे तो नहीं फॉलो करना ये बुरी बातें क्यों हैं इसका भी कोई जवाब नहीं देता मुझे इसको भी फॉलो नहीं करना तो एक ये तो ये तरीका तो इसका नुकसान यह है कि लोग जो है कई बार या तो आपके फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं या तो फंडामेंटलिस्ट बन जाते हैं या फिर वो फेल्डअप हो जाते हैं एंड और पूरी की पूरी जो फिलोसफी या जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको छोड़ देते हैं वो बोलते हैं कि अब मुझे पालन ही नहीं करना बाढ़ में जाए इस तरीके का जो है माइंड आपका कई बार बन जाता है मगर अगर, अगर आप इसी चीज़ को कहानियों की मदद से सुनाओ अगर आप इसी चीज़ को स्टोरीज वगैरह की मदद से जो है समझाओ तो स्टोरीज वगैरह जो है उनका इम्पैक्ट लंबे वक्त तक रहता है स्टोरीज जो हैं वो इम्पैक्टफुल होती हैं कहानियों के कैरेक्टर्स वगैरह आपके ऊपर ज़्यादा असर डालते हैं कहानियों के कैरेक्टर आपको याद रह जाते हैं और उसके बाद में उन कहानियों की मदद से अगर आप कोई शिक्षा या फिर कोई टीचिंग वगैरह देते हो

कौन कौन सी किताबों के कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े थे हिंदी में इंग्लिश में या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है आपको शायद वो चैप्टर याद ना हो आपको शायद चैप्टर का नाम याद ना हो मगर उन चैप्टर्स में अगर आपको कोई कहानी बताई गई होगी तो वो कहानी आपको ध्यान रह गई होगी उस कहानी के साथ में फिर जो कैरेक्टर्स वगैरह जुड़े होंगे वो याद रह गए होंगे उनके साथ में क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा वो याद रह गया होगा टीचिंग्स वगैरह याद रह गई होंगी तो पॉइंट यह है कहानियाँ एक तो इंसान के दिमाग में रिटेंशन लंबे वक्त तक रहता है कहानियों का जो है रिटेंशन बहुत लंबे वक्त तक रहता है आदमी कहानियों को जल्दी भूलता नहीं है और कहानियों के रिटेंशन रह रहकर आपको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ स्मृतियाँ बनती रहती हैं तो रह रह कर आपको याद आता रहता है उनका इम्पैक्ट जो है लंबे वक्त तक होता है अब क्योंकि उनका इम्पैक्ट आपको लंबे वक्त तक देखने के लिए मिलता है इसलिए उसके साथ में जो टीचिंग्स बताई गई थी वो भी रह रह कर आपको याद आती रहती हैं आपकी स्मृति में बनी रहती हैं और इसके चलते इनका आपके ऊपर लंबा असर देखने को मिलता है तो भगवान बुद्ध ने जो इस चीज़ को फॉलो किया था कहानियों की मदद से और आपका रीज़न की मदद से परसुएशन की मदद से वो अपनी बातें जो हैं लोगों तक पहुँचाते थे और इसीलिए शायद इतना ज़्यादा असर लोगों के ऊपर की बातों का हुआ उनका इंपैक्ट इतना ज्यादा जो है आपको देखने को मिला तभी हिंदुस्तान में एक 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 ज़माने में आधी से ज़्यादा आबादी हो गई थी मेजर रिलीजन बन गया था था क्योंकि उसने शायद लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा एक असर डाला अफगानिस्तान से लेकर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कश्मीर वगैरह सारी जगहों पर बुद्धिज्म काफी बड़े लेवल पर इसीलिए फ्लरिश किया था कि लोगों के रीजन पर इंटेलेक्ट पर उसका एक अच्छा असर होता था कहानियों के माध्यम से ज्यादा बेटर तरीके से बातों को कहा जाता है और शायद यही रीजन है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब चाइना और अलग अलग जगहों पर जापान वियतनाम श्रीलंका इंडोनेशिया कम्बोडिया म्यांमार और इसके अलावा जो ऊपर के आपके इलाके हैं मंगोलिया वगैरह में जब बुद्धिज़म पहुंचा तो इसने इतना ज़्यादा असर जो है डाला तो इन सारी चीज़ों के चलते ये जो आपके संदेश वगैरह जो है स्टोरीज़ वगैरह के चलते बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से लोगों तक पहुंचा और भगवान बुद्ध ने अपने संदेश को बहुत बड़े लेवल पर अब बहुत इंपैक्ट के साथ में लोगों तक कन्वे करने में सफलता हासिल करी चलें नेक्स्ट टॉपिक है बुद्धिस्ट फिलासफी अब उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं अनिका क्या होता है नाता क्या होता है दुखा क्या होता है इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे चलें देखते हैं सर तो अगर हम लोग बुद्धिस्ट फ़ के अनुसार चलें अगर हम लोग भगवान बुद्ध ने जो टीचिंग्स दी थी उनके बेसिस पे फिर जो पूरी फ़िलोसफी बनी है जिसको फिर पढ़ाया गया मध्य मार्ग के नाम से या फिर जो चीज़ें मेन मेन आपका जो टॉपिक्स हैं जो बुद्धिज़म की फ़िलासफ़ी में पढ़ाई जाती हैं अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसमें हमें ये बताया जाता है कि भाई जो ये दुनिया है वो ट्रांजेंट है एंड इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अनिका और ये लगातार बदल रही है मतलब ये एक जैसी नहीं रहती ये कंसिस्टेंटली चेंज हो रही है लगातार इसमें बदलाव आ रहे हैं और ये लगातार जो है ट्रांजिएंट रहेगी लगातार चेंज करती रहेगी इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है अनिका दूसरा जो टर्म इस्तेमाल किया गया है अनाता इसका मतलब यह होता है कि ये दुनिया ना सिर्फ आपकी ट्रांजिएंट है लगातार बदल रही है मगर साथ ही साथ इसमें कोई सोल नहीं है ये सोललेस है एंड इसमें कुछ भी परमानेंट या फिर कुछ भी इटर्नल नहीं है इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा सबसे पहली चीज़ ये कि दुनिया जो है लगातार चेंज कर रही है कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही है पहली बात दूसरी बात ये कि इसमें कोई आत्मा नहीं है यहाँ से हमको ये समझ में आता है कि बुद्धिज़्म जो है सोल का जो कंसेप्ट है उसको रिजेक्ट कर देता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है जी जैनिज्म और बुद्धिज्म एक जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जैनिज्म जो है वो मानता है कि सोल होती है हर एक चीज़ में जो है सोल है हर एक चीज में एनिमेशन वगैरह होता है वगैरह वगैरह बुद्धिज्म जो है इस चीज़ को नहीं मानता बुद्धिज्म जो है इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है तो पहली चीज दुनिया जो है वो ट्रांजियंट है लगातार बदल रही है जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है अनिका तो याद रखिएगा अनिका का मतलब क्या होता है ट्रांजियंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग वर्ल्ड एज पर द बुद्धिस्ट फिलासफी दूसरी जो चीज़ इसमें बोली गई है कि वो जो है सोल लेस भी है इसमें कोई आत्मा नहीं

तरीके की कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सोललेस दुनिया में जो इंटरनल नहीं है इसमें रह रहे हो तो इस तरीके के ट्रांजिएंट वर्ल्ड में रहते हुए sorrows यानी कि दुख जो है वो इंट्रेंसिक है वो आना ही आना है इससे आप बच नहीं सकते ह्यूमन एक्सपीरियंस का या ह्यूमन एग्जिस्टेंस का ये पार्ट है और इससे बचा नहीं जा सकता इट इज़ बाई फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनन्स एंड सेल्फ इंटेलिजेंस डैट ह्यूमन बींग कैन राइज अबो वर्ल्डली ट्रबल्स अब इस तरीके की दुनिया में मैं बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए इस तरीके की दुनिया में जो अनिका है अनिका का मतलब क्या जो लगातार चेंज कर रही है कॉन्स्टेंटली बदल रही है जिसमें सब कुछ ट्रांजियंट है साथ ही साथ ये दुनिया जो अनाथा भी है अनाथा का मतलब जिसमें कोई सोल नहीं है और जिसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है इसमें अगर आप रहोगे तो भैया देखो ऐसा है सौरों या फिर दुख जो है उससे आप बच नहीं सकते वो आपके पीछे पड़ा रहेगा इसका आप कुछ कर नहीं सकते ठीक तो है मतलब ये वैसी बात है कि अगर आप करोगे, तो पसीना बहेगा तो ही साथ, दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा तो, तो ऐसी परिस्थिति में जीने के लिए जरूरी ये हो जाता है ऐसी परिस्थिति में रहने के लिए जरूरी है कि सामने वाला जो है उस मध्य मार्ग को फॉलो करे जो भगवान बुद्ध ने बताया है भगवान बुद्ध ने जो आपका मध्य मार्ग टीच किया है को जिस, जिसके लिए यहां पर पाथ ऑफ मॉडरेशन लिखा गया ठीक है जी मध्य मार्ग मैं यहां पे लिख देता हूं मध्य मार्ग जिसके लिए यहां पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है पाथ ऑफ मॉडरेशन ये पाथ ऑफ मॉडरेशन जो है सामने वाले को फॉलो करना चाहिए ताकि और ये पाथ ऑफ मॉड्रेशन किसके बीच में है या फिर ये मध्य मार्ग किसके बीच में है दो एक्सट्रीम्स जो हैं जिनके जिनके ऊपर दो अलग अलग फिलासफीज़ बेस्ड हैं एक एक्सट्रीम है पेनेंस का यानी कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए सब कुछ एकदम जो है त्याग दीजिए और एकदम एक कठिन एक तपस्वी की तरह जब तब करते हुए संन्यास लेकर हिमालय में या फिर जंगलों में अपना जीवन जो है व्यतीत करिए ईश्वर के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए जिसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है निष्काम कर्मयोग्य तो निष्काम कर्मयोग जो है वो करना शुरू कर दीजिए या फिर आप जो है दूसरा काम जो कर सकते हैं वो यह है कि एकदम भोग विलास में डूब जाइए से आप यहीं पर एंजॉयमेंट करें और उसके बाद में चले जाइए मुझे पूरा वो श्लोक तो खैर नहीं आता बट उस, उस चारवकों का एक बड़ा फेमस श्लोक है या फिर एक श्लोक है जो कहा जाता है कि चारवक फिलोसफी को बड़े अच्छे से दिखाता है या बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है उसमें यह बोलता है कि भैया आप घी पीजिए और मज़े में रहिए अब भले ही उधार लेकर घी पीना पड़े तो भी उधार लेकर घी पीजिए मगर मजे में रहिए तो ये एक सेल्फ इंटेलिजेंस जो है जिसमें भोग विलास और उपभोग के ऊपर फोकस किया गया है ये दूसरा बात है तो एक तरफ एकदम सब कुछ छोड़ दिया जब तब और इस तरीके की परिस्थितियां एकदम सब कुछ त्याग दिया जब तब और सारी चीज़ें चली जा रही हैं दूसरी तरफ आप भोग विलास में डूबे हुए हो इन दोनों के बीच में अब ना आप एकदम भोग भोगविलास एकदम भोगी हो जाइए और ना एकदम आप पूरी तरीके से योगी हो जाइए बीच में मैं आपको एक मध्य मार्ग बता रहा हूँ ये मध्य मार्ग पर आपको फॉलो पर आपको चलना है ये मध्य मार्ग जो है इस इस पर अगर आप चलोगे तो ये जो दुनिया है जो ट्रांजिएंट है यानी कि जिसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया अनिका और जो लगातार चेंज कर रही है ये दुनिया जो अनाता है जिसमें कोई आत्मा नहीं है जो जिसमें कोई सोल नहीं है और जो जिसमें कुछ भी इंटर इटरनल नहीं है और जिसमें रहने के चलते आपको दुख जो है वो इंटरनसिक फील होने ही है तो उस पर्टिकुलर दुनिया में ये मध्य मार्ग फॉलो करिए इसकी मदद से आपके जितने भी वर्ल्डली ट्रबल्स हैं इस अनिका और इस अनाता वाली दुनिया में जितने भी आपके दुख हैं ये सारे या दुख हैं ये सारे के दुख हैं जो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके हर जाएंगे ये सारे के सारे निकल जाएंगे और आप भव सागर के पार चले जाओगे भव सागर को आप निक... से आप क्लियर कर जाओगे अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा पूरी कहानी में जो है दुनिया की बात की गई है जिसमें आप रह रहे हो इसके कैरेक्टर्स की बात की गई है कि ये किस तरीके की दुनिया है कैसी चेंज हो रही है क्या है क्या नहीं है ये बताया गया कि भैया तुम इसमें रहोगे तो तकलीफ आएगी अब यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब थे या तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि ईश्वर ये चाहता है या फिर तुम्हें दुख इसलिए है क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर वर्ल्ड में पैदा हुए हो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि भैया ये तो यहाँ पर होना ही है ये तो की क्वालिटी है ये वही बात है कि आपने अगर प्यास लग रही है तो आपने पानी पीना है फिर प्यास है तो वो पानी से ही बुझेगी या फिर एक्सरसाइज करोगे तो पसीना आएगा आए ही आएगा या फिर अगर आप योग ध्यान करते हो तो मानसिक तौर पर आप शांत महसूस करोगे ही करोगे अगर आप खूब मतलब अगर आप बहुत इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हेल्दी फूड खाओगे तो एनर्जेटिक रहोगे रहोगे तो ये वो वाली बात है कि ये तो कंसिक्वेंस है इस दुनिया में रहने का कंसिक्वेंस ही यह है कि आपको दुख फेस करना पड़ेगा इसका आपकी जाति से आपके वर्ण से आपके पिछले जन्मों के कर्म से इससे उससे किसी किसी चीज से उसका कोई लेना देना नहीं है मतलब यह कि यहां पर सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो इंसान के ऊपर डाली जा रही है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक बुद्धिस्ट फिलासफी इतना ज़्यादा मतलब आप उस ज़माने में इतना बड़े लेवल पर इसलिए फैली थी क्योंकि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर डाल दी जा रही है इसमें यह नहीं बोला जा रहा कि तुम्हारे साथ ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईश्वर तुम्हें सजा दे रहा है तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक वर्ल्ड में पैदा हुए हो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि तुम एक जाति में जन्मे हो इसलिए ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे कर्म खराब है इसलिए ऐसा हो रहा है कि पिछले जन्म में तुमने ये किया था वो किया था कुछ नहीं भगवान बुद्ध ने यहाँ पे अपनी फ़िलोसफी में साफ साफ बोला है जो कुछ है ये तो है तुम्हारे साथ नहीं है सबके साथ में है बस तुम्हें तुम्हारे लिए किसी अलग रूप में है उस किसी और के लिए किसी अलग रूप में इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक आदमी है जिसके पास जेब में पैसे नहीं है अच्छा खाना खाने के लिए वो बढ़िया खाना खाना चाहता है उसकी मन है खूब जलेबी खरीद के खाए और बाकी इस तरीके की जो आपकी कचौड़ी वगैरह और इस तरीके की चीज़ें वगैरह जो हैं वो खाने का शौकीन है मगर वो खाना खा नहीं पा रहा वो सारी चीज़ें अपने शौक़ का क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं है अब वो सामने वाला दुखी है क्योंकि जेब में पैसे

उसी तरीके का किसी दूसरे व्यक्ति को एग्जैक्टली exactly वैसा ही दुख हो मगर उसका जो दुख का प्रकार है उसका जो दुख का उसका जो आ, दुख है वो तुमसे अलग हो सकता है मगर उसके लिए वो उतना ही तकलीफ दायक है उसके लिए वो उतना ही कष्ट दायक है जितना तुम्हारे लिए तुम्हारा दुख है तो ऐसा नहीं है कि तुम अकेले दुख भोग रहे हो तो दुनिया में सब लोग दुख भोग रहे हैं हर आदमी जो है परेशान है म, बात इतनी सी है कि तुम इससे क्लियर हो सकते हो तुम इससे निकल सकते हो और उसका तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूं और वो है मध्य मार्ग को फॉलो करो पाथ ऑफ मोटरेशन को फॉलो करो अब इस पूरी राम कथा में कहीं से कहीं तक गॉड ईश्वर आराधना भक्ति पूजा अर्चना इसका कोई जिक्र नहीं आ रहा सामने वाले ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारी परिस्थिति है तुम्हें ठीक कर सकते हो करना चाहते हो करो नहीं करना चाहते हो मत करो इसमें ईश्वर विश्वर किसी चीज़ को घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है कहने का लॉजिक ये बनता है कहने का तर्क यह बनता है कि शुरुआती वक्त में जब अर्ली बुद्धिज़्म था जो भगवान बुद्ध का शुरू किया हुआ बुद्धिज़्म था जिसमें मध्य मार्ग के ऊपर इम्फोसिस किया जा रहा है जिसमें कर्म के ऊपर इंफोसिस किया जा रहा है इंडिविजुअल सेल्फ के ऊपर इम्फोसिस किया जा रहा है इस फिलोसफी में इस बात का कोई मतलब नहीं बनता इसका कोई सेंस नहीं बनता कि गॉड है या नहीं है ईश्वर है या नहीं है इसका कोई सेंस नहीं बनता ये सवाल कि हाँ ईश्वर है उससे भी इस फिलॉसफी पे कोई जवाब नहीं बनता इस ये जो सवाल है कि क्या ईश्वर होता है या नहीं होता इसका जवाब अगर मैं ये दूं कि हाँ भाई ईश्वर होता है तो भी ये पूरी की पूरी फिलासफी पर गॉड के होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तब भी ये दुनिया अनिका रहेगी इसमें ये और ये अनाता रहेगी और इसमें दुख जो है वो तब भी आने ही आने आप इससे बच नहीं सकते ठीक है जी अब अगर मैं ये मान लूं कि भाई इस दुनिया में गॉड नहीं है तब भी ये दुनिया जो अभी इस सवाल का जवाब कि ये जो गॉड है यह नहीं होता ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं होती अगर मैं ये मान लू तो भी ये दुनिया अनिका है बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार तो भी ये अनाता है और अभी तो भी इसमें दुख है और अभी भी जो है अगर आप इसमें से निकलना चाहते हो तो आपको मध्य मार्ग का पालन करना पड़ेगा तो ईश्वर अगर है भी तो भी दुनिया अनिका रहेगी अनाता रहेगी और उसमें दुख रहेंगे ही रहेंगे और आपको जो है मध्य मार्ग का पालन करना ही पड़ेगा नहीं तो फिर आपको तकलीफ, तकलीफ है जो है आपकी खत्म नहीं होने वाली ईश्वर अगर नहीं भी है तो भी दुनिया अनिका है तो भी दुनिया अनाता है और तो भी जो है आपको दुख रहेंगे और इसलिए अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो मध्य मार्ग का पालन करना पड़ेगा दूसरे शब्दों में कहने का लॉजिक यह बनता है कि क्या ईश्वर अस्तित्व में है क्या ईश्वर का कोई अस्तित्व होता है या नहीं होता होता है तो कैसा होता है ईश्वर जो है वो हमारे पीछे घंटर लेके क्यों पड़ा हुआ है हमें तकलीफ दे रहा है इस तरीके के सवालों का इन सारे बातों का कोई लॉजिक या कोई सेंस नहीं बनता था अर्ली बुद्धिस्ट फिलॉसफी में शुरुआती बुद्धिस्ट फिलॉसफी इस बात से बिल्कुल कंसर्न नहीं थी कि ईश्वर होता है नहीं होता है इस सवाल को परे रखिए भाड़ में जाइए सवाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने ऊपर काम करिए अपनी इंडिविजुअल एजेंसी लगाइए अपने एक्शन्स की मदद से आप अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं बुद्धिज्म का या फिर बुद्धिस्ट फिलासफ़ी का पूरा एम्फेसिस जो है इसी बात के ऊपर था तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक नास्तिक फिलासफी थी नास्तिक फिलासफ़ी का मतलब ये कि इसमें जो है आपके ऊपर अपने ऊपर जो है आपने काम करना है इस बात पर्टिकुलर बात पर फोकस करना है ईश्वर को अपनी परेशानियों का ठीकरा नहीं देना है ईश्वर के ऊपर अपनी परेशानियों का ठीकरा नहीं फोड़ना है और अगर आपने कुछ अचीवमेंट किया तो उसके लिए भी ईश्वर को श्रेय देने की जरूरत नहीं है अच्छा करोगे तो वो भी आपका है बुरा करोगे तो वो भी आपका है आपके कर्म का कर्म फल आपको मिल रहा है सिंपल सी बात है तो ये जो पर्टिकुलर बात है इसके चलते बुद्धिस्ट फिलोसफी अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव फिलासफी के तौर पर निकल कर आई थी और इस क्योंकि एक बार अगर आपने ईश्वर की इच्छा से उठाकर आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपके कंधों पर डाल दी अभी तक आप बोल रहे थे कि देखो यार जिंदगी से तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम परेशान रहो तुम्हारे कर्म खराब थे अब इसका कुछ नहीं किया जा सकता तुम्हें भोगना पड़ेगा अब सामने वाले का एकदम आपने हिम्मत तोड़ दी दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि यार देखो तुम परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी की वजह तुम्हारी परिस्थिति है ईश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया अनिका है दुनिया अनाता है दुख तो इसमें आएंगे आएंगे तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं और वो सब जो सामने वाला है वो भी दुखी है ये भी दुखी है वो भी दुखी है सब दुखी हैं तो पॉइंट ये है कि अपनी अगर दुखों से निकलना चाहते हो हाथ पैर मारो मध्य मार्ग का पालन करो ईश्वर को इसमें बीच में मत घसीटो आप ऑल टूगेदर अगर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी गई और आप अपनी परिस्थितियां चेंज करना चाहते हो आपको विश्वास दे दिया गया कि भाई तुम अपनी परिस्थितियां तुम ही चेंज करोगे ऊपर से कोई हीमैन की तरह या सुपरमैन की तरह नहीं आएगा तुम्हारी परिस्थिति बदलने के लिए तो ये जो है अपने आप में बहुत कह सकते हैं कि मोटिवेटिंग फैक्टर के तौर पर निकल कर आया और इसने कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर किया अपने एक्शंस वगैरह के प्रति जो है समर्पित होने के लिए कर्म की जो हमारी फिलॉसफी है कहीं ना कहीं इसको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस उससे मिला है और इस सब के चलते बुद्धिज्म की तरफ लोग बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित हुए हैं तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाई अर्ली अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में ईश्वर एग्जिस्ट करता था या नहीं करता था इस ये सवाल इरेलीवेंट क्यों था तो आपको ये पूरी बात जो है अतमिन से डिटेल में समझानी पड़ेगी और याद रखिएगा अनिका अनाता और दुखा इन तीनों टर्म्स का इस्तेमाल करना है और इनको जो है आपने अंडरलाइन भी करना है सीवियर फॉर्म ऑफ पेनेंस एंड सेल्फ इंडेंजेंस इनके बीच का जो पाथ ऑफ मॉडरेशन या मध्य मार्ग है इसकी भी बातचीत करनी है ये सारी चीज़ें अगर आप समझाओगे तो इसकी मदद से ये सारी चीज़ें आप समझाओगे तो इस से अच्छे मार्क्स वगैरह मिलने की संभावना आपको बनती है अब थोड़ा सा हम लोग बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस में था उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे जब बुद्धिज्म की प्रैक्टिस होती थी जब बुद्धिज्म की जो फिलोसफीज को प्रैक्टिकल लाइफ में लगाया जाता था तो और इसके अनुसार इंसान जीने की कोशिश करता था थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे चलें देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो फोटोग्राफ है ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाई है अब बुद्धिज़म इन प्रैक्टिस के नाम से ये छोटा सा पैराग्राफ अपने को दिया गया है तो ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे एन सी की आपको दिखाने के लिए लगाई है अब उसी चीज़ को थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाया तो मैंने यहाँ पर उसको अलग से जो है टाइप भी किया तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे दिस इज़ एन एक्सर्ट जो चीज़ यहाँ पर लिखी है एक्जैक्टली वही यहाँ पर लिखी है बस मैं एन में ये आपको दिया हुआ है क्यों पढ़ा रहा हूँ उसका लॉजिक बताने के लिए मैंने फोटोग्राफ यहाँ पर इंक्लूड किया तो बुद्धिज़म जो प्रैक्टिस में है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द सुत्त पिथक एंड कंटेन्स द एडवाइस गिवन बाय द बुद्धा टू वेल्थी हाउस नेम सिगाला तो यहाँ पर सुप्त पिथक जो हमारी जो तीन पितकों में से जो सेकंड वाली पिथक है जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स वगैरह बताई गई हैं उसमें से एक छोटा सा प्रसंग एक छोटा सा एक्सर्ट जो है हमने लिया है और इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा एक वेल एक वेल्दी हाउस होल्डर था एक काफ़ी पैसा पैसे वाला एक एक धनाढ़्य किस्म का व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सिगाला तो सिगाला को भगवान बुद्ध ने जो एडवाइस दी थी वो यहाँ पर लिखी गई है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे इन फाइव वेज शुड अ मास्टर लुक आफ्टर हिस् सर्वेंट्स एंड एम्प्लॉइज़ पाँच तरीके हैं जिसकी मदद से एक स्वामी को अपने सर्वेंट्स या अपने नौकर या चाकरों को और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको देखना चाहिए उनको लुक आफ्टर करना चाहिए पहला बाय असाइनिंग दैम वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ यानी कि उनको वो काम दे जो उनकी क्षमता जो जितना काम करने की उनकी क्षमता हो उनकी क्षमता के परे का काम उनको ना दे उनकी क्षमता से कम का काम भी उनको ना दे उसके पीछे का लॉजिक क्या है अगर आपने क्षमता से ज़्यादा का काम दिया तो वो कर नहीं पाएगा या फिर करेगा तो एफिशेंटली नहीं करेगा इफेक्टिवली नहीं करेगा और अगर आपने उसको उसकी क्षमता से कम का काम दिया तो फिर वो थोड़े से में निपट जाएगा निवृत्त हो जाएगा और उसकी जो स्किल्स हैं वो खराब होंगी फिर उनकी जो स्किल्स वगैरह हैं वो उनकी क्योंकि लगातार फिर उसके एक्सट्रीम तक प्रैक्टिस नहीं होगी जिस लेवल तक वो काबिलियत रखता है तो फिर उसके बाद में आ, इसका नतीजा ये निकलेगा कि कहीं ना कहीं वो आ, अपनी जो स्किल्स है वो खोएगा उसका बेस्ट यूज आप नहीं कर पाओगे तो अगर आप किसी सर्वेंट को आ, आप जो आ, अगर आप अपने सर्वेंट का सही तरीके से लुकआफ्टर करना चाहते हैं तो एक मास्टर की जिम्मेदारी बनती है कि काम उसको उतना ही दे जितना उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी स्ट्रेंथ से ज्यादा का काम उसे नहीं देना चाहिए दूसरा बाय सप्लाइंग दम विद फूड एंड वेजेस दूसरा हर अपना जो भी इम्प्लॉयज़ हैं या फिर अपने जो भी सर्वेंट्स हैं सबको वो खाना भी दे और जो भी काम करवा रहा है उसका नियमित तौर पर उनको उनकी सैलरी वगैरह भी देता रहे वेजेस वगैरह भी देता रहे तीसरा बाय टेंडिंग दम इन सिकनेस अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी बीमारी के वक्त में उनकी मदद करें चौथा बाय शेयरिंग डेलीकेसीज विद दम अपने साथ आप जिंदगी में जो भी अच्छा चल रहा है अगर घर में अच्छे पकवान बन रहा है तो वो उनसे शेयर करें अगर वो थोड़ा ज़्यादा कमा रहा है तो उसमें से फिर थोड़ा सा प्रॉफिट भी उनसे शेयर करे इस तरीके से जो भी जिंदगी की डेलीकेसी हैं वो उनके साथ में बांटे एंड बाय बाय विद देम एंड बाय ग्रांटिंग लीव एट टाइम्स और कभी कभी अगर उनको जरूरत पड़ती है तो उनको फिर छुट्टी भी दे कभी उनको भी जो है कि जाओ भाई ठीक है आज तुम आराम कर लो आज तुम अपने मन से अपनी लाइफ वगैरह जियो इस तरीके की चीजें वगैरह जो हैं वो भी करें तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर वो करता है तो बेटर है ज्यादा बेटर रहेगा तो इस तरीके की बातें वगैरह जो हैं कही गई हैं ठीक है अगला जो पॉइंट है उन्होंने क्लाइंट्समैन के बारे में कहा है in five ways the clansmen look after the needs of shamanas दोज वू हैव रिनाउंस द वर्ल्ड एंड ब्राह्मण्स तो अब क्लैंसमैन का मतलब क्या होता है कोई एक क्लैन है या कोई बड़ा कुटुंब है या फिर कोई कुंबा है उसका जो मुखिया है अब उसको ये बताया गया है कि भाई अगर तुम्हारे गाँव में या जहाँ तुम लोग रहते हो वहाँ पर अगर कोई शमाना आता है शमाना का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ छोड़ दिया है सन्यास ले लिया जो सन्यासी हो गया सन्यासियों के लिए जो शब्द है शमान या शमाना इस्तेमाल किया जाता है उस जमाने में किया जाता था अगर कोई ब्राह्मण है या फिर कोई शमान या फिर शमान शमाना अगर आपके यहाँ

उनको रोकना चाहिए एंड प्लस खाने पीने के लिए जो भी जरूरतें हैं जिससे वो शरीर का अपना पालन कर सकें उतनी वर्ल्डली नीड्स वगैरह जो चाहिए पड़ती हैं वो भी आप उन्हें सप्लाई करो इसी तरीके से आर सिमिलर टू टू सिगाला अबाउट हाउ बिहेव पेरेंट्स टीचर्स एंड वाइफ तो इसी तरीके से आपका जो सिगाला है इसको ये भी बताया गया है कि अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे बिहेव करना है अपने टीचर्स के साथ में कैसे बिहेव करना है अपने वाइफ के साथ में कैसे बिहेव करना, करना तो बेसिकली यहां पर भगवान बुद्ध जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिंदगी में एक मास्टर को किस तरह से रहना चाहिए अपने नौकरों के साथ में अपने एम्प्लॉइज के साथ में एक पिता को कैसे रहना चाहिए अपने बच्चों के साथ में एक पति को कैसे रहना चाहिए अपनी पत्नी के साथ में एक बेटे को कैसे या बेटी को कैसे रहना चाहिए अपने माता पिता के साथ में पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ में अलग अलग जो आपके रिलेशनशिप्स वगैरह हैं आपके साधु संन्यासियों के साथ में एक मुखिया को एक क्लैन के किस तरह से बिहेव करना चाहिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस की गई हैं ये सारी की सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस वगैरह देकर बताया है तो अब कुल मिलाकर यह है यहां से हमको यह चीज समझ में आती है यह बात समझ में आती है कि भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी थी वो आपकी लाइफ को कितना पॉजिटिवली जो है टच करती थी पॉजिटिवली जो है इन्फ्लुएंस करती थी यहां पर अब एक देखने वाली बात यह है कि भगवान बुद्ध कहीं पे भी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा ही करना है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा और ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा कहीं पर वो वो जो होता है ना हेवन और हेल का डर नहीं दिखा रहा है वो ये नहीं बता रहे कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो यह हो जाएगा वो हो जाएगा इस तरीके की बातें नहीं एक टीचर के तौर पर आपको कर रहे हैं कि एक बेटर तरीका है इसको प्रैक्टिस कर, कर देखो तो मैं खुद फर्क समझ में आएगा और अगर फर्क समझ में आया तो भैया पालन करो उस बात का तो कहीं ना कहीं ये जो उनका तरीका था इसने आपका मनुष्यों के ऊपर उस जमाने का जो समाज था उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाला एंड मज़े की बात यह है कि कटिंग अक्रॉस आपके जो कल्चर्स हैं जो कंट्रीज़ हैं ये एक इतनी यूनिवर्सल अपील रखती थी ये जो पर्टिकुलर आपकी जो फ़िलासफ़ी है बुद्धिस्ट फ़ इतनी यूनिवर्सल अपील रखती थी कि आप मंगोलिया के आदमी को भी अगर ये फ़िलासफी पढ़ाओगे तो ये उसके कल्चर के साथ में घुल जाएगी ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हर एक जो कल्चर है वो अलग अलग तरीके का या अलग अलग स्रोत का पानी है और बुद्धिस्ट फिलासफ़ी या तो शक्कर की तरह मान सकते हैं या नमक की तरह मान सकते हैं या किसी भी जगह के पानी में डाल के घुलोगे तो वो घुल जाती थी तो, तो बुद्धिज्म की जो ये बातें हैं भगवान बुद्ध की जो ये टीचिंग्स हैं ये इतना ज्यादा मतलब आपका अपीलिंग है इतना ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुंस रखती हैं इतना ज्यादा आपका अपील करती हैं कॉन्शियंस में और सबसे बड़ी बात कि कहीं पर यह नहीं बोला जा रहा कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा मतलब कहीं पर डूज एंड डोंट्स वो नहीं बता रहे कि तुम्हारे लिए ये कंपलसरी हैं वो ये बोल रहे हैं कि कंसिडर करके देखो एक बार जो है कर कर देखो इस चीज को और तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे फेवर में जा रहा है तुम्हारे ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है इन चीजों का तो पालन करना नहीं आ रहा तो मत करना तुम्हारी मर्जी है मगर एक बार कर कर तो देखो इस तरीके से वो जो ये जो अपनी ये बुद्धिस्ट फिलासफी को एक प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर बताते थे कि एक बार ट्राई करो इसे और अगर अच्छा लगे तो फिर आगे बढ़ना तो ये जो एक पर्टिकुलर तरीका था कहानियों की मदद से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना उनके सबकॉन्शियस को टच करना उन तक अपना मैसेज पहुंचाना और अपनी बात को रिजिट तरीके से ना बोलना मगर उनसे बोलना अगर आपका मन है तो फॉलो करके देखें बंद नहीं है तो फॉलो ना करें आपकी मर्जी है तो इन सारी चीजों के चलते लोगों में कहीं लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया उस टाइम पीरियड में जो रिचुअल्स से और बाकी सारी चीजों से शायद परेशान हो गए थे या एकदम अपने आप को घुटा हुआ सा महसूस करते थे बुद्धिस्ट फिलासफी कहीं ना कहीं एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर की तरह उनके लिए आई लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया बड़े लेवल पर लोग बहुत हो गए और उसका पालन किया गया और इसका ये कितना यूनिवर्सल अपील थी इस बात से समझ में आता है कि कटिंग अक्रॉस ऑल द सेक्शन सेंट्रल एशिया में मंगोलिया तक में जो है ये फैल गया चाइना जो है पूरा का पूरा कवर कर लिया और इसके अलावा नेपाल हो गया और बाकी सारी जगहों पर साउथ ईस्ट एशिया में कम्बोडिया इंडोनेशिया वियतनाम इधर उधर काफ़ी जगहों पर श्रीलंका इधर उधर काफ़ी जगहों पर जो है जापान तक बुद्धिज़म आपको देखने के लिए मिलता है तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिसके चलते बुद्धिज़म अपने आप में एक इंटरेस्टिंग या फिर एक, एक इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बड़ी अपीलिंग फिलोसफ़ी के तौर पे लोगों के बीच में निकल कर आया अब भगवान बुद्ध ने अब यहाँ पर जो सारी की सारी बातें की हैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं ये इसका मतलब है है कि वो सोसाइटी में में आपको किस तरीके से बिहेव करना है, इसके बारे में बता रहे हैं इसी के साथ साथ उन्होंने सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर था इसके बारे में भी कुछ कमेंट्स किए कुछ कॉमेंट्रीज वगैरह किए हैं तो भगवान बुद्ध जो हैं उन्होंने सोशल ऑर्डर को मनुष्यों का क्रिएशन माना है ना कि डिवाइन ओरिजन का माना है ठीक है जी भगवान बुद्ध ने यह बोला है कि यह जो चार वर्णों की व्यवस्था है जो पूरी की पूरी आपकी जाति व्यवस्था है या फिर आप कहीं पे भी चले जाओगे तो खैर हिंदुस्तान की बात हो गई इसके अलावा अगर आप जापान में भी चले जाओगे तो वहां पर भी हमारे जैसे एग्जैक्टली चार वर्ण नहीं थे मगर वहां पर भी एक तरीके से फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन आपको समाज में देखने के लिए मिलता है पहली पहला जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें समुराई आ जाते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन में काम करने वाले आ जाते हैं तीसरे में कोई और इस तरीके से उनका भी चार वर्णों का क्लासिफिकेशन था पर्शिया में भी इस तरीके का एक चार वर्णों का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिलता था जिसमें आपके

या ये जो ये जो सोशल ऑर्डर है, क्रिएशन इंसानों की है ये डिवाइन ओरिजिन नहीं रखता ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि ईश्वर ने जो है इस चीज को बनाया है और इसका पालन करना पड़ेगा या फिर ईश्वर ने जो है इसका निर्माण किया इसलिए आपको इसको मानना पड़ेगा ऐसा कहीं पर भी नहीं है फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन मैन मेड है अब अगर इंसानों का बनाया हुआ है तो फिर इंसानों के द्वारा बदला भी जा सकता है तो भगवान बुद्ध ने एक ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक लिबरेशन वाला काम किया था कि ये फोर चार वर्णों की व्यवस्था इंसानों की बनाई हुई है डिवाइन औरिजन की नहीं है इसी के चलते जो भी राजा उनकी शरण में आए जो भी आपके गृहपति या गहापति उनके पास में आए उनसे ये बोला कि भाई तुम अपने अंडर में अपने सबऑर्डिनेट में जो भी लोग काम करते हैं उनके साथ में ह्यूमैन और एथिकल तरीके से बिहेव करो आप उनके साथ में जो है मनुष्यों की तरह पेश आओ आप उनके साथ में रहम दिल्ली के साथ

मारना पड़ेंगे और सही एक्शन लेना पड़ेगा सही एक्शन लेने के लिए मध्य मार्ग का पालन करें और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए ठीक है जी अगर आप करते हैं तो इन सब चीजों की मदद से आप अपनी जो ये रीबर्थ और ये साइकिल जो है बर्थ की और रीबर्थ की इसको आप इससे आप पार हो जाओगे और सेल्फ रियलाइजेशन आपको मिलेगा एंड कहीं ना कहीं आप निर्वाण या फिर निबान जो है निबाना जो बोला गया है उसको आप अटेन कर सकते हो तो ये जो है इस सब चीज़ों के चलते भगवान बुद्ध की फिलॉसफी हाथों हाथ बिकी लोगों ने जो है इसको कहीं ना कहीं हाथों हाथ लिया और बड़े लेवल पर लोग बुद्धिस्ट हो गए इंडिया में और बाकी सारी जगहों पर भी तो अब बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के अनुसार अगर आप चलोगे तो भगवान बुद्ध के जो आखिरी शब्द थे वो ये हैं बी लैम्प अंड टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क फॉर वर्क आउट योर ओन लिबरेशन मतलब ये कि अपने खुद के लिए जो है चिराग या फिर लैम्प या फिर दिया बनो और अपने आप को रास्ता दिखाओ क्योंकि तुम सब लोगों को अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा अगर तुम अपने को लिबरेट कराना चाहते हो तो ये भी अपने आप पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बी ऑन टू एज यू ऑल मस्ट वर्क आउट फॉर योर ओन लिबरेशन से कहीं ना कहीं यह भी समझ में आता है कि ईश्वर कि भगवान बुद्ध ने कितना फोकस किया है इस बात के ऊपर कि आपने अपने ऊपर काम करना है अपने ऊपर काम करना है अपने ऊपर काम करना रायची एज एक्शन लेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा अगर गलत एक्शन लेंगे तो भी आपको उसका नुकसान होगा मगर जो भी होगा वो आपके अपने एक्शन की मदद से होगा इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता अलग से आपको अपनी मदद खुद करना पड़ेगी तो ये कुछ बातें हैं जो भगवान बुद्ध खुद की फिलोसफी को जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है अब अगला जो टॉपिक आता है वो है फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा अब इसके बारे में बात करते हैं देखते हैं सर तो ये जो सारी की सारी टीचिंग्स हमने भगवान बुद्ध की देखी इन सब के चलते हुआ ये कि आपके जो बुद्धिज्म के फिलो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी आप सबसे बड़ी बात तो ये कि हर चीज के लिए आप खुद जिम्मेदार हो पालन करोगे अगर ये मध्य मार्ग का तो आपका भला होगा नहीं करोगे तो नहीं होगा मगर जो भी है आपके कर्म जो हैं वही आपको डिफाइन करते हैं समाज में किस तरीके से रहना है उन सबको लेकर भगवान बुद्ध के अपने इंस्ट्रक्शंस जो पत्थर की लकीर नहीं थे मगर प्रिस्क्रिप्शंस थे आप मानना चाहें तो माने नहीं मानना चाहें तो ना माने मगर कर कर देखें आपको ठीक लगेगा इस तरीके से जो इसको प्रोजेक्ट किया जाता था इन सारी चीज़ों के चलते अल्टीमेटली हुआ यह जो मैंने आपको बताया कि बुद्धिज़्म बहुत रैपिडली ग्रो किया है बहुत बड़े लेवल पर जो है इसके फॉलोअर्स वगैरह एकदम से बढ़े हैं तो रैपिड ग्रोथ जो है बुद्धिज्म में आपको देखने के लिए मिलती है तो सून फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा ग्रीव एंड ही फाउंडेड अ संघ संघा या इसको हम

इन्होंने भगवान बुद्ध को परसुएट किया और उसके बाद में फिर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी जो है अलाउ किया कि वो भी संघ में जो है ज्वाइन कर सकती हैं संघ में आ सकती हैं तो सबसे पहली महिला जिन्होंने संघ को ज्वाइन किया था वो भगवान बुद्ध की फॉस्टर मदर थी जिनका नाम था महापजापति गौतमी याद रखिएगा भगवान बुद्ध की फॉस्टर मदर फॉस्टर मदर फॉस्टर मदर का मतलब क्या होता है जिन्होंने पाला है मगर जिन्होंने जन्म नहीं दिया है जैसे भगवान कृष्ण के लिए हम बोलते हैं कि उनका जन्म जो है माँ यशो मा, देवकी ने दिया था मगर उनको पाला किसने था माँ यशोदा ने पाला था तो माँ यशोदा क्या हो जाएंगी फॉस्टर मदर हो जाएंगी एग्जैक्टली उसी तरीके से भगवान बुद्ध के जन्म के बाद में उनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनको फिर उनका जो लालन पाला है, महा प्रजापति गौतमी जी ने किया था तो ये इनकी फॉस्टर मदर थी तो सबसे पहली महिला जिन्होंने भगवान बुद्ध के संघ को ज्वाइन किया था उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी और ये जब एक बार जब एक पुरुष जब संघ में आता था तो उसको बोला जाता था भिखू उसी तरीके से जब एक महिला एक संघ इस संघ को ज्वाइन करती थी तो उसके लिए जो नाम पड़ा या जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो था भिक्खुणी याद रखना है इस बात को पहली जो भिक्खुणी थी या संघ में जाने वाली जो पहली भिक्खुणी थी वो कौन थी भगवान बुद्ध की खुद की फॉस्टर मदर जिनका नाम क्या था महापजापति गौतमी ठीक है जी मेनी वुमेन हु एंटर्ड संघ बिकेम टीचर ऑफ धम एंड एंड वेंट टू बिकम थेरीज दैट इज रिस्पेक्टेड वुमेन हु लिबरेशन तो बाद में फिर काफी सारी महिलाओं ने जो है संघ को ज्वाइन किया और इनमें से बहुत सी महिलाएं फिर धर्म के प्रचार प्रसार की टीचर बनी और जब ये धर्म का प्रचार प्रसार करने लगी तब इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया बहुत इंपॉर्टेंट है वो है थेरीज़ थेरीज़ का मतलब होता है रिस्पेक्टेड वुमेन वो आपकी रिस्पेक्टेड वुमेन्स जिन्होंने लिबरेशन अटेन कर लिया है उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो है थिरी याद रखिएगा इस बात को संघ जो है पूरी बात एक बार मैं फिर से बता देता हूँ तो उनको भिक्खु बोला जाता था भिक्खु क्या करते थे जैसे भगवान बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते थे उसी तरीके से भिक्खु भी जो है धम के प्रचार प्रसार में लगे बाद में भगवान बुद्ध को आनंद जो उनके फेवरेट डिसाइपल्स में से एक हुआ करते थे आनंद ने जो है भगवान बुद्ध को मनाया कि भाई आप महिलाओं को भी शामिल होने के लिए इसमें मतलब जो है परमिशन दीजिए तो फाइनली फिर महिलाओं को भी शामिल किया जाने लगा और इनमें से फिर जो महिलाएं हैं जैसे पुरुष आपके भिक्खु कहलाते थे, थे तो महिलाएं जो हैं भिखु कहलाने लगी महिलाएं जो हैं भिक्षुणी कहलाने लगी इनमें से कई सारी महिलाएं फिर जो हैं धर्म के प्रचार प्रसार में भी लगी और उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो क्या था थेरी या थेरीज थेरीज का मतलब क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड टीचर जिन्होंने लिबरेशन वगैरह अटेंड कर लिया हो तो ये अपने को ध्यान में रखना है चलें आगे बढ़ते हैं अब भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स जो थे वो हर एक आपके सोशल ग्रुप से आते थे जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है यहाँ तक तो हम लोगों ने बातचीत करी आपके जो आपके ये आपके जो फॉलोअर्स वगैरह हैं इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ तक बातचीत कर ली है जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अब कहाँ कहाँ से आपके फॉलोअर्स वगैरह आते रहे थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे तो याद रखिएगा इस बात को भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स हर एक जो है आपको सोशल ग्रुप या सोशल कैटेगरी से आते हुए दिखते हैं समझ में आते हैं इसमें कई सारे राजा भी थे जो भगवान बुद्ध के आपके फॉलोअर बन गए कई सारे राजा थे जो भगवान बुद्ध के फॉलोअर बन गए और उन्होंने जो है आपका आ... अपना सब कुछ राजपाट त्याग दिया और भिक्खू बन गए या फिर भगवान बुद्ध की शरण में आ गए या फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया और अल्टीमेटली राजकाज किया मगर भगवान बुद्ध की टीचिंग्स एंड फिलोसफीज को भी शामिल किया तो कई आपके भगवान बुद्ध के फॉलोअर्स जो थे हर तरीके के सोशल ग्रुप से आते थे इसमें राजा भी शामिल थे किंग्स भी आते थे इसमें वेल्थी मैंस भी शामिल थे ऐसे धर्नाट्य लोग भी शामिल थे जो राजा नहीं है मगर खाते पीते हैं काफ़ी पैसे वाले हैं इस तरीके के आपके जो अमीर उमराव होते हैं वो भी इसमें शामिल थे गाहपति जो हैं वो भी इसमें शामिल थे इसके बाद में आपके जो वर्कर्स हो गए सामान्य वो

Uh, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ये करेंगे तो करिएगा इसको थोड़ा सा चले आगे बढ़ते हैं आप जो आ, आप ये जो संघ की स्थापना की है जिसमें भिक्खू और भिक्खुणी वगैरह शामिल हो गए और जिसका जो मेन काम था वो धम्म का प्रचार प्रसार था धम्म का प्रोपोगेशन करना जो है संघ का मेन काम है ठीक है जी धम्म का प्रोपोगेशन करना संघ का मेन काम है मगर अब जब इतने सारे लोग एक पर्टिकुलर संस्था में जुड़ते हैं जब इतने सारे लोग जब संस्था में आते हैं और साथ में रहना शुरू करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए तो होता क्या है देखिए फिर ये जो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है इसको चलाना भी पड़ता है फिर आपको उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाना पड़ते हैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह जो है करना पड़ती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करना पड़ता है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना पड़ते हैं सारी खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ती है रहने की आपका बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन सारी चीज़ों के को आपको देखना पड़ता है इनका टेक केयर करना पड़ता है तो बहुत सी चीज़ें जो है इनका ध्यान रखना पड़ता है तो अभी इसके चलते आपको संघ को जो है चलाने के लिए उसकी इंटरनल फंक्शनिंग को चलाने के लिए एक सिस्टम की या फिर एक मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी जो है ये बात लागू होती है हर संस्था की तरह संघ की फंक्शनिंग के लिए भी जो है एक मैकेनिज्म की जरूरत आपको पड़ी आप एक एक मैकेनिज्म की जरूरत महसूस हुई तो संघ की जो इंटरनल फंक्शनिंग थी ये बेसिकली गणाज एंड संघाज के फंक्शनिंग के ऊपर या जो एंड गणास के जो हुआ करते थे उसके ऊपर बेस थी अब कई लोग जो डायरेक्टली ये चैप्टर देख रहे हैं वो पूछेंगे कि ये गणास एंड संघास के ट्रेडिशंस क्या होते हैं तो इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर टू में मिलेगा जिसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि सोलह महाजनपद हुआ करती थी इसमें से मैक्सिमम महाजनपद हैं तो खैर आपका उसमें मतलब एक राजा हुआ करता था और राजा अपना शासन चलाता था मगर कई सारी आपकी ऐसी भी महाजनपदें हुई हैं जो ऑली हुआ करती थी ऑली गैरकीज का मतलब यह है कि एक आदमी रूल नहीं करता है ग्रुप ऑफ मेन जो हैं वो कलेक्टिवली पावर एक्सरसाइज करते हैं ग्रुप ऑफ मेन जो है वो कलेक्टिवली आपका पावर एक्सरसाइज करते हैं एंड इन सबके सब जो ग्रुप ऑफ मेन में लेट से ओलीगैर की है और उसमें पांच लोग हैं और पांच के पांच जो लोग हैं वो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब कोई भी एक जो है राजा नहीं है और सबके सब जो है राजा कहलाते थे, थे इस तरीके की व्यवस्था आपकी हुआ करती थी इस तरीके के महाजनपद जिसमें कोई एक राजा नहीं है जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो आपका पावर एक्सरसाइज कर रहा है उसको हम लोग या तो गण या फिर संघ बोलते थे इंग्लिश में उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है गणास एंड संघास तो जिस तरीके से आपके गणास एंड संघास के ट्रेडिशन्स चलते थे उसी तरीके से भगवान बुद्ध का बनाया हुआ जो संघ था उसके ट्रेडिशन वगैरह को भी चलाया गया किसी एक आदमी के हाथ में पूरी पावर नहीं दी गई एक आपका ग्रुप बनाया गया का और का एंड एंड उन्होंने जो है फिर इसके रूल्स रेगुलेशन बना के उसके अनुसार इसकी फंक्शनिंग वगैरह को चालू किया अब अगर लाइट से संघ में किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर कोई निर्णय लेना है किसी पर्टिकुलर विषय के ऊपर जो है कोई फाइनली डिस्कशन कोई निर्णय आपको लेना है तो इस तरीके से कोई भी जब विषय आता था सामने तो इस तरीके के विषय वगैरह कोई भी लेने के लिए या के लिए कोशिश यह की जाती थी कि डिबेट एंड डिस्कशन वगैरह हो उस चीज के ऊपर आपका चर्चा परिचर्चा हो और चर्चा परिचर्चा वाद विवाद करके अल्टीमेटली फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज या फिर किसी कंसेंसस जाए इफ़ दैट फेल्ड परिसीजन टेकन अ वोट ऑन द सब्जेक्ट अब अगर यह चीज नहीं हो पाई अगर आप कंसेंसस पर नहीं पहुंच पाए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना हो गया कि किसी एक पर्टिकुलर बात के ऊपर एक एकमत्ता नहीं बनी तो उसके बाद में फिर किसी भी चीज के ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन कराने के बाद में वोटिंग करवाई जाती थी एंड वोट

मिलते हैं या नहीं मिलते लोकतांत्रिक व्यवस्था या उस तरीके की कुछ आपको लोक लोकतांत्रिक ता, तरीके की कुछ प्रथाएं देखने को मिलती हैं या नहीं मिलती तो उसका जवाब आपको यहां पर देखने को मिलता है कि इंडिया में एंशियंट टाइम पीरियड से एंशियंट टाइम पीरियड से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो हैं एग्जिस्ट करते थे दो एग्जाम्पल्स इसके बड़े क्लियर तौर पर दिए जा सकते हैं दो शाइनिंग एग्जाम्पल आपको दिए जा सकते हैं सबसे पहला तो गणास हुआ करती थी और दूसरा एग्जाम्पल दिया जा सकता है बुद्धिस्ट संघ का जिसमें भी जो है पूरा डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स वगैरह के साथ में चलते थे तो ये जो एक सवाल उठता है कि अंग्रेजों ने हमको लोकतांत्रिक बनाया है या हमको डेमोक्रेसी सिखाई है ऐसा नहीं है ढाई हज़ार साल पहले भी हमारे यहाँ डेमोक्रेसी किसी ना किसी रूप में प्रैक्टिस हो रही थी ठीक है एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज प्रैक्टिस होती है बट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन आपको तब भी देखने को मिलते थे ऐसा नहीं था कि सिर्फ अभी हम अंग्रेजों ने हमको जो है आपका डेमोक्रेसी वगैरह सिखा दी अगली चीज जो आती है वो है थेरी का था जैसा कि मैंने आपको बताया कि थेरीज जो थी उन भिखुड़ियों को बोला जाता था जो धर्म का प्रचार प्रसार किया करती थी तो थेरी गाथा जो है उन्हीं के द्वारा लिखी गई है किताब है एक टेक्स्ट है तो थेरी गाथा अपने आप में एक बहुत यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो बेसिकली सुत्तपिटक का पार्ट है याद रखिएगा सुत्तपिटक और थेरी गाथा सिर्फ उसी का पार्ट है सुत्त पिथक का पार्ट है थेरी गाथा सुत्त पितक का पार्ट है अपने को ध्यान रखना है ठीक है जी थेरी गाथा सुत्त पिता का पार्ट है लिखा किसने है थेरीज जो थी आपकी जो भिखुड़ियाँ थी जो आपका धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी उनके द्वारा लिखी गई यह किताब है सुत्त पिथक का ये पार्ट है इसमें आपको देखने को क्या मिलता है वो सारी वर्सेज वगैरह जिनको भिखुड़ियों ने लिख कर तैयार किया था वो सारी की सारी वर्सेज जो भिखुड़ियों के द्वारा कंपोज की गई थी या फिर वो भिखुड़ियाँ जो थेरी बन गई थी यानी कि जो धम्म का प्रसार करने में लगी हुई थी उनके द्वारा जो कलेक्शन उनके द्वारा जो आपका अलग अलग भिकुणीों, भिकुणीों के द्वारा जो आपकी वगैरह या जो श्लोक वगैरह इस तरीके की चीजें कंपोज की गई थी उनका कलेक्शन आपको थेरी गाथा में देखने के लिए मिलता है अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त में इट प्रोवाइड्स एन इंसाइड इंटू वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस उस वक्त में एक महिला के क्या सोशल एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे समाज में और क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुआ करते थे इसके बारे में हमको काफी सारी चीजें पता चलती हैं अब सोशल एक्सपीरियंस एक सामान्य आपकी जो एक नॉर्मल जो वुमेन है एक जो नॉर्मल वुमेन है उसके अपने जो सोशल एक्सपीरियंसेस हैं वो और वही वुमेन अब जब भिखुणी बन जाती है वही महिला अब जब भिखुणी बन जाती है तो फिर उसके क्या सोशल एक्सपीरियंसेस हैं समाज उसको किस तरीके से लेता है किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करता है तिरस्कार करता है जो भी चीज़ें हैं उसके साथ उसको रिजेक्ट करता है उसके साथ में बिहेव करता है वो सारी की सारी चीज़ों को बताया गया कि एक महिला जब एक सामान्य महिला हुआ करती थी तब उसके साथ में किस तरीके का बिहेवियर आपको देखने के लिए मिलता है या किस तरीके से लोग उसके साथ में बिहेव कर रहे हैं एक तो ये चीज़ हो गई एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर एक वही महिला जब भिखुड़ी बन गई है तब पहले वाले केस में समाज उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसको लेके किस तरीके से उसके साथ में बिहेव कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको उसके साथ में उसके साथ में एडजस्ट कर रहा है वो महिला समाज के आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके साथ में आपका एडजस्ट कर रही है तो ये सारी की सारी चीज़ें और उसके बाद में वही महिला जब भिखुणी बन गई तब क्या कहानी है इसी तरीके से जब इस महिला का, का एक नॉर्मल जिंदगी चल रही है तब स्पिरिचुअलिटी का उसकी ज़िंदगी में क्या असर है उसको स्परिचुअलिटी के नाम पर क्या करने दिया जाता है या क्या नहीं करने दिया जाता है? वो चीज़ एंड जब वो भिकुर्णी बन जाती है उसके बाद में स्पिरिचुअलिटी का उसका क्या एक्सपीरियंस है सारी की सारी चीज़ों को इसमें बड़े अच्छे तरीके से बहुत खूबसूरत वर्सेज वगैरह में कवर किया गया है ये और ये सारा का सारा जो कलेक्शन है किसी एक भिखुणी का बनाया हुआ नहीं है ये अलग अलग जो आपकी विखुड़ियाँ जो थेरीज बन गई थी जो आपका धम के प्रचार प्रसार में लगी हुई थी उनका कलेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है और टुगेदर इट इज़ कॉल्ड थेरी गाथा इसको थेरी गाथा कहा जाता है तो याद रखिएगा थेरी गाथा किसका पार्ट है थेरी गाथा जो है वो सुत पितक का पार्ट है ठीक है और ये थेरीज के द्वारा आपका जो वर्ड्स का कलेक्शंस वगैरह है उसको इसमें शामिल किया गया है ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ बुद्धिज्म की ग्रोथ के बारे में तो जैसा कि इतनी सारी बातचीत हम लोगों ने कर ली है तो उससे आपको समझ में आ ही गया है कि बुद्धिज़्म अपने आप में एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर की तरह था जिस तरीके से एप्पल के प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स वगैरह आना शुरू हुए आई आया करता था आई आया करता था फिर आई आ गया और उसके बाद में इन्होंने आके मार्केट में धूम मचा दी और लोगों ने हाथों हाथ इनको लिया फिर उसका फिर जो है बड़े लेवल पर फिर जो है मतलब एप्पल जो है उसको एक्सेप्ट किया गया एंड कहीं ना कहीं आज की तारीख में एप्पल अपने आप में एक ब्रांड है ठीक है एप्पल जो प्रोडक्ट्स हैं हैं वो अपने आप में एक अलग क्वालिटी रखते हैं। जिस तरीके से उसका से उसका एकदम आपको बिजनेस में ग्रोथ वगैरह देखने को मिलता है हालांकि ये सही एग्जाम्पल नहीं है मगर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं उसी तरीके से जिस तरीके से बुद्धिज्म जब जब बुद्धिज्म जो है अल्टीमेटली लोगों के सामने आया तो उन्होंने इसको इस तरीके से देखा कि यार ये तो ऑल टुगेदर अपने अपने आप में एक अलग चीज़ है तो उसके बाद में फिर इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिडली हुई हमने पहले भी देखा लोगों ने हाथों हाथ लिया जब तक भगवान बुद्ध जिए तब भी बुद्धिज़्म बहुत रैपिडली ग्रो किया था और उनकी जब मृत्यु हो गई उसके बाद में भी जो है बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो किया है बहुत तेज़ी से ग्रो किया है सारे इनके फॉलोअर्स इनको अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बाउंड के बाउंड्री के बाहर भी लेकर गए और वहां पर भी फिर इसने जो है बहुत बड़ी ग्रोथ आपको दिखाई है अब सवाल ये उठता है कि हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के टाइम पीरियड में कि चौसठ तरीके के सेक्ट्स होते हैं ठीक है बुद्धिज्म के बारे में जब इतना तो क्लियर है कि बुद्धिज्म ने बहुत रैपिड ग्रोथ शो किया था हिंदुस्तान की खुद की पॉपुलेशन साठ सत्तर परसेंट बुद्धिस्ट हो गई थी एक जमाने में तो बहुत रैपिड ग्रोथ आपको बुद्धिज्म की देखने के लिए मिलती है इंडिया में भी देखने को मिलती है इंडिया के बाहर भी देखने को मिलती है भगवान बुद्ध जब तक जीवित रहे तब भी आपको देखने को मिलती है और भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में भी आपको जो है ये रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है अब सवाल उठता है वाई आखिर बुद्धिज़्म जो है इतना रैपिडली ग्रो क्यों करा एक क्योंकि इसी से को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करता हूँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट से ही हमको पता चलता है कि चौसठ तरीके के सेक्ट्स हुआ करते थे चौसठ तरीके की फिलासफीज़ या स्कूल ऑफ थाट्स हुआ करते थे तो इन चौसठ तरीके की फिलोसफीज या स्कूल ऑफ थाट्स में से प्राइमरीली बुद्धिज़्म और जनिज्म और सनातन धर्म जिसको आप कह सकते हैं और एक आध और इधर उधर ही क्यों बचे बाकी सारे क्यों खत्म हो गए पहली बात और इनमें ये सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आपको बुद्धिज्म में ही क्यों देखने को मिलती है इतना रैपिड ग्रोथ किसी और में क्यों आपको देखने को

वगैरह का पालन करती थी इस वक्त में बहुत से लोग जो है वो एग्जिस्टिंग आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह चल रही थी इसके साथ में कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे बहुत डिससेटिस्फाइड चल रहे थे और जो रैपिड सोशल चेंजेस उनके आसपास हो रहे थे उनको लेकर भी वो काफी हद तक कंफ्यूज थे ठीक है जी उनको लेकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहे थे दूसरा ये कि जो इम्पॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं अटैच आपका बुद्धिज़्म में जो इम्पोर्टेंस है जो वो अटैच किया जा रहा है आपका कंडक्ट्स और वैल्यूज़ के ऊपर ना कि बर्थ के ऊपर बेस्ड किसी सुपरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है तो इस चीज़ ने लोगों को बहुत ज़्यादा अपील करी ये बहुत प्रोमिनंट फैक्टर है जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों ने बुद्धिज़म को इतना हाईली जो है अडॉप्ट किया पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त तक लोग आपकी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस वगैरह जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन्स में आपको देखने को मिल रही थी उससे बहुत बुरी तरीके से डिसेटिस्फाई हो चुके थे और कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन आपको देखने को मिल रहा था रैपिड सोशल चेंजेस वगैरह जो हो रहे थे और ये सारी चीजों के साथ में कहीं ना कहीं एक आपका एक इस, इस तरह से समझ सकते हैं कि क्रिस्टलाइज किस्म का जो है आ, एक आ, इसको ऐसे समझना चाहिए फिर उसको इस तरह से बोला जा सकता है कि एक इस तरीके की आइडियोलॉजी बनकर आ गई थी जो बिल्कुल बदल नहीं रही थी जो अपने आप में चेंजेस नहीं लाना चाहती थी जो अपने आप में किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहती थी जो ज़रा सी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं थी समाज बदल रहा है वक्त बदल रहा है परिस्थितियां बदल रही हैं जज्बात बदल रहे हैं सारी चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें एक तरफ आपको चेंज की बयार देखने को मिल रही है और साथ में एक रिजिड आइडियोलॉजी है जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करना चाहती एक रिजिड आइडियोलॉजी है जो किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करना चाहती तो उसके चलते फिर हुआ ये कि कहीं ना कहीं और उसमें फिर अगर आपको बुद्धिज़म एंटर करवा देते हैं ऐसी परिस्थिति में अगर बुद्धिज़म एंटर करता है तो ऑब्वियस ही बात है लोगों ने फिर इसको हाथों हाथ हाँत लिया और कहीं ना कहीं कही इसके तरफ लोग अट्रैक्ट हुए पहली बात दूसरी बात ये जो शायद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न था कि भैया तुम्हारी ज़िंदगी का सारा बोझ तुम्हारे माथे है तुम्हारे ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है अच्छा करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए है बुरा करोगे तो भी तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम ईश्वर का को इसमें बिल्कुल कहीं से कहीं तक इक्वेशन में मत लाओ ईश्वर को दोष मत दो किसी भी चीज के लिए पुराने कर्मों को दोष मत दो ये सारी बातें मत करो अल्टीमेटली जो भी आपने कर्म है उन्हीं के बेसिस पर आपकी जिंदगी जो है डिसाइड हो रही है जो भी आप हैं अपने कर्मों के चलते हैं जो भी आप बनेंगे वो भी आप अपने कर्मों के चलते, चलते बनेंगे तो मेरे मध्य मार्ग को फॉलो करो और अपने ऊपर इंफोसिस करो अपने खुद के कर्म करो अपने सेल्वेशन वगैरह के लिए तो जब ये लोगों को पता चला कि वो खुद एक्ट कर सकते हैं उनकी जो भी जिंदगी है अच्छा बुरा सही गलत उस जो भी करना है अपने लिए वो खुद कर सकते हैं इसके लिए उनको किसी और को जो है दोष देने की जरूरत नहीं है वो ईश्वर के ऊपर जो है और सारा मलबा नहीं डाल सकते किसी भी चीज का तो जब आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि भाई आप जो है, अपने अपने कंडक्ट और वैल्यूज के साथ में अपने बिहेवियर के साथ में अपने कर्मों की मदद से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को ला सकते हैं किसी तरीके की सुपिरियोरिटी या इन्फीरियोरिटी का कोई लेना देना नहीं है आपके बर्थ का आपकी जाति का आपके वर्ण का आपकी कास्ट का किसी चीज का कोई लेना देना नहीं है आप यू योर सेल्फ हैपन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज गोइंग इज हैपनिंग विथ यू एंड जो भी चीज़ आपके साथ में घट रही है घटेंगी घट चुकी हैं सब चीज़ों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो जब ये बात अल्टीमेटली आ गई तो इसने लोगों को बहुत ज्यादा अपील किया तीसरी बात यह कि आपका पूरा का पूरा, पूरा एम्फेसिस मेतता के ऊपर था मेता यानी कि फेलो फीलिंग फेलो फीलिंग का मतलब यह है कि अपने लोगों जितने भी लोग हैं सबको साथ में लेकर चलना है ग्रुप बिहेवियर वगैरह जो है इसके ऊपर फोकस वगैरह किया गया मेत्ता के साथ साथ कहीं ना कहीं करुणा यानी कि कंपैशन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया खास तौर पे उन लोगों के लिए जो या तो आपसे कमजोर हैं या फिर आपसे यंग हैं इनके प्रति जो है बहुत ज्यादा आपने करुणा का भाव रखना है तो मेत्ता का भाव मेत्ता मतलब आपका फेलो फीलिंग एंड करुणा इसका भाव इन दोनों चीज़ों ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है लोगों के ऊपर असर डाला एंड इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है आपको देखने को मिला इन सारे आइडियाज़ ने बुद्धिज़म की तरफ में महिलाओं को पुरुषों को बहुत बड़ी मात्रा में खींचा बहुत ज़्यादा तेज़ी से जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है लोग जो है बुद्धिस्ट टीचिंग्स की तरफ में अट्रैक, अट्रैक्ट होते होते चले गए और इस सारे अट्रैक्शन का नतीजा ये निकला कि लोग जो हैं बहुत बड़े लेवल पर बौद्ध हुए बहुत बड़े लेवल पर बुद्धिज़्म को अपनाया ना सिर्फ इंडिया में पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सेंट्रल एशिया में मंगोलिया आपका आ, मंगोलिया तक चले गए और आप ईस्ट एशिया में चले जाओ तो फिर चाइना हो गया जापान हो गया वियतनाम हो गया कम्बोडिया लाओस बहुत बड़े इलाके में बुद्धिज़्म बहुत बड़े लेवल पर फैला है और उसका प्रभाव हमें आज तक देखने के लिए मिलता है चलें तो यहाँ पर जो है आज का सेशन इसके सारे टॉपिक्स वगैरह खत्म होते हैं एंड इसी के साथ अपना आज का सेशन भी जो है यहाँ पर समाप्त होता है नेक्स्ट जो अपना सेशन रहेगा उसमें इसी के आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड उसमें फिर हम लोग बातचीत करेंगे जो स्तूप वगैरह बनाए गए हैं स्तूपा वगैरह का पूरा कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया गया उसकी डिटेल्स के बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है मगर वो सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में आज का जो सेशन है इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं मगर एंड करने के पहले कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं उसके बाद में फिर हम लोग सेशन को अपना समाप्त करेंगे देखते हैं सर तो जैसा कि मैंने आपको सेशन की शुरुआत में ही बताया था मैग्नेट ब्रेन से कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक एंड बियॉन्ड सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है यहाँ पर आपको सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम का क्लास वन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मिलेगा हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है वो भी आपको एक्सेस करने के लिए मिलेगा एन टी एस सी हो गया ओलंपियाड हो गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया स्पोकन इंग्लिश यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड इन सबका कंटेंट आपको यहाँ पर एक्सेसिबल है यहाँ पर आपको इन सबका कंटेंट देखने के लिए मिलेगा ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट है इसके लिए आपको बिल्कुल एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है अगला सवाल जो आप पूछोगे कि ये सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कैसे किया जा सकता है तो इसके तीन तरीके हैं है, इन इनमें से कोई भी एक तरीके की मदद से आप इस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो सबसे पहले तो आप मैगनेट ब्रेन्स की का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाकर आप ये सारा का सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो सारा का सारा कंटेंट देख सकते हो दूसरा मैग्नेट मैगनेट्रेंस की वेबसाइट पर जाकर आप इस सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो और तीसरा इसे आप मैग्नेट ब्रेंस के ऐप को डाउनलोड कर कर भी जो है एक्सेस कर सकते हो ये शायद सबसे अच्छा तरीका है ऐप डाउनलोड कर, कर इसको एक्सेस कर लेने का तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे इसकी मदद से आप इस सारे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं ये कंटेंट आपके मोबाइल फोन पर भी चल जाएगा या आपके टैबलेट पर भी चल जाएगा या आपके पीसी पर भी चल जाएगा तो जो जहां पर भी आप इस कंटेंट को एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं देख सकते हैं इसके अलावा हम इस बात को भी समझते हैं कि एक लेक्चर आप एक बार दो बार मैक्स टू तो मैक्स तीन बार देखोगे इससे ज़्यादा नहीं देखोगे फिर आपको रिविज़न करना होगा और रिविज़न के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की तो ये नोट्स आपको बुक्स के फॉर्म में और ई बुक्स के फॉर्म में जो है अवेलेबल करवाए जाते हैं ये इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा तो यहाँ से आप इनको भी एक्सेस कर सकते हैं और इनकी मदद से आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जितना हो सके उतना ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं बिसाइड दिस अगर आप चाहें तो हम वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं वहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपकी जो भी क्यूरीज़ वगैरह हैं जो भी आपके मन में डाउट्स हैं जो भी आपके मन में शंका हैं सब आप हमें बता सकते हैं तो उनको भी जो है हम लोग यहाँ ले लेंगे एंड उनको भी जो है हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे तो जितना हो सके इस वेंचर का फ़ायदा उठाएँ जितना हो सके इस वेंचर की मदद से अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को इन्हांस करें जितना हो सके अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर और आला से आला बनाएं अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है लेकर आए बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें और सफलता और तरक्की के रास्ते पर आगे चलते रहें इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि उन्हें मैग्नेट ब्रिंस की जरूरत है बट वो इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उन तक भी जो है मैग्नेट ब्रिंस का संदेश पहुंचाएं और जमने एक ये अलग जगह रखी है कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदुस्तान के हर एक बच्चे तक लेकर जाना चाहते हैं इसमें आप भी जो हैं जुड़े हमारे साथ में आप भी जो हैं इसमें मैगनेट ब्रिंस के एम्बेसडर के तौर पर पार्टिसिपेट करें तो अपना भी भला करें दूसरों का भी भला करें क्योंकि जैसा कहा जाता है कि ज्ञान से बड़ा कोई पावर नहीं होती ज्ञान से बड़ा कोई एम्पावरमेंट नहीं होता बस इसी रास्ते पर चलते रहें अपने आप को एम्पावर करते रहें दूसरों की भी मदद करते रहें और जिंदगी में अच्छे से अच्छा करते रहें एंड जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेज़ के साथ इसी नोट पर आज का सेशन मैं समाप्त करता हूँ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पर हम लोग इसी चैप्टर के क्विक एक रिविज़न के सेकेंड पार्ट के साथ में कंटिन्यू करेंगे स्तूप स्तूप के कंस्ट्रक्शन और इससे रिलेटेड वेरियस फीचर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और बाकी सारी बातें करेंगे मगर वो सब नेक्स्ट सेशन में आज के लिए बस इतना ही तब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में तब तक अपना ध्यान रखें खुश रहें पॉजिटिव रहें हंसते मुस्कुराते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेज़ के साथ थैंक यू जय हिंद